नमस्ते सभी का यथायोग्य अभिवादन। जी इस सत्र में हम लोगों ने पूरी कार्यशाला की पृष्ठभूमि और उसके महत्व पे बात किया। अब हम लोग उसकी वस्तु पे बात करना शुरू करते हैं। इस सत्र में हम लोग मानव की मूल चाहना और उसकी पूर्ति के बारे में बात करेंगे। वो जैसा कि कई बार चर्चा में आया ही और आप सभी आनंद संस्थान से जुड़े हैं, तो आनंद मनुष्य की मूल चाहना है और आनंद का अर्थ क्या है, आनंद पूर्वक जीने के लिए क्या कार्यक्रम बनता है, इसको अब हम लोग विस्तार से धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे और आगे आने वाले सारे सत्रों में ही उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे और फैलाएंगे पूरी वस्तु को। इसके साथ ही हम समग्र विकास के बारे में बात करेंगे। समग्र विकास की क्या अवधारणा होगी, हम लोग विकास चाहते हैं, विकास को लेकर बहुत सारी योजनाएं और कार्यक्रम बनाते हैं, बट कब हम ऐसा कह पाएंगे कि विकास समग्र है, ये बात समझने की जरूरत है। और उस समग्र विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होगी। जब हम चारों तरफ समाज को देखते हैं तो बहुत सारी समस्याएं और कठिनाइयां दिखती हैं और कई बार हमारा पूरा विचार क्रम उन समस्याओं से घिर जाता है और उसमें हम समाधान को कई बार नहीं देख पाते हैं। तो उस समाधान को हम तभी देख सकते हैं जब हमें मानव की मूल चाहना स्पष्ट हो, समग्र विकास की अवधारणा स्पष्ट हो और उसमें हमको अपनी भूमिका भी स्पष्ट हो जाए। तो इस पर हम लोग इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। और मैं शुरू में ही कहूँ कि ये एक संवाद की प्रक्रिया रहेगी। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई वस्तु रखूंगा और सिर्फ आपको सुनना है, परंतु एक संवाद के माध्यम से हम आगे चलेंगे। अभी हमारे पास जो समय उपलब्ध है वो 1:30 बजे तक का समय उपलब्ध है, परंतु उसके बाद 3 से 4:30 का भी समय उपलब्ध है। तो इस 1.5 घंटे में हम लोग इस पूरी बात को जितना बन पाएगा उतना रखेंगे और उसके बाद अगर कुछ चर्चा और शेष रह जाती है तो उसको हम लोग आगे के सत्र में भी करेंगे। मैं बता दूं, मेरा नाम कुमार संभव है और इस बात को मैं आगे लेके प्रस्तुत कर रहा हूँ। AICT के चेयरमैन प्रोफेसर सहस्र बुद्धे जी ने कुछ बातें रखी थी और ऐसा ही प्रयास जैसा AICT कर रहा है, आज के दिन हम लोग करीब 15-20 वर्षों से शिक्षा में करने का प्रयास करते रहे भिन्न भिन्न स्तरों पर। AICT के जुड़ जाने से एक नेशन वाइड, एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम बन पाया और आज के दिन ये उपलब्धि की बात है कि पूरे मध्य प्रदेश में हम इस बात को ले जा पा रहे हैं। मूल मुद्दा तो शिक्षा संस्कार के मानवीयकरण का है, क्योंकि जब शिक्षा संस्कार जिससे हर मानव गुजरता है और अगर हम ठीक से देखें तो अपने पूरे जीवन काल में पूरी धरती पे मानव ही एक ऐसी इकाई है जो अपने जीवन काल का 1/3 से 1/4 हिस्सा जो है शिक्षा लेने के लिए बिताता है। उसके कुछ अपेक्षाएं होंगी शिक्षा संस्कार से, क्या अपेक्षा होगी? तो शिक्षा संस्कार से अपेक्षा होती है कि उससे एक मानव में सही दृष्टि बन जाए, जिसको मानवीय दृष्टि कहेंगे। और मानवीय दृष्टि भी तभी बन सकती है जब शिक्षा मानवीय हो। तो मानवीय शिक्षा संस्कार से या अपेक्षा की मानवीय दृष्टि बने, पूरे हमारे ऐसे देखने का ढंग बने जिससे हम अपने आप को समझ पाए, आसपास को समझ पाए, उसमें अपनी भागीदारी को ठीक से समझ पाए। ऐसी दृष्टि जब बन जाती है तो हम सबके अंदर कल्पनाशीलता में एक निश्चितता आती है और उसके आधार पर मूल्यों का चिंतन कर पाते हैं। इस दृष्टि के साथ मानवीय मूल्य का चिंतन कर पाते हैं और जितना जितना हम इस चिंतन को कर पाते हैं उतना हमारा मानवतापूर्ण जीने का एक अभ्यास हो पाता है। तो फिर इस दृष्टि के साथ जब कोई छात्र अपने लिए हुनर का चयन करने जाता है तो सही हुनर का चयन कर पाता है कि ऐसा हुनर जो हमारे सुख समृद्धि के अर्थ में भी हो, दूसरे के सुख समृद्धि के अर्थ में भी हो, न कि सिर्फ पैसा कमाने के अर्थ में हो, न कि प्रकृति को तहस नहस करने के अर्थ में हो। तो मानवीय आचरण पूर्वक जीने के लिए सही हुनर क्या होगा, इसका ठीक ठीक चयन कर पाता है, छात्र भी कर पाता है और छात्र को शिक्षा देने वाले शिक्षक भी कर पाते हैं। तो ऐसी शिक्षा एक मानवीय समाज का आधार बन पाती है, स्तंभ बन पाती है और ये समाज एक मानवीय व्यवस्था का स्वरूप ले पाता है, ये पूरा क्रम बनता है। इसलिए शिक्षा संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कई बार ऐसा चर्चा में आता है कि क्या मूल्यों को शिक्षा विधि द्वारा दिया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है। अंग्रेजी में कहें तो कई बार ये सुनने में आता है कि वैल्यूज कैन ओनली बी कॉट, कैन नॉट बी टॉट, ऐसी कई बातें निकल कर आती है। परंतु ठीक से देखेंगे तो पाएंगे कि अगर शिक्षा के द्वारा हम मूल्य स्थापित न कर पाए तो फिर शिक्षा का प्रयोजन क्या रहा। तो शिक्षा के द्वारा मूल्य को स्थापित करने की जरूरत है और अपने आचरण के द्वारा बच्चों को प्रेरित करने की भी जरूरत है। तो अगर सही विधि से देखें तो उसको कहेंगे कि वैल्यूज कैन बी टॉट एज वेल एज कॉट। तो जब शिक्षक छात्रों के सामने जाता है और जो वस्तु रखता है शिक्षा की वस्तु के रूप में,
उससे छात्रों के अंदर एक समझ बनती है, उस समझ के आधार पर मूल्यों की स्पष्टता होती है, जीने के लिए प्रेरणा बनती है। साथ ही छात्र शिक्षक के पूरे आचरण को देखता है, व्यवहार को देखता है, कार्य को देखता है, उनके जीने के तरीके को देखता है, रहन सहन को देखता है और कई बातों पर उसका ध्यान आकर्षण होता है। तो लक्ष्य तो ये है कि मूल्य शिक्षा से आगे बढ़ते हुए मूल्य आधारित शिक्षा हो जाए, मूल्य आधारित शिक्षा से आगे बढ़ते हुए मूल्य आधारित जीना हो जाए, तो हर संस्थान अपने आप में मूल्य आधारित जीने का एक मॉडल बन पाए और वैसा ही निकलकर समाज में एक जीने की पूरी परिकल्पना स्थापित हो पाए। अब कैसे हम कहेंगे कि शिक्षा में मूल्य ठीक जा रहे हैं या नहीं, मानवीय मूल्य है कि नहीं, तो उसके लिए कुछ मौलिक बातों को समझना स्पष्ट जरूरी है। तो कुछ कहेंगे कि ऐसी बातें हैं जो मौलिक हैं, जिसको हमें ठीक से जांच परख करने की जरूरत है। तो अगर हम मानवीय मूल्यों की बात करें तो उसका सार्वभौमिक होना जरूरी है। सार्वभौमिक मतलब हर मनुष्य के लिए वो लागू होता हो, किसी भी देश काल जाति का हो, किसी भी समय का हो, किसी स्थान का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी मान्यता का हो, हर व्यक्ति के लिए ये लागू होना बनता है। सार्वभौमिक हो, सर्वभूमि पे एक समान हो, भी मानने की बाध्यता न हो कि कोई बात कही जा रही है और इस विधि से कही जा रही है कि मुझे मानना ही पड़े, बल्कि हर बात को हम तर्क के कसौटी पे जांच सके, हम उसमें तर्क कर सके। बच्चों को प्रश्न करने की आजादी हो, शिक्षक कोई भी बात कहे तो बच्चों के पास ये आजादी हो, ये स्वतंत्रता हो कि वो प्रश्न कर सकें, जितने भी तरह के प्रश्न बनते हो सारे प्रश्न पूछ सकें, और शिक्षक और छात्र के बीच में संवाद पूर्वक बच्चों को बात समझ में आए तो तर्क संगत हो, विचार में पूरा पड़े, तो हर व्यक्ति के लिए लागू हो, विचार में पूरा पड़े। तीसरी बात है कि प्रमाण योग्य हो, प्रामाणिक हो, यानी कि हम उसे जीने में प्रमाणित कर पाए। जीने में प्रमाणित करने का अर्थ क्या हुआ कि मेरे विचार पूरी तरह से उसी मूल्य आधारित स्थापित हो पाए, निश्चित हो पाए, मेरा व्यवहार ऐसा हो जिससे मुझे सुख मिले, अगले को भी सुख मिले, मेरा कार्य करने का तरीका ऐसा हो जिससे मैं भी समृद्ध हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ रहे और शेष प्रकृति भी पहले से बेहतर हो जाए, तब कहेंगे कि हाँ ये शिक्षा की वस्तु प्रमाणित हो रही है। तो सिर्फ विचार विचार में न रह जाए परंतु जीने में आए, हमारे व्यवहार में आए, कार्य में आए, भागीदारी में आए, उसकी एक परंपरा बन पाए। और चौथी बात की जो भी बात हो उससे एक संगीत या व्यवस्था निकल कर आए, कहीं भी कोई अंतर विरोध, कोई वैमनस्य की बात ना हो, परंतु एक संगीत व्यवस्था की बात हो, लय की बात हो, सामंजस्य की बात हो, सहअस्तित्व की बात हो। तो ये कुछ कसौटियां हैं जिसपे हम कोई भी वस्तु अगर हमारे सामने मानवीय मूल्य के रूप में आती है उसके आधार पर हम जांच परख कर सकते हैं कि ये बात पूरी पड़ती है कि नहीं। तो मैं तो कहूंगा कि जो हम बात कह रहे हैं इस छोर से, ये भी एक प्रस्ताव है, कई और जगहों से भी हमको प्रस्ताव मिल सकते हैं। मूल मुद्दा तो पहली बात इन कसौटियों पर जांचने का है, फिर इसको स्वयं में जांच कर और जी कर देखने का है। इन सबके आधार पर अगर हमारे जीने में एक संगीत और व्यवस्था आती है, समाज में व्यवस्था आती है, तो बात मूल्य शिक्षा का आधार बन सकती है। और परंपरा से हमें बहुत सारे प्रस्ताव मिले हैं और हम लोग इस पूरे शिविर में उनका जो निचोड़ है, जो सार है, उसको रखने वाले हैं। और देखें तो भारतीय परंपरा इस रूप में बहुत समृद्ध रही है कि भारतीय परंपरा में हर पीढ़ी में लोगों ने अपने आप को लगाया है, अपने तन मन धन को लगाया है ताकि वो सत्य को जान सकें, ताकि वो एक सार्वभौम व्यवस्था स्थापित कर सकें, पूरी धरती को एक परिवार के रूप में देख सकें। और ये जो पूरी बात हम लोग करने वाले हैं, इन सबके प्रयासों का निचोड़ है, सार है। जब इतनी बात हमको मूल्य शिक्षा के रूप में मिलती है तो जो कौशल की शिक्षा मिलती है, हुनर की शिक्षा मिलती है, वो मूल्य आधारित हो पाती है। छात्र जो कौशल का चयन करता है वो मियरली पैसा कमाने के लिए किसी भी कीमत पर, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमें भले धरती नष्ट करनी पड़ जाए, हमें जंगल नष्ट करने पड़ जाए, नदियां सुखानी पड़ जाए, परंतु पैसा मिल जाए, ऐसा नहीं होता। परंतु बच्चा ये देख पाता है कि ऐसी कौन सी कलाएं होंगी जिसके द्वारा मानव भी सुखी हो पाए, समृद्ध हो पाए, शेष प्रकृति भी पहले से अधिक समृद्ध हो जाए। कौशल शिक्षा हमारी मूल्य आधारित हो पाती है और तब उससे शिक्षा एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज का निर्माण कर पाती है। अगर अभी हम नई शिक्षा नीति को देखें तो उसमें इस बात की परिकल्पना की गई है, इस बात की आशा की गई है कि ऐसी शिक्षा की परंपरा बने जो न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज तैयार करे। उस अर्थ में ही पूरा एक वर्कशॉप है, पूरा एक शिविर है। तो हम लोग इस सत्र में मानव की मूल चाहना और मूल चाहना की पूर्ति किस प्रकार हो,
समग्र विकास की अवधारणा क्या हो, उस समग्र विकास में शिक्षा की भूमिका क्या हो, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। और इस सत्र से इन तीन चीजों के बारे में एक आपको अनुमान बन जाएगा कि एक तो शिविर का विषय वस्तु क्या है, दूसरा पूरी प्रक्रिया क्या होगी और इससे हम क्या उपलब्धि की अपेक्षा कर सकते हैं। आपको शायद दिखाई देगा कि ये जो शिविर है ये एक शुरुआत है अपने आप में चीजों को देख पाने की, जांच पाने की, समझ पाने की और वैसा ही जी पाने की। इतने को लेकर कोई अगर आपका कोई प्रश्न बनता हो तो बताएं और हम लोग एक संवाद के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि यह एक प्रस्ताव है, इसे कोई बात मानने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जो बात हम अपने एंड पे यहाँ से कह रहे हैं वो आपके विचार से मेल खाता हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि विचार से मेल ना खाता हो, परंतु मेल खा जाए या ना खाए इन दोनों में ही कोई उपलब्धि नहीं है। मुख्य बात तो यह है कि बात हमारी समझ में आ जाए। तो हमारी तरफ से बात ये जानी है कि जो भी वस्तु सुनने को मिले आपको एक प्रस्ताव के रूप में ले और उसे अपने आप में जांचें। कैसे जांचेंगे? तो स्वयं के आधार पर जांचेंगे। किसी बाहरी स्रोत से हम बात को मेल करा कर किसी बात को नहीं जांच पाते, उसको अपने आधार पर ही जांचना होता है। और जब अपने आधार पर जांचने जाते हैं तो हम सबके अंदर एक वस्तु है जिसको हम ध्यान देते हैं तो दिखने लगता है, उसे कहते हैं सहज स्वीकृति। कोई बात हमें सहज रूप से स्वीकार होती है, कोई बात हमें सहज रूप से स्वीकार नहीं होती। यह एक पोटेंशियल है, यह एक क्षमता है हम सबके अंदर। जितना जितना इस पर ध्यान देते हैं वो इतना स्पष्ट होता जाता है और आपको दिखाई देगा कि हर बात को सही या गलत के आधार पर, सही या गलत के रूप में परखने का हम सबके अंदर एक बहुत सशक्त क्षमता है। इसको हम जितना सदुपयोग करते हैं उतना ही हम अपने अंदर से सशक्त महसूस करते हैं। इसको नाम है सहज स्वीकृति। जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, आप इसे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसे जीना सहज रूप से स्वीकार होता है, संबंध पूर्वक या विरोध पूर्वक, इसे अपने आप में जांच के बताना है। आपको कैसा जीना सहज रूप से स्वीकार होता है, संबंध पूर्वक या विरोध पूर्वक, क्या लगता है? हमारी नयनवती जी कह रही है संबंध पूर्वक, दीप्ति जी कह रही है संबंध पूर्वक, अब आप थोड़ा सा देखें कि ये उत्तर आपको कहां से मिलता है। किसने आपको ऐसा बोलने के लिए सिखाया है, आपने कहीं पढ़ा है या स्वयं में ही अपने आधार पर मिल जाता है? आप देखेंगे तो पाएंगे कि हमको स्वयं से, भीतर से अपने आप में ही एक उत्तर मिलता है। या अपने आप में जो हमें भीतर से एक उत्तर मिलता है, किस आधार पर मिलता है, उसी का नाम है सहज स्वीकृति। हम लोग बार बार इसी आधार की ओर ध्यान आकर्षण कराने वाले हैं ताकि हमारा, हमारे अंदर जो क्षमता है चीजों को जांच पाने की, वो हमको और स्पष्ट रूप से दिखने लगे। तो यह एक संवाद की प्रक्रिया है। मेरी तरफ से कोई वस्तु जा रही है आप तक और आप इसे अपने आधार पर जांच के देख सकते हैं और आप पाएंगे कि जितना जितना आप इस बात को अपने अंदर जांचते हैं आपके अंदर एक संवाद शुरू हो जाता है। यह संवाद मेरे और आपके बीच शुरू होता है परंतु संवाद आपके अंदर चलने लगता है। और अपने आप में जब यह संवाद चलने लगता है तो दो तरह की वास्तविकता दिखाई देती है, जैसा मैं हूं और जैसा होना मुझे सहज रूप से स्वीकार है, यानी मेरी सहज स्वीकृति। तो दो अलग अलग चीजें हैं, जैसा मैं हूं, जैसा मैं हूं मतलब मेरा अपना विचार करने का तरीका क्या है, मेरे जीने का ढंग क्या है, मेरा व्यवहार कैसा है, मैं शरीर का रखरखाव कैसा करता हूँ, मेरे आगे के लक्ष्य क्या है, दिशा क्या है, यानी जैसा मैं जीता हूँ, ये पूरा जोड़ कर अगर देखें तो जैसा मैं हूँ। दूसरी एक वास्तविकता है, जैसा होना मुझे सहज रूप से स्वीकार है। और आप देखेंगे तो पाएंगे कि इन दोनों में गैप है, इन दोनों में एक अंतर है। जैसा मैं हूं और जैसा होना मुझे सहज रूप से स्वीकार, इन दोनों में अंतर है। जैसे अभी आपसे मैंने पूछा कि आपको कैसा जीना स्वीकार होता है, संबंध पूर्वक विरोध पूर्वक, तो जितने भी रिस्पॉन्स है उन सब में निकल कर आया कि संबंध पूर्वक जीना स्वीकार होता है। परंतु यदि आप जीने का आकलन करेंगे तो पाएंगे कई बार हम विरोध पूर्वक जीते हैं, परिवार में, समाज में, जिन संस्थाओं में काम कर रहे हैं वहां पर, अपने साथ के लोगों के साथ या अपने ऊपर बैठे लोगों के साथ या जो हमारे नीचे काम करने वाले लोग हैं, कई बार हम उनके अंदर, हमारे अंदर के प्रति विरोध का भाव आ जाता है। तो ये हमारे होने की एक वास्तविकता है, जैसा हम हैं। परंतु आप उन्हीं सारी परिस्थितियों में जांचें और स्वयं से पूछें कि इन सारे लोगों के साथ मुझे संबंध पूर्वक जीना स्वीकार है या विरोध पूर्वक, तो आपकी सहज स्वीकृति से तो यही उत्तर मिलता है, संबंध पूर्वक, भले ही वो जीने में नहीं आ पाता। यानी एक गैप है,
दोनों में एक भेद है, और ये भेद ही हमारे जीने की सारी समस्या है। जैसा मैं हूँ और जैसा होना मुझे सहज रूप से स्वीकार है, इन दोनों में जो अंतर है यही सारी समस्या है। ये अंतर मिट जाए यही सारा समाधान है। तो जितना जितना ये संवाद मेरे और आपके बीच आगे बढ़ेगा, आपको ये अंतर भी स्पष्ट होगा और इस अंतर को दूर करने का उपाय भी स्पष्ट होगा। क्योंकि जितना जितना मुझे अपनी सहज स्वीकृति स्पष्ट होती है ना, उतना उतना मेरा जीना भी स्वरूप होने लगता है। तो ये जो पूरा शिविर है, इस संवाद को ही एक शुरू करने की प्रक्रिया है। इस शिविर में ये संवाद शुरू हो जाए, यानी शिविर सफल हुआ, शिविर का जो लक्ष्य है वो पूरा हुआ। अब कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखते हैं और इससे आपसे ही पूछेंगे, और एक तरीका हम लोगों ने सोचा कि पोल्स हम लोग लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको कुछ प्रश्न सामने दिखाई देंगे और आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो कुछ प्रश्न यहाँ रखे गए हैं, जैसे क्या हम सुखी होना चाहते हैं। तो हमें से हर व्यक्ति को अपने आप से पूछ के देखना है, जैसे क्या मैं सुखी होना चाहता हूँ, क्या मैं समृद्ध होना चाहता हूँ, और क्या मैं सुख समृद्धि की निरंतरता चाहता हूँ। इन तीनों प्रश्नों को आपको स्वयं में तो क्या मैं सुखी होना चाहता हूँ, क्या मैं समृद्ध होना चाहता हूँ, क्या मैं हर पल सुखी समृद्ध होना चाहता हूँ, इन तीनों प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। इस बीच में अगर आपका कोई प्रश्न बनता हो तो उस पर बात कर सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं इस पूरी बात को लेकर। अगर आपका कोई प्रश्न बनता हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और हम लोग इसी विधि से आगे बढ़ने वाले हैं। मुझे अपनी तरफ से जो रखने की बात है बहुत सीमित है, संक्षिप्त है, परंतु जो संवाद होने वाला है उस संवाद में हम लोग बहुत सारे मुद्दों पे बात कर सकते हैं, इसको अपने आप में देख लें। तो क्या मैं सुखी होना चाहता हूँ, दृढ़ता से सहमत हैं, सहमत हैं, न तो सहमत हैं, न असहमत हैं, असहमत हैं, दृढ़ता से असहमत हैं, क्या दिखता है आपको, क्या लगता है? दृढ़ता से सहमत हूँ। दृढ़ता से सहमत है, बहुत अच्छा। और क्या इसकी निरंतरता चाहते हैं, कभी कभी सुखी रहना चाहते हैं, हर क्षण सुखी रहना चाहते हैं? हर क्षण सुखी रहना चाहते हैं। तो जितने भी हम लोगों ने अभी तक शिविर किए उसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कहता हो कि मैं हर क्षण सुखी नहीं रहना चाहता। जी भैया, गणेश जी हमारे साथ। जी नमस्ते। यहाँ मैं दृढ़ता से सहमत हूँ कि हम हर पल सुखी रहना चाहते हैं, समृद्ध रहना चाहते हैं, लेकिन ये सुख और समृद्ध जो है उसका दृष्टिकोण अलग है। मतलब उसमें ऐसा नहीं होगा कि कठिनाइयां नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगी। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हेलो, आ रही सर आवाज? आपकी आवाज सिर्फ कट गई आपकी। हाँ अभी आ रही है जी। हाँ सर, ये हर क्षण सुखी रहना चाहेंगे हम, दृढ़ता से संपन्न रहना चाहेंगे, लेकिन संकट भी आते हैं तो उसके बीच भी हम उसका मुकाबला करेंगे और संतुलित रहेंगे, ये उस संदर्भ में है। जी जी बिल्कुल। तो चाहते तो हम सुखी रहना है। हाँ, सुखी और समृद्ध रहना चाहेंगे, लेकिन सुखी और समृद्ध का दृष्टिकोण ये है कि उसमें संकट भी आएंगे, समस्याएं भी आएंगी और हम उसमें बने रहेंगे। जी बालकृष्ण जी, म्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक बात है। तो हम सुखी रहना चाहते हैं, हर क्षण सुखी रहना चाहते हैं, बीच बीच में जो भी अवसर बनते हैं, इस तरह की जो कठिनाई आती है, उनमें भी हम अपने अंदर ऐसी समझ चाहते हैं जिससे हम सुखी बने रहें। उसमें भी हम सुख में कोई व्यवधान नहीं चाहते हैं, चाहते हैं सुख की निरंतरता हो कि नहीं, बात ठीक है? भारत भूषण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ बोलना चाह रहा था जी। सुखी तो आ रही है सर, अभी आपका प्रश्न लेते हैं। अभी भारत भूषण जी है। जी जी भारत भूषण जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी सर, आवाज आ रही है अभी। जी बालकृष्ण सर, अभी आपका प्रश्न लेते हैं, भारत भूषण जी बात कर रहे हैं। जी भारत भूषण जी, प्लीज कंटिन्यू। जी सर, मैं सर ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब ये जो प्रश्न है इसमें जो ना सर बोला कि सुखी होना चाहते हैं और समृद्ध होना चाहते हैं, तो सर सुख की और समृद्धि की जो ना हर एक व्यक्ति की जो ना मेरे हिसाब से लगता है कि जो ना सबकी एक सेपरेट परिभाषा है। मतलब कुछ व्यक्ति को किसी अन्य कारणों से सुख हो सकता है और कुछ व्यक्ति को अन्य कारणों से सुख हो सकता है। तो मतलब ये तो सर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब पर्सनलाइज वाला क्वेश्चन है। हर एक व्यक्ति का सुख होने का तरीका एक अलग हो सकता है, उसके मतलब एक अलग मतलब हो सकते हैं चीजें जिससे वो सुखी हो जाए,
और समृद्धि के केस में भी वही है कि मतलब उसकी परिभाषा समृद्धि की अलग है और मेरी परिभाषा समृद्धि की अलग है। तो सर ये है कि मतलब ये पॉइंट जैसे सुखी और समृद्धि, तो सर इसको डिफाइन तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से ही करेगा। जी, तो आपने अपने लिए जिस तरह से डिफाइन किया है उस डेफिनेशन के अनुसार आप सी निरंतरता चाहते हैं कि नहीं? हाँ जी सर, उसमें निरंतरता चाहते हैं। बिल्कुल, उतनी बात पूछी जा रही है। सुख क्या है, समृद्धि क्या है, इसको समझेंगे। परंतु जैसा भी हमने सुख और समृद्धि को अपने अंदर स्वीकारा हुआ है, माना हुआ है, उसके अनुसार मैं इसकी निरंतरता चाहता हूँ कि नहीं। जी जी, ओ ओके सर। एक और प्रश्न ले सकते हैं भैया? अच्छा ठीक है भैया। जी जी, बालकृष्ण जी नमस्ते, अपनी बात रख सकते हैं अपना माइक अनम्यूट करके। जी मैं ये दो प्रश्न थे तो उनका थोड़ा बोलना चाहूंगा कि सुखी तो हम हल पर रहना चाहते हैं, लेकिन समृद्धि मेरे ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि समृद्धि का मतलब मैं अपने आप धन से या मैं अपने अर्थव्यवस्था से जोड़ना चाहता हूँ अपने आप को। तो अगर मैं बताऊं, जब मेरे पास आज से कम 20 साल पहले सुख सुविधाएं, आपको रुक कर सर उत्तर दूंगा कि ये हाँ। बात आपने जो कही ना कि हमारे ऊपर हाँ। निर्भर नहीं है, ये समृद्ध होने की बात है, चाहने के भी पूछ रहे हैं कि समृद्धि की निरंतरता चाहते हैं कि नहीं, हो पाएंगे? नहीं नहीं, 100% हर व्यक्ति समृद्धि चाहता है, सुखी भी होना चाहता है, समृद्धि भी होना चाहता है, इसमें नेगेटिव बात तो आ ही नहीं सकती। जी, अभी होने का अभी हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे, है ना, कि होने वाले में क्या मुद्दे हैं। चाहने को देखें तब तो निरंतर। ओके, बहुत अच्छा। जितने भी यहाँ पे उत्तर आए हैं उन सब में इसी प्रकार से निकल कर आ रहा है कि दृढ़ता से सहमत हैं, सहमत हैं। हाँ, समृद्धि में कुछ आए हैं जैसे न सहमत हैं न असहमत है, और हर पल में भी आया है। एक व्यक्ति सुख के बारे में भी कह रहे हैं, परंतु मुझे लगता है कि ये बात उसी से जुड़ी है कि सुख के हम सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, उसको हम लोग और थोड़ा अध्ययन करेंगे। अब इसके साथ कुछ और चीजों को जांच के देखते हैं। अब वर्तमान स्थिति क्या है हमारी? चाहने में तो हमको दिखता है कि निरंतरता चाहते हैं, वर्तमान स्थिति क्या है? क्या हम सुखी हैं? क्या हम समृद्ध हैं? क्या सुख समृद्धि की हमारी निरंतरता है? अब इसके बारे में भी आपकी ओपिनियन ले लेते हैं, आपका कैसा देखना है, कैसा सोचना है इसके बारे में। तो क्या मेरे जीवन में सुख समृद्धि की निरंतरता है, क्या लगता है? इस प्रश्न का उत्तर दें, तब तक हम लोग कुछ और प्रश्नों को लेते हैं। आपका कुछ और प्रश्न हो, शेयरिंग हो। जी जी, बालवीर जी है हमारे साथ। जी जी बालवीर सर नमस्ते, आपने हैंड रेज किया था भी। जी जी नमस्कार सर। जी नमस्ते सर, स्वागत है। निश्चित तौर से सुख और समृद्धि वाली बात है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में इनको निरंतरता चाहता है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ सुखी होना पहले है और समृद्धि अलग मायने में, किस मायने में उसको लेते हैं कि समृद्ध किस तरह से होना चाहिए, तो वो शायद व्यक्ति के अलग अलग उस पर डिपेंड कर सकता है सर। जी हाँ, ये अभी निरंतरता वाली बात है तो निरंतरता तो जरूर चाहेंगे सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बात है निरंतरता चाहते हैं, अभी जीने में नहीं दिखती, वो एक अलग बात है, उसको लेकर अभी प्रश्न किया कि अगर निरंतरता नहीं दिख रही तो कैसा दिख रहा है। और कोई अपनी बात रखना चाहेंगे? इंद्रपाल जी कहना चाह रहे हैं। जी इंद्रपाल सिंह जी, मैं सिर्फ यही एक निवेदन करना चाहता हूँ अपने सभी साथियों से कि हम प्रश्न को समझें और जब उसमें सुख या समृद्धि की व्याख्या की जाए तब फिर हमारे प्रश्नों को हम उठाएं, तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से इस प्रशिक्षण का लाभ ले सकें। प्रश्न उठाना महत्वपूर्ण बात नहीं है, पहले हम प्रश्न को समझें और प्रश्न को समझने के साथ हम आगे बढ़ते चले जाएं, और जहां हम रुकते हैं, जहां हमारी सहज स्वीकृति में बाधा आ रही है केवल और केवल प्रश्न पर केंद्रीकरण के साथ ही, वहीं पर हम प्रश्न करें तो हमारा जो सत्र होगा वो ज्यादा सार्थक होगा, बस मेरा यही निवेदन है। ठीक है, अभी जैसा मैं देख पा रहा हूँ 50 मतलब काफी लोगों ने वोट किया, काफी ने नहीं किया, तो भी सभी से ये रिक्वेस्ट है
कि ये रिफ्लेक्शन फोर्स आपके लिए ही है, इनको भी आप हैंडल स्मॉल करें। जी भैया एक बात है, परीक्षित भैया जो कह रहे हैं ना कि टीम द्वारा से नहीं आ पाई मुझे लगता है, वो टेस्टिंग आने पे रह गए। ठीक है सर, ये रिफ्लेक्शन तो हमारे स्वयं के लिए है, इसका कोई ऐसा बात नहीं, जो प्रश्न वहाँ पर है ये हमें उसका रिस्पांस हमें स्वयं को ही देना है, ये तो सिर्फ एक वर्कशॉप के प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए रिफ्लेक्शन भी ले रहे हैं। जी तो आगे सबसे निवेदन है कि आप पार्टिसिपेट करें इसमें। जी जी कुमार भैया, भैया मैं ये बोलना चाह रहा था सभी से, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो ये पोल कर रहे हैं इसमें कहीं ये नंबर ऑफ कितने पार्टिसिपेंट्स थे ये कहीं आ जाएगा क्या लिखा हुआ? हाँ अभी आ जा रहा है, कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है वो संख्या तो आ जा रही है। जी जी जी, तो वो डिस्प्ले हो जाएगी तो उससे आइडिया लग जाएगा कि कितने लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो मैंने देखा इस पोल में करीब 27 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, तो हाँ। मैं निवेदन करूंगा और साथियों से भी कि वो भी रिस्पॉन्ड करें। ये परसेंटेज में तो भैया दिख रहा है जो अभी डिस्प्ले हो रही है कि दृढ़ता से सहमत या सहमत, पर ये टोटल नंबर ऑफ मतलब न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, मतलब कितने लोगों ने इसमें पार्ट लिया? कुमार भैया ने बताया ना भैया, वो 27 है सर, 27 लोगों ने रिस्पांस किया। ओके, नहीं बट ये इसमें कोई डिस्प्ले हो सकता है कि भैया हर बार, क्योंकि ये बात होगी वो परसेंटेज में आता है कि कितने परसेंटेज लोगों ने करा, तो 50% लोगों ने रिस्पांस करा था, तो 50% से हम लोग ये बता पा रहे हैं कि 27 लोगों ने करा, ये जूम में ऐसे ही आता है। जी ओके ओके परीक्षित भैया, इसमें मैं ऐड कर दूं एक चीज, आप चैट पे डाल दिया करें या तो इसको कि कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड कर दिया है। ठीक ठीक भैया, ठीक ठीक थैंक यू। यहाँ एक मिक्स रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, दृढ़ता से सहमत है, मैं कई लोग अपनी बात रख रहे हैं, कुछ लोग सहमत है कह रहे हैं, असहमत है ऐसा भी एक रिस्पॉन्स आ रहा है, तो देखेंगे कि इन दोनों में रिस्पॉन्सेज में एक अंतर है। जो बाईं तरफ के प्रश्नों का उत्तर मिलता है और जो दाईं तरफ के प्रश्नों का उत्तर मिलता है, इन दोनों में एक अंतर दिखाई देता है, और आप लोगों ने जो बातें कहीं उससे भी दिखता है कि चाहने में तो कोई कमी नहीं है, निरंतरता चाहते हैं, परंतु तो जीने में ऐसा नहीं दिख पाता। अब अगली चीज ये बनती है जांचने की कि अंतर क्यों है, हमारे चाहने और हमारे जीने में अंतर क्यों है, हमारी वर्तमान स्थिति वैसी क्यों नहीं जैसा हम वास्तव में चाहते हैं, ये देखने की बात है अंतर क्यों है, और इस अंतर को दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। हम आज के दिन सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहे हैं, अगर आज से 30-40 वर्ष पहले देखें तो मनुष्य औसतन जितना काम कर रहा था उससे आज के दिन 1.5 गुना से 2 गुना काम कर रहा है। पहले जहां दिन में 4 से 6 घंटे लोग श्रम करते थे, आज के दिन लोग 8 से 10 घंटे श्रम कर रहे हैं, तो हमारा श्रम बढ़ गया है, परंतु ऐसा नहीं लग रहा कि श्रम के बढ़ने के साथ साथ ही गैप कम हुआ हो, क्या लग रहा है? ये जो अंतर है ना, इसके लिए जो हम अभी कुछ कर रहे हैं इससे अंतर दूर हो रहा है और बढ़ रहा है, इसको भी थोड़ा अपने आप में अन्वेषण करने की जरूरत है, जांचने परखने की जरूरत है, दिन ब दिन हमारा ये गैप बढ़ रहा है या गैप कम हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं कि अल्टीमेटली मुद्दा क्या है, क्यों ये अंतर बना हुआ है, क्यों ये अंतर बढ़ रहा है। तो अभी देखने की बात यह है कि हम जो सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत किस दिशा में है। एक संभावना यह है कि हम सुख समृद्धि को समझने के अर्थ में मेहनत कर रहे हैं, सुख क्या है, समृद्धि क्या है, इसको ठीक से पहले समझा जाए, समझ कर इसके आधार पर योजना बनाई जाए, कार्यक्रम बनाया जाए, उसको पूरा किया जाए, एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमारी पूरी ट्रेनिंग इस प्रकार की हो कि हमने मान लिया है कि सुविधा संग्रह से सुख होगा, इसलिए हम सुविधा संग्रह में लगे हुए हैं, पर ऐसा हम बार बार प्रयास करते हैं कि और अधिक सुविधा हो जाए तो हमारा सुख जीने में बढ़ जाएगा। अभी दो अलग अलग दिशाएं होंगी, एक तरीका तो यह हुआ कि चूंकि हम सुखी ही होना चाहते हैं मूलतः, समृद्ध होना चाहते हैं मूलतः, तो पहले इन दोनों चीजों को समझा जाए, सुख क्या है, समृद्धि क्या है, और समझ कर उसके अर्थ में प्रयास किया जाए, तो हम अपने दिन का अधिकांश भाग इसमें लगाएंगे, सुख को समझने में, समृद्धि को समझने में, उसके अर्थ में योजना कार्यक्रम बनाने में। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम सिंपली सुविधा संग्रह में, या फिर और सामान्य भाषा में कहें तो पैसा कमाने में अपना ज्यादातर समय और प्रयास लगा दे रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा अपने आप में जांचते हैं, क्या लगता है हमको अपने आप में भी क्या दिखता है, हमारा प्रयास कहाँ जा रहा है। तो मेरा प्रयास अधिकांश सुख समृद्धि के सही अर्थ को समझने और उसके निर्वहन के लिए है, या अधिकांश भौतिक सुविधाओं के संग्रहण के लिए है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, इस पर आपके रिस्पॉन्स चाहेंगे। इस बीच कोई अगर अपना कोई प्रश्न रखना चाहे या कोई शेयरिंग करना चाहे इससे जुड़ा हुआ कर सकते हैं,
क्या लगता है प्रश्न रिलीवेंट है कि नहीं? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं परंतु हमको अभी भी नहीं दिखता कि सुख की निरंतरता हो पा रही है, समृद्धि की निरंतरता हो पा रही है। कठिनाई कहाँ है? हम कहाँ समय लगा रहे हैं, कहाँ प्रयास कर रहे हैं, कहाँ ध्यान दे रहे हैं? ये दीप्ति जी कह रही है कि प्रश्न रिलेवेंट है, अच्छी बात है। कोई रिफ्लेक्शन हो किन्हीं का? अभी अपने आप में परखने की चीज है। अभी हम थोड़ा अपनी दिनचर्या को देखें, सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, अपने काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, थके हारे रहते हैं, उसी थकावट के साथ रात को भोजन की व्यवस्था करते हैं, खाते पीते आपस में थोड़ी बातचीत करते हैं, फिर सो जाते हैं और एक रूटीन बन जाता है हमारा। उस पूरे क्रम में जहाँ भी जी रहे होते हैं वहाँ बहुत सारी समस्याओं को झेल रहे होते हैं, परिवार के भीतर, जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ कार्यस्थल पर, ठीक। और सब समस्याओं के साथ हम अपने आप में कई बार दुखी महसूस करते हैं, त्रस्त महसूस करते हैं, परंतु हमको लगता नहीं कि और कोई उपाय है और उसमें हम लगे रह जाते हैं। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि हमको समझ में आ जाता है कि अल्टीमेटली मुद्दा तो सुखी होने का है, तो क्यों ना पहले इसको समझाया जाए, सुख क्या है, समृद्धि क्या है। इनफैक्ट अच्छी बात यह है, आप सभी लोग राज्य आनंद संस्थान से जुड़े हैं, तो आप सब ने आनंद को एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना है अपने जीने का, तो आप में से कई लोग जरूर प्रयास कर रहे होंगे। इसलिए जो रिस्पांस आ रहा है उसमें भी कई सारे लोगों का, ज्यादातर लोगों का तो उत्तर यही है कि हम सुख समृद्धि को समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छी बात है अगर हम ऐसा कर रहे हैं। तो अभी जो उत्तर मिला, तो 37 लोगों ने जवाब दिया है, जिससे 27 लोगों ने कहा है कि अधिकांश प्रयास तो हमारा सुख समृद्धि को समझने और निर्वहन के लिए है। 7 लोगों ने कहा है कि अधिकतर भौतिक सुविधाओं के संग्रहण के लिए, और कुछ लोगों ने कहा है, 3 लोगों ने कहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छी बात है, ये एक संवाद हम देख पा रहे हैं, एक संवाद जो हमारे आपके बीच में शुरू हुआ और अपने आप में धीरे धीरे ये संवाद और आगे बढ़ेगा। तो ये थोड़ा सा अपने आप पे देखें, क्या हमने ये मान लिया है कि जब हमारे पास पर्याप्त भौतिक सुविधाएं हो जाएंगी तो सुख समृद्धि अपने आप सुनिश्चित हो जाएगी? ऐसा लगता है क्या कि जब हमारे पास पर्याप्त भौतिक सुविधाएं हो जाएंगी तो अपने आप सुखी भी हो जाएंगे, समृद्ध भी हो जाएंगे? इसको आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करके। जी नैनवती जी कह रही है बिल्कुल नहीं। क्या लगता है, ये जो प्रश्न आपके सामने है, ऐसा मान लिया है क्या कि सुविधाएं अगर ढेर सारी हो जाएंगी तो सुखी तो हो ही जाएंगे, समृद्ध तो हो ही जाएंगे? रमेश जी कह रहे हैं नहीं, अखिलेश जी कह रहे हैं नहीं, प्रवीण जोशी जी कह रहे हैं नहीं, दीप्ति जी, सीमा जी, बहुत अच्छा। तो जितने भी रिस्पांस आ रहे हैं बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पहले से स्पष्ट है कि सिर्फ सुविधा जुटा लेने से हम सुखी नहीं हो जाएंगे, सिर्फ सुविधा जुटा लेने से समृद्ध नहीं हो जाएंगे। तो अब ये तय करने की बात है कि भौतिक सुविधा संग्रह के अलावा हम अभी क्या प्रयास कर रहे हैं, सुविधा संग्रह के अलावा हम अभी क्या प्रयास कर रहे हैं, ये अपने आप में थोड़ा सा निश्चित करने की बात है, समझने की बात है। अगर हम आज की शिक्षा व्यवस्था को देखें तो ऐसा लगता है कि पूरी शिक्षा सुविधा केंद्रित हो गई है। बच्चों को नर्सरी में एडमिशन लेने के समय से जो साल भर का खर्च आता है वो 1-1.5 लाख रुपया तो आ ही जाता है, और हायर एजुकेशन से गुजरते गुजरते आप समझिए कि एक बच्चे पे आज के दिन, अगर आज के प्राइस लेवल के हिसाब से देखें, 25-30 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसा तो समान रूप से बड़े शहरों में हो ही गया है। तो जब इतना पैसा बच्चे के ऊपर खर्च होता है तो माँ पिताजी को भी लगता है कि शिक्षा के लिए सबसे जरूरी चीज पैसा है, और बच्चों की जो मानसिकता बन जाती है यही बन जाती है कि अल्टीमेटली जब इतना पैसा लगा है तो इससे अधिक कमाना भी होगा। पूरे समय कल्पनाशीलता पैसे को लेकर घूमती रहती है, और इसके लिए एक वो जो मान्यता है ना, और दृढ़ हो जाती है कि अल्टीमेटली मूल मुद्दा तो सुविधा का है, मूल मुद्दा तो पैसे का है, और इसलिए उसके अलावा कोई प्रयास करें ऐसा ध्यान में ही नहीं आता कई बार। अब इसको थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि पशु को सुविधा का अभाव होता है तो परेशान होता है, सुविधा मिल जाए तो आराम में आ जाता है। जैसे अगर एक उदाहरण गाय का ले, घर में गाय बंधी हो, आप उसे 2 टाइम चारा दे दीजिए, 3 बार पानी दे दीजिए, रहने के लिए शेड दे दीजिए, ठीक, गाय का काम चल जाता है, बड़े आराम से गाय बरसों जी जाएगी। तो गाय को अगर सुविधा मिल जाए, पशु को सुविधा मिल जाए तो आराम में आ जाता है। तो यदि मनुष्य की बात करें तो क्या होता है, मनुष्य को जब सुविधा का अभाव होता है तो परेशान और दुखी होता है।
परंतु सुविधा मिल जाए तो उसके बारे में भूल ही जाता है और 100 दूसरी चीजें सोचना शुरू करता है। क्या लगता है, बात ठीक है नहीं है? जैसे हम अपने बच्चे के बारे में ही सोचें कि बच्चे को हमने 3 टाइम खाना दे दिया, है ना, पहनने के लिए कपड़े दे दिए, घर में रह ही रहा है, ठीक, और इतनी सुविधा हमने दे दी, क्या बच्चे के लिए पर्याप्त होगा? नहीं होगा। तो मनुष्य को सुविधा का अभाव होता है तो परेशान और दुखी। अगर बच्चे को इतनी भी सुविधा न दे या हमको ये सुविधा न मिले तो हमारे लिए वो सुविधा का अभाव खटकता रहता है। जैसे उदाहरण लेते जो समान रूप से दिखता है कि अगर हमारे पास अपना मकान न हो, जॉब मिलने के साथ ही ये बात खटकना शुरू होता है कि हमारे पास अपना मकान नहीं है और हम उसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, कहीं से लोन लेते हैं, मकान लेते हैं, ईएमआई भरते हैं, एक समय के बाद ईएमआई पूरा हो जाता है, हमारा अपना मकान हो जाता है। आप देखेंगे कि जब तक हमारे पास अपना मकान नहीं होता हम अपने मकान को लेकर बहुत बार सोचते हैं, बहुत तरीके से सोचते हैं। एक बार अपना मकान हो जाए तो उस पर भूल ही जाते हैं, फिर दूसरी चीजें सोचना शुरू करते हैं। अपना मकान तो है बट रखने के लिए गाड़ी नहीं है, ठीक है, गाड़ी भी होना बनता है। मकान तो है मगर मकान के अंदर सुविधाएं नहीं है, ड्राइंग रूम है बट उसमें बैठाने के लिए फर्नीचर नहीं है, उसको हम भूल ही जाते हैं। जो नहीं था उसके बारे में सोचते रहे, जब वो हो गया तो उसको भूल जाते हैं, 100 दूसरी चीजें सोचना शुरू करते हैं। एक सामान्य सी बात है, ऐसा लगता है कि नहीं? क्या लगता है, हाँ या ना? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जब कोई सुविधा का अभाव होता है तो उसको लेकर बहुत परेशान दुखी होते हैं, एक बार सुविधा मिल जाए उस पर भूल ही जाते हैं और 100 दूसरी चीजें सोचना शुरू करते हैं। आप इसे थोड़ा फैला कर देखिए, पिछले 10-15 साल के अपने जीवन काल में थोड़ा लौट के देखिए कि 10-15 साल पहले आपके पास जो सुविधा नहीं थी उसको लेकर आप बहुत सोचते थे, आज अगर सुविधा हो गई उसका भूल जाते हैं, आगे और चीजें सोचना शुरू करते हैं। नहीं, अब एक और प्रश्न पूछा आपसे कि अपने माँ अपने में ही जांच कर देखें, क्या इस बात पर रोज खुश होते हैं कि आपको पेट भर भोजन मिल रहा है? जैसे अगर किसी को सुबह नाश्ता ना मिला हो किसी कारण से, है ना, तो ये बात खटकती रहती है कि देखो इतना सब कुछ कर पा रहे हैं परंतु एक सुबह नाश्ता तक नहीं मिल पा रहा है, ना, पेट भर भोजन नहीं मिल पा रहा, ये बात बार बार हमारे अंदर लौट लौट कर आती है। परंतु यदि हमारे को पेट भर भोजन मिल जाए तो हम उसको भूल ही जाते हैं, ये तो होना ही चाहिए कि नहीं? उसके आगे सोचना शुरू करते हैं, भोजन तो मिल रहा उसमें स्वाद नहीं मिल रहा, भोजन तो मिल रहा उसका सम्मान नहीं मिल रहा, जैसे आपको सुबह नाश्ता दिया गया हो परंतु नाश्ते देते समय थाली ठेल कर दे दिया गया हो कि ले खा ले, क्या लगता है? भोजन तो मिल गया, क्या नहीं मिला? सम्मान नहीं मिला। तो बात बार बार अपने अंदर खटकती रहती है। इसके साथ जुड़ा एक और प्रश्न पूछते हैं, पोल्स के द्वारा एक प्रश्न आपसे और पूछते हैं, क्या आपको मालूम है आपके पास कितने जोड़ी कपड़े हैं? हम लोग चाहें तो इसमें आधा एक मिनट का समय ले ले और अपने आप में ही उसको आकलन कर लेंगे, क्या लगता है हमको पता है कितने जोड़ी कपड़े हैं, पता है या नहीं? सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि प्रश्न का रिस्पांस जो पोल आपके सामने रिफ्लेक्शन के फॉर्म में आया उसमें अगर करें तो बेहतर हो। हम थोड़ा समय ले लें, हम थोड़ा सा समय ले लें और अभी पोल आया नहीं सर सामने, पोल देखने, पोल तो लॉन्च हो गया है अब दिख रहा है सर पोल जी, ठीक है। प्रेमलता दीदी कह रही हैं कभी गिनती नहीं की, कई लोगों ने कहा नहीं पता है, बालवीर जी ने बताया कि 12 जोड़ी कपड़े हैं, बहुत अच्छा है। इसे सरा सोच के देखिए कि क्या हमें अच्छा, बहुत अच्छा, कई लोग तो संख्याएं भी बता दे रहे हैं कितने जोड़ी कपड़े हैं। आप सारे तरह के कपड़े सोच के देखिए, इनफैक्ट मैं अपना बताऊं तो मैंने एक एक्सेल शीट मेंटेन किया हुआ है, इस एक्सेल शीट में जितने भी तरह के कपड़े हैं उन सबका नाम लिख देता हूँ मैं और सबका काउंट लिख देता हूँ मैं कि कितने हैं। ऐसे ही हम अपने पास उपलब्ध सारी सुविधाओं का एक हिसाब रख सकते हैं कि आज दिन तो हम सबके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, उन सब में लिखा जो कर रखना बहुत उपयोगी हमारे लिए, उससे हमको पता रहता है कि हमारे पास पर्याप्त है कि नहीं है।
अच्छा है, अभी कई साथियों ने रिस्पांस देना शुरू किया है। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि 55 में से 44 साथियों ने रिस्पॉन्ड किया है। ये पोल्स बहुत जरूरी है, इनफैक्ट इस ऑनलाइन मोड में आपसे संवाद करने का यही तरीका है, या तो आप पोल्स का रिस्पॉन्स दें या आप चैट बॉक्स में चैट में मैसेज दें। अच्छा सतीश दुबे जी ने तो एक एक काउंट लिख दिया, कितने पैंट, कितने शर्ट, कितने टी शर्ट बहुत अच्छा। तो 26 साथियों ने कहा है उनको नहीं पता है, 18 साथियों ने कहा है कि उनको पता है, बहुत अच्छी बात है। इसका प्रश्न का आशय ये है कि हमको क्या इस बात का आकलन है कि हमारे पास कितनी सुविधाएं हैं। कई बार बस सुविधा का विचार आता है और हमको लगता है कि ये और रखना है। जैसे अभी लॉकडाउन है, मार्केट बंद है, लॉकडाउन खुले और आप मार्केट में जाएं और आपको दिखाई दे जाए दुकान के सामने लिखा हुआ सेल सेल सेल, ठीक, और आप तुरंत दुकान के अंदर चले जाते हैं ना, मॉल के अंदर चले जाते हैं, फिर आप कपड़ों की दुकान में जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। अभी हमको पता भी नहीं है कि हमारे पास कितने जोड़ी कपड़े घर पे हैं और हम कपड़ा खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक, उसमें अपनी पसंद से खरीदना शुरू कर देते हैं। पसंद भी किस आधार पे है ये भी हमको पता नहीं होता, फिर खरीद लाते हैं। कई बार ऐसा होगा कि जब आप खरीद के लाते हैं अलमारी में रखने जाते हैं तो आपको दिखता है कि ठीक ऐसा ही कपड़ा पास पहले से है। जब हम लोग फेस टू फेस वर्कशॉप करते थे तो कई इंटरेस्टिंग अपने पास ऐसे उत्तर आते थे। पंजाब में हम लोग वर्कशॉप कर रहे थे, हरियाणा में एक महिला ने बताया कि जब ये असाइनमेंट दिया गया और उन्होंने कपड़ों को निकाल कर गिनना शुरू किया तो उनको आश्चर्य हुआ कि उनके पास कई ऐसे कपड़े हैं जिन्होंने कई वर्षों से देखे भी नहीं थे ना, और उनके पास 3 या 4 अलमारियां भरी हुई थी कपड़ों से। ऐसा कई बार रिस्पॉन्स आता है। इसका आशय क्या है कि हमको पता लग जाए, कपड़ा तो एक उदाहरण है, हमको पता लग जाए कितनी सुविधा है हमारे पास। तो मैं तो कहूंगा कि आज हम सब लोग इस अभ्यास को करें, इस एक्सरसाइज को करें कि आज के शिविर के बाद शाम को अपना कपड़ा गिने और कल सुबह जब 9 से 9:30 का समय मिलता है शेयरिंग के लिए तो जरूर बताएं कि आपने गिना कि नहीं गिना, गिनने पे कितने निकल कर आए। बहुत अच्छी बात है। तो आपको दिखेगा कि सुविधा हमारे लिए आवश्यक है, परंतु सुविधा के अलावा भी कुछ आवश्यक है। मानव के लिए सुविधाओं की आवश्यकता तो है, पर इससे अधिक कुछ और है जो आवश्यक है। क्या अधिक और आवश्यक है वो थोड़ा देखते हैं। अब ये थोड़ा सा जांचने की बात है, इसको थोड़ा हम लोग समय लेकर अपने आप में देखें कि परिवार में कई बार हम दुखी होते हैं, कई समस्याएं होती हैं, आपस में विरोध बन जाता है, मनमुटाव हो जाता है, साथ साथ बात करना नहीं होता। ये जो परिवार में जो भी दुख है वो सुविधा के अभाव में ज्यादा है या संबंध का निर्वाह न होने कारण ज्यादा है, इसको भी एक रिफ्लेक्शन लेते हैं आपका। आपके परिवार में दुख का कारण मूलतः क्या है, भौतिक सुविधाओं का अभाव या संबंधों के निर्वहन का अभाव या इन दोनों में से कोई नहीं, इसको थोड़ा लौट के देखिए। जो लोग कह रहे हैं दोनों में से कोई नहीं, मैं चाहूंगा कि वो अपना हैंड रेस करके थोड़ा बताएं कि दोनों में से कोई नहीं कहने का क्या कारण है या क्या अर्थ है। आप हैंड रेस कर सकते हैं, इस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जी मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सतीश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताएं। धन्यवाद सर। दोनों में से कोई नहीं यानी कि हमारे परिवार में जो है हम पैसे के लिए और सुविधाओं के लिए हम लोग नहीं भागे हैं, और परिवार में बहुत अच्छा माहौल है और संबंध सभी के बहुत अच्छे हैं, बस यही कारण है कि मैंने ये चीज चूज की है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विजय कुमार जी ने हैंड रेस किया। सर ये कह रहा हूँ कि इसलिए असहमत वाली बात लिखी है कि डिमांड मोर एंड मोर की है। जी जी, तो भाई अगर इसको देखें जब डिमांड मोर एंड मोर हो रहा है तो मूल समस्या क्या है, सुविधा का भाव या संबंध का भाव? संतुष्टि का भाव है सर। ठीक है, इसको और आगे अभी विवेचना करेंगे और बात स्पष्ट होगी। मनसारे जी कुछ कह रहे हैं, भारत भूषण जी ने हैंड रेज किया है। हाँ सर, हेलो सर, आवाज आ रही है? जी, स्पष्ट रूप से। सर संसाधन पर्याप्त होने के बाद भी संतुष्टि ही एक कारण मुझे तो लगता है कि संतुष्टि का नहीं होना। मेरी बात करूं तो जी जी
ठीक बात है, संतुष्टि का ना होना भी क्या होता है उसको समझेंगे अभी जी। ये भारत भूषण जी कुछ कह रहे हैं जी। सर जो मुकेश जी ने बोला ना वही चीज मैं रिपीट करना चाहूंगा कि वही हमारे परिवार में भी सुविधाओं के लिए कभी मतलब दुखी नहीं हुए हैं और संबंधों के निर्माण ना होने के कारण भी दुखी नहीं हुए हैं, तो इसलिए जो ना मैंने भी मतलब अच्छा। तीसरा ऑप्शन चुना था। अच्छा ठीक है ठीक ओके। तो जरा इन पे पोल्स पे पर ध्यान दे लेते हैं। बात तो सिर्फ एक साथी ने कहा कि भौतिक सुविधाओं का अभाव, ज्यादातर लोगों ने कहा है कि संबंधों का अभाव, और कई साथियों ने यह भी कहा है कि दोनों में से कोई नहीं। इसको थोड़ा सा और समझने की दृष्टि से कि अगर कभी लगे कि सुविधाओं का अभाव मुख्य कारण है तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसा सोचे कि कोई परिवार है जिसमें चार लोग रहते हैं और हर व्यक्ति को हर दिन 5 रोटी की जरूरत है। एक बहुत ही सरल सा उदाहरण ले रहा हूँ। और परिवार में उस तरह से देखें तो हर दिन 20 रोटी की जरूरत है। किसी दिन अगर परिवार में 20 रोटियां नहीं है, सिर्फ 18 रोटियां हैं, क्या लगता है झगड़ा होगा या नहीं होगा? इसको चैट बॉक्स में बता सकते हैं। 20 चीजों की जरूरत है और 18 ही हैं, तो क्या लगता है झगड़ा होगा कि नहीं होगा? सुरभि जी कह रही है नहीं होगा, नैनवती जी कह रही है होगा, ओके, कुछ साथी कह रहे हैं नहीं होगा, कुछ साथी कह रहे हैं होगा। ओके, अगर इस चीज को थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, हाँ प्रेम हो तो नहीं होगा, श्रीमती वर्णा जी ने कहा है, ठीक है। अगर आपस में संबंध का भाव होगा तो खिला कर खाएंगे। अगर संबंध का अभाव होगा तो सुविधा के लिए झगड़ा करेंगे। अगर संबंध का भाव होगा तो अगले दिन मिल के मेहनत करेंगे ताकि अगले दिन तो अभाव ना हो। परंतु यदि संबंध का अभाव होगा तो जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बचा के रख लेंगे अपने पास, अगले को बताएंगे भी नहीं, और अभाव जितना है उससे ज्यादा दिखाई देगा। अभी आप देखें थोड़ा सा परिवारों में क्या चल रहा है, अगर हम पूरे समाज को देखें क्या चल रहा है, फैमिली कोर्ट्स क्यों इतने सारे बनते जा रहे हैं, फैमिली कोर्ट्स में क्यों इतने सारे मुकदमे दायर होते जा रहे हैं। आप देखेंगे जो लोग फैमिली कोर्ट्स में जा रहे हैं, पति पत्नी जा रहे हैं, उनके पास सुविधा का अभाव है या संबंध का अभाव है? आप ज्यादातर पाएंगे कि वो परिवार ज्यादा कोर्ट्स में जा रहे हैं ना, जिनके यहाँ सभी कमा रहे हैं, पति भी कमा रहे हैं, पत्नी भी कमा रही है, पर दोनों का आपस में संबंध अच्छा नहीं है। लेटस से परिवार है कोई जिसमें पति भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है, दोनों के अच्छे पैकेज हैं, सुविधा पर्याप्त है घर में, परंतु दोनों का आपस में प्रतिस्पर्धा हो रहा है किसकी कमाई ज्यादा है, क्या लगता है उस परिवार में सुख होगा या दुख होगा? अगर पति पत्नी आपस में प्रतिस्पर्धा करें कि कौन ज्यादा कमा रहा है, दुख होगा। यानी इस परिवार में सुविधा का अभाव नहीं है, संबंध का अभाव है। अगर संपत्ति के बंटवारे को लेकर भाई भाई में झगड़ा हो रहा है तो संपत्ति तो है फिर झगड़ा हो रहा है, यानी किस चीज का भाव है, सुविधा का भाव है संबंध का भाव है? संबंध का भाव है। इसलिए आप देखें ना, तो सुविधा समाज में बढ़ता जा रहा है परंतु मुकदमे भी परिवार के बढ़ते जा रहे हैं। ये 2005 में एक आंकड़ा आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आज से कोई भी नया मुकदमा रजिस्टर ना किया जाए और इस देश के सारे कोर्ट सप्ताह के 7 दिन काम करें, 2400 घंटे काम करें, तो भी इतने मुकदमे हो गए हैं कि सारे मुकदमों का निपटारा करने में 65 वर्ष और लगेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था। और आप देखिए उन कोर्ट्स में कौन लोग मुकदमे लेके जा रहे हैं, जिनके यहाँ सुविधा का भाव है या संबंध का भाव है? यहाँ संबंध का भाव है। तो मजे की बात क्या है कि अभाव है संबंध का, मेहनत कहाँ कर रहे हैं सुविधा के लिए। एक प्रोफेसर के बारे में कहानी है कि एक रात को एक स्ट्रीट लाइट के नीचे अपनी अंगूठी ढूंढ रहे थे। जो भी बगल से गुजरे पूछ ले कि सर क्या हो गया, उनका कि मेरी अंगूठी खो गई, अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। करते करते 4-6 लोग जमा हो गए, आधे घंटे का समय निकल गया, अंगूठी मिल नहीं रहा था। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि आपको पक्का मालूम है कि अंगूठी यहीं गिरी है, क्योंकि आधा घंटा हो गया किसी को मिल नहीं रहा है। अंगूठी तो दूर तालाब में गिरी है। उन्होंने कहा कि फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? तो यहाँ लाइट जल रही है, प्रकाश तो यहाँ है, तालाब में तो अंधेरा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो पूरी ट्रेनिंग हो रही है शिक्षा के द्वारा, सुविधा कमाने के लिए हो रही है। तो हमको लगता है कि सब समस्याओं का समाधान सुविधा में है। तो अगर
पत्नी पति के द्वारा खुश नहीं है तो पत्नी को कोई गिफ्ट ला के दे दो महीने के आखिर में, पति पत्नी से खुश नहीं है तो उसको अच्छा भोजन बना के दे दो, कोई सुविधा के अलावा है ना, सुविधा के अर्थ में कोई और एक नई चीज ला के दे दो। अभी आपस में एक दूसरे को खुश करने के लिए हम सुविधाओं का प्रयोग करते हैं। अभी आप रूटीन देखें तो ऐसा हो गया है कि ये जो मंडे टू फ्राइडे एक रूटीन बन गया है 9 to 9 काम करने का, लोग खूब काम करते हैं मंडे टू फ्राइडे, एक उस काम करने में मन से थक जाते हैं, आपस में संबंध बिगड़ जाते हैं, इसलिए वीकेंड पे सोचते हैं मौज मस्ती की जाए। तो पहले हम मंडे टू फ्राइडे खूब मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, सुविधा कमाते हैं, फिर सैटरडे संडे सुविधा को लुटाते हैं ताकि ये जो तनाव हुआ, जो परेशानी हुई वो कम हो जाए। तो मेहनत भी कहाँ हुआ, सुविधा कमाने के ऊपर, कहाँ उसको इन्वेस्ट कर दिया, फिर सुविधा के ही रूप में इन्वेस्ट कर दिया। तो एक तरफ से हमने कमाया, एक तरफ से गंवाया, अल्टीमेटली न सुख उधर मिल पाया न इधर मिल पाया। तो ये देखने की बात है कि अभी संबंध के अभाव में हम ज्यादा दुखी होते हैं, परंतु हमारा ज्यादातर समय और प्रयास सुविधा के लिए चल जाता है, सुविधा के लग जाता है। तो आप सुविधा जुटाने के लिए कितना समय और प्रयास लगा रहे हैं और संबंध के निर्वाह के लिए कितना समय और प्रयास लगा रहे हैं, इसको भी थोड़ा आकलन करते हैं। एक और प्रश्न आपसे पूछता हूं, हमारा अधिकांश प्रयास होता है किस बात के लिए, भौतिक सुविधाओं के संचय के लिए या संबंध के निर्वाह के लिए, इसको थोड़ा देखें, है ना। संबंध के निर्वाह का मतलब क्या हुआ कि हम साथ साथ बैठते हैं, संवाद करते हैं, एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे भावों को शेयर करते हैं, तब तो कहेंगे संबंध के लिए प्रयास करते हैं। सुबह उठे, ऑफिस के लिए तैयार हुए, ऑफिस गए, काम किया, शाम को आए, थके हारे रहे, खाना खाया, सो गए, जब भी बातचीत की आपस में तो सुविधाओं को लेकर बातचीत की, सुबह भी शाम भी, और ऐसे ही समय निकल गया, तो कहेंगे कि सारा प्रयास जो है सुविधाओं के लिए हो गया। परंतु जहाँ एक दूसरे को समझने का प्रयास किया, एक दूसरे से हम कितने सुखी दुखी हैं व्यवहार में उसको समझने का प्रयास किया, तब तो कहेंगे कि संबंध के लिए समय लगाया। ये देखने की बात है। देखिए ऐसा है कि हम लोग बहुत सारी चीजों को सुने हुए रहते हैं कि हाँ ये बात ठीक है, सुविधा संपूर्ण नहीं है जीने के लिए, ये भी चीज जरूरी है, वो भी चीज जरूरी है, परंतु आप देखिए कि इतना सब कुछ विचार करने के बावजूद हमारा ज्यादा समय प्रयास सुविधा के लिए लग जाता है। तो कहीं एक मान्यता तो बनी ही रहती है कि ये प्रमुख है, इसके बिना नहीं चलेगा और यही संपूर्ण है, और हम पूरी तरह से सोच विचार के लिए अल्टीमेटली उसी में लग जाते हैं। ये अपने आप में ऑब्जर्व करने की बात है। इस बीच में किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो ले लेते हैं। तो अच्छी बात है कि जितने साथी इस शिविर में शामिल हैं, आप में से अधिकतर लोग इस पूरी बात को पहले से स्वीकार पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपके साथ आगे मिलकर एक बड़ी योजना बन सकती है, क्योंकि अगर हम इन सब बातों को बड़ी आसानी से पहले से ही देख पा रहे हैं तो फिर तो आगे जुटकर कार्यक्रम बनाया जा सकता है। जी कोई प्रश्न रखना चाहें, कोई शेयरिंग करना चाहें इस मुद्दे पे, गणेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हाँ नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर देखने में आ रहा है कि हमारे जो परिवार में हमसे जो पहले की पीढ़ी थी, पिताजी या दादाजी, तो उस समय परिवार में संबंधों को ज्यादा निर्वाह करने का प्रयास किया जाता था। लोग आपस में बैठते थे, गपशप करते थे और एक दूसरे की समस्याएं और सभी विचारों को साझा करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम भौतिक विकास की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो धन कमाने के लालसा और उसके कारण से जो समय हम बाहर दे पाते हैं, तो फिर घर में आने के बाद में एकांतवास करना ही ऐसा लगता है कि एकांत में रह रहे, मतलब संवाद कम हो पाता है, एक दूसरे के विचारों को सुनने का समय नहीं होता और इसी कारण से हम संबंधों का निर्वाह नहीं करना कर पाते। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परंतु जी मैं भी अपनी बात रख सकता हूं सर। जी जी बिल्कुल सर, बताए ना। अभी लॉकडाउन के कारण मैं बता रहा हूँ, मैं विगत 8-10 साल से बाजार में रहता था, अभी लॉकडाउन में मैं गांव में कम से कम 1 महीना रहा, मेरी ताई जी खत्म हो गई। तो बाजार में हम देखते हैं कि सुख सुविधाओं के बीच में ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन गांव में संबंधों के बीच में, जैसे गांव में अगर सुख सुविधाएं नहीं है, कुछ भी वस्तु की जरूरत है, तो अगर हमारे संबंध अच्छे होते हैं तो हम आपस में कोई भी वस्तु है उसको बांटकर आपस में शेयर कर लेते हैं, लेकिन बाजार में ऐसे देखने को नहीं मिलता था। तो मेरे हिसाब से अगर किसी भी व्यक्ति के संबंध अच्छे रहते हैं, पारिवारिक संबंध हो या सामाजिक, तो उसका जीवन खुशमय बिना भौतिक वस्तुओं के भी हो जाता है। जी अगर संबंध अच्छे हैं
तो संबंध पूर्वक हम सुविधाओं का आपस में वितरण भी कर लेते हैं, शेयर भी कर लेते हैं जी। ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के पास हर सुविधा हो, और ऐसा गाँव में कई बार प्रचलन में भी दिखने को मिलता है। ठीक बात। अभी एक शादी हुई लॉकडाउन में, बाजार से कोई सुविधा नहीं, तो सारा अरेंजमेंट गांव से ही हो गया। ठीक बात है। अनीता जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर। जी मैम। अभी जब चर्चा चल रही थी तो मुझे बहुत सारी चीजें पूछनी आ रही। आपकी आवाज थोड़ी कटकट के आ रही है। आप सर ठीक हो पाई सर? थोड़ा सा पहले से बेहतर हो। हाँ बता दीजिए। मैं कोशिश करती हूँ ना, तो फिर आगे कभी बात करूंगी। नहीं नहीं रखिए ना, बात बताइए जी। जी जी मुझे बहुत सारी पिछली बातें याद आई क्योंकि मैं जैन हूँ। हमारे यहाँ परिग्रह की बहुत बातें होती है जी। तो मुझे शुरू में जब मैं छोटी थी, जब मतलब कुछ समझने लायक हुई, ग्रेजुएशन कर रही थी, शादी हुई, तो मेरे मन में बार बार ये बात आती थी कि बहुत ज्यादा अपरिग्रह की बात करने वाले हम लोग। मेरे मायके ससुराल में मैं देखती थी कि परिग्रह बहुत है, मतलब बहुत सारा सुविधाएं बहुत इकट्ठी की जाती है, मालूम नहीं है, हम लोग दिखावा भी बहुत करते हैं। तो मुझे वो सारी चीजें समझ नहीं आती थी उस समय कि कह कुछ रहे कर कुछ रहे हैं। पर अब जब से मैं इससे जुड़ी हूँ अल्पविराम से, तब इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। और इसके साथ साथ ये भी देख पा रही हूँ, क्योंकि मैं 60 वर्ष की हूँ, कि मैं अपने बच्चों को जब देख रही हूँ कि मेरा बेटा बेंगलोर में इसरो में साइंटिस्ट है, मेरी बहू भी काम कर रही है, तो मैं देख रही हूँ कि दोनों के पास सुविधाएं बहुत हैं, सारी सुविधाएं हैं, पर दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे रहे। बस ये बात रखना चाहिए। थैंक यू। बहुत अच्छी शेयरिंग है जी। ठीक बात है। देखिए हम सब लोग अपने परिवार में आसपास की चीजों को देख पा रहे हैं। अब आवश्यकता है कि समाधान निकले ताकि हम अपना भी एक जीने का सही तरीका चुन पाए और अपने बच्चों को मार्गदर्शन दे पाए। ठीक बात है जी। कई लोगों ने कहा है कि संबंध के निर्वहन के लिए समय लगा रहे हैं, कई लोगों ने ये भी कहा है कि सुविधाओं के लिए लगा रहे हैं। 24 लोगों ने कहा है कि संबंध के निर्वहन के लिए, 19 लोगों ने कहा है कि भौतिक सुविधाओं के संचयन के लिए। ठीक बात है। ये मुख्य बात नंबर का नहीं है, मुख्य बात ये है कि हमको अपने अंदर जांच परख शुरू हो जाए, हमारा अपनी ओर ध्यान चला जाए, हम अपना आकलन करने लगे। विजय कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गणेश कनाडे जी मुझे लगता कुछ और आप जोड़ना चाहेंगे तो बताएं। विजय कुमार जी। सर सुविधा जुटाने का जो प्रश्न है वो हम एक सामान्य प्रक्रिया है और उसमें हम लोग यथासंभव प्रयास करते हैं, परंतु संबंधों को सहजने और उनको निर्वाह करने के लिए मतलब विशिष्ट रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है, जिसका जीवंत उदाहरण वर्तमान समय में हमें देखने को मिल रहा है कि जहाँ पैसा काम नहीं आया वहाँ संबंध काम आए और लोगों ने एक दूसरे के मनोबल पर इस परिस्थिति से अभी निपट रहे हैं और लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो संबंधों की प्रासंगिकता के विषय में कहना चाहूंगा मैं, संबंधों पर हमें विशेष रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक बात है। अभी लॉकडाउन पीरियड में एक अच्छी बात तो ये है कि परिवार में एक दूसरे को समय देने के लिए अवसर मिला है। जी सर, बहुत सारी सामग्रियां थी जो संसार में कहीं नहीं मिल रही थी, वो भी संबंधों के आधार पर लोगों ने जुटाई है और लोगों के पास पहुंची है। ये संबंध ही थे जो एक दूसरे के जीवन की रक्षा हो चुकी और एक दूसरे के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। जी बिल्कुल। हेलो जी। हाँ सर, मैं कुछ बात रखना चाह रहा था जी। सर मैं एक लीगल एड सर्विस अथॉरिटी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय खंडवा और पुलिस परामर्श केंद्र में काउंसलर भी हूँ। तो अभी जो देखने में यह आ रहा है कि लोगों के परिवारों के बीच, पति पत्नी के बीच जो लॉकडाउन में घर पर रह रहे हैं साथ में, तो उनके बीच भी संबंधों का निर्वाह नहीं होने के कारण से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। और इस समय मैं केंद्र पर नहीं जा पा रहा हूँ लॉकडाउन के कारण, तो लोग घर तक आने लगे हैं। मतलब जो पति पत्नी के बीच के विवादों की समस्याएं हैं
वो संबंधों का निर्वाह नहीं हो पा रहा है। पैसा तो है उनके पास, दूसरी सुविधाएं भी हैं, लेकिन ऐसा, और मेरे अपने परिवार और उससे जुड़े जो दूसरे परिवार हैं रिलेशनशिप में भी ये देखने में आ रहा है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि लोग पैसा कमाने में ही लगे हुए हैं ज्यादातर, और सोच रहे हैं कि वही सुख है, तो संबंधों का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। जी कई बार ऐसा भी लगता है कि संबंध के निर्वाह के लिए ही सुविधा और आवश्यक है, तो संबंधों की ओर ध्यान भी देते हैं तो लौट के सुविधाओं पर ध्यान देने लगते हैं। जी ठीक है, प्रोफेसर अनीता कुछ और जोड़ना चाहती है शायद, हम लोग आगे बढ़ते हैं नहीं तो, है ना, आपके रिफ्लेक्शंस लेते रहेंगे। तो बहुत अच्छी बात है जो आप लोगों ने अभी बातें रखी, उससे तो स्पष्ट है कि दुख जो है वो संबंध का निर्वाह न होने कारण ज्यादा है, परंतु समय और प्रयास सुविधा के लिए ज्यादा लगाया जा रहा है। परिवारों में देखें तो आज के दिन कम से कम ज्यादातर परिवारों में देखें, कोई बहुत ही ऐसे जगह पे रह रहा हो जहाँ सुविधाओं का अत्यंत अभाव हो तो एक अलग बात हो सकती है, परंतु अगर सामान्य रूप से देखें तो यही घटना देखने को मिलती है। कम से कम जितने लोग इस शिविर में शामिल हैं और जिन समाज में हम रह रहे हैं उसमें तो यही बात देखने में आती है। तो एक बात तो स्पष्ट होता है कि संबंध भी आवश्यक है, तो मानव के लिए सुविधा आवश्यक है परंतु संबंध भी आवश्यक है। और ध्यान से देखें तो मानव और पशु के बीच में एक मूलभूत अंतर है ये, क्या सुविधा पशु के लिए आवश्यक है, मनुष्य के लिए भी आवश्यक है, परंतु पशु के लिए सुविधा आवश्यक भी और पूर्ण भी है। सुविधा मात्र मिल जाए से पशु का काम चल जाता है, परंतु मनुष्य का काम कभी नहीं चल सकता। अगर देखें तो जेल जिसको हम कहते हैं, जो सजा के रूप में दिया जाता है मनुष्य को, उसमें क्या होता है, सुविधा सब मिलती है, खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है, रहने को आपको कमरा मिल जाता है, क्या नहीं मिलता है तो आप अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, समाज से दूर हो जाते हैं, संबंध का कटाव हो जाना दंड हो जाता है मनुष्य के लिए। जबकि पशु को देखे तो हम लोग रख ही लेते हैं, पशु को देखे तो बाड़े में रख लेते हैं, पशु आराम से बना रहता है, कई कई वर्षों तक जी जाता है, परंतु मनुष्य के लिए अगर ये चीज उपलब्ध कराई जाए तो मनुष्य के लिए दंड हो जाता है। और अगर कभी ऐसा लगे कि पशु के लिए भी संबंध आवश्यक है, तब तो आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि मनुष्य के लिए और ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि एक पशु कभी अपने बच्चे का करियर बनाने की नहीं सोचता। हम सभी अपने बच्चों के करियर के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, उसका भविष्य परिवार कैसा उसके बारे में सोचते हैं, उसके परिवार का आगे जो परिवार बने वो कैसा उसके बारे में सोचते हैं, तो हमारा कंसर्न तो पशु से बहुत अधिक है। तो मनुष्य के लिए सुविधा तो आवश्यक है ना, पूर्ण नहीं है। इसलिए अगर हम मनुष्य के साथ जोड़ के देखेंगे जब इस चीज को, तो दिखता है कि मानव के लिए सुविधा आवश्यक है परंतु संबंध भी आवश्यक है। पशु के लिए पूर्ण हो सकता है, मनुष्य के लिए तो निश्चित रूप से पूर्ण नहीं है। मनुष्य काम कभी सुविधा मात्र से नहीं चल सकता, पशु का चल सकता है। परंतु उसके और आगे देखें, इतने को लेकर कोई अगर आपका कोई शेयरिंग हो तो बताएं, इतने को लेकर कोई शेयरिंग, कोई प्रश्न, ये बात तो ठीक है। तो हम सभी को दिखता है कि दोनों की जरूरत है। सुविधा को हटा दें ऐसा तो नहीं कर रहे, अभी हम लोग बैठे हैं तो नाश्ता करके बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं तो कंप्यूटर के माध्यम से बातें कर रहे हैं, ये भी एक सुविधा है। ठीक, जिस कमरे में बैठे हैं वो मकान भी एक सुविधा है। तो ये सारी सुविधाओं की हमको आवश्यकता है, सुविधाएं पूरी भी कर रहे हैं, परंतु ये दिखाई देता है कि संबंध भी आवश्यक है। इनफैक्ट आपस में हम लोग जो बात कर पा रहे हैं संबंध पूर्वक ही कर पा रहे हैं, अगर आपस में संबंध का भाव न हो तो बातचीत ही ना हो पाए। बट थोड़ा सा और इसको ऑब्जर्व करिए, इस बात की आवश्यकता हमको लगती है कि हाँ संबंध आवश्यक है, संबंध पूर्वक जीना जरूरी है, परंतु फिर भी देखेंगे कि संबंध की आवश्यकता को पहचानने के बावजूद हमारे बीच कई बार तर्क हो जाता है, बहस हो जाता है, आपस में विरोध का भाव आ जाता है, झगड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि परिवार में घनिष्ठ मित्रों के साथ, कार्य पर सहयोगियों के साथ, बाजार में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वैमनस्य हो जाता है, दो गुटों के बीच, दो संप्रदायों के बीच, दो अलग अलग समूहों के बीच। और जब भी ऐसा होता है, झगड़ा लड़ाई हो जाए, परिवार को देखें कभी झगड़ा लड़ाई हो जाए तो हम सोचते हैं कि ना हो, उसको सुलझाना चाहते हैं। ऐसी घटनाओं के बाद कई बार हम बैठ के आपस में दुख व्यक्त करते हैं, कहते भी हैं कि ठीक है भाई तुमको ये बात हमारी बुरी लगती है, हम नहीं कहेंगे, आपकी ये बात हमको बुरी लगती है, आप मत कहो। ठीक, और तय करते हैं कि आगे से कभी ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होने देंगे। सबके बावजूद अगर आप देखें तो होता क्या है कि न चाहते भी दोबारा झगड़ा हो जाता है, ऐसा होता है, नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है ना, या कहीं लगभग हर बार ऐसा होता है कि हम दूसरे को सुधारने का प्रयास करते हैं, दूसरा हमको सुधारने का प्रयास करता है।
क्या लगता है बात ठीक है? परिवार में जब भी कभी ऐसा विरोध का भाव बन जाता है, आपस में कुछ कुतर्क हो गया, बहस हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, गलत शब्दों का प्रयोग हो गया, वैमनस्य हो गया, तो क्या लगता है ऐसा होता है? नहीं होता है, चाहते नहीं है परंतु ऐसा हो जाता है। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मैं राजेंद्र जी। जी डॉक्टर साहब, आज बड़ी दो इम्पोर्टेंट बातें हुई हैं जिन पर मैं अपनी बात कह रहा हूं, और आपसे शायद मैं उसका थोड़ा इशारा भी चाह रहा हूं कि एक्चुअली आप कहना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहला एक लाइन आपने, जब आपका प्रबोधन हो रहा था, तो एक लाइन आपने कही है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो एड्रेस नहीं करती है चीजों को। तो पहला तो मेरा यही प्रश्न है कि प्रॉब्लम शिक्षा व्यवस्था में है या हमारी डिलीवरी में है? क्योंकि मेरे को जैसे ही आपने कहा तो मेरे को एक कहानी याद आ गई, ईदगाह कहानी आ गई प्रेमचंद की। तो उस कहानी में जब बच्चा 4 पैसे का हामिद चिमटा ले लेता है, तो शिक्षक क्या करता है कि इसी को ले प्रश्नायर तैयार करता है कि हामिद ने कितने पैसे का चिमटा खरीदा, और वो परीक्षा में पास हो जाता है और आगे चल के वो नौकरी भी उसकी लग जाती है। सवाल यह है कि उस शिक्षक को उस कक्षा में संवेदनशीलता जो हामिद की थी, वो शिक्षक ने उस संवेदनशीलता को एड्रेस नहीं किया है। तो ये प्रॉब्लम शिक्षा व्यवस्था की है या डिलीवरी की है, पहला प्रश्न मेरा ये है। तो क्या हमको शिक्षक को उस लायक बनाना पड़ेगा जो शिक्षा को एड्रेस करे? जैसे विज्ञान में बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और जब वो टीम बना के काम करते हैं तो सामूहिक भावना का उदय करना किसका काम है? क्या ये शिक्षा व्यवस्था का काम है या वहां पर जो आदमी बैठा है? तो हम जो शिक्षा व्यवस्था को सीधे कह देते हैं कि साहब शिक्षा व्यवस्था एड्रेस नहीं करती है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, क्या ये ठीक है? पहला प्रश्न मेरा ये है। और दूसरा प्रश्न जो सुविधा को लेके आपने उठाया है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं राजेंद्र असाटी हूँ, मैं लेक्चरर हूँ, और 80,000 रुपए महीने मेरे को मिल रहा है, तो मैं आराम से बैठ के सुविधा और सुखी होने और समृद्धि होने पर चर्चा कर रहा हूँ। पर आज जिस आदमी को सुविधा नहीं है, उसके घर में भोजन नहीं है, तो क्या वो सुविधा के लिए संघर्ष कर रहा है? तो उसका क्या? तो जब हम शुरुआती दौर में होते हैं या हमारे पास सुविधाएं नहीं होती हैं, तो सुविधाओं का संघर्ष तो होता ही है। और सुविधाओं का संघर्ष में जब हम आगे बढ़ते हैं तो नेचुरली उससे भी कहीं ना कहीं सुख और समृद्धि का नाता होता है। लेकिन जब जब हम इस तरह के सेशन में होते हैं तो एक हिडन ये मैसेज आता है कि आप सुविधाएं कितनी भी बढ़ा लें, आपको खुशी नहीं मिलनी है। लेकिन खुशी में एक पार्ट सुविधा का होता है या नहीं होता है, ये मैं आपसे थोड़ा और गहराई से समझना चाहता हूँ। थैंक यू जी। बहुत अच्छा जी, आपने जो पहली बात कही ना, तो डिलीवरी में कठिनाई तो है। जिस तरह से हम अभी शिक्षा की वस्तु को रख रहे हैं, उसमें भी हम कई बार मूल भावना को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाते, जो उससे अपेक्षा है उसको पूरी नहीं कर पाते। वहाँ प्रॉब्लम तो है डिलीवरी में, जो शिक्षक उस बात को ठीक से एड्रेस नहीं कर पा रहे। परंतु साथ में आप देखें तो कंटेंट के साथ भी कठिनाई है। कंटेंट में दो तरह की कठिनाई है। एक तो जो इस पर हम लोग अभी आने वाले हैं, इसके बाद एक दो स्लाइड में जो बात निकल कर आएगी कि इन मुद्दों पे संबंध क्या है, सुविधा की आवश्यकता क्या है, कितनी है, और मनुष्य क्या है, मनुष्य की परिवार में भागीदारी क्या है, समाज में भागीदारी क्या है, अस्तित्व में भागीदारी क्या है, इन सब मुद्दों को कई बार हम सिलेबस में ठीक से एड्रेस नहीं करते। सो कंटेंट को हम करिकुलम इंक्लूड नहीं करते। अगर कभी करते भी हैं तो उसको इस विधि से नहीं करते ताकि वो एक आपस में संवाद का रूप ले सके, परंतु उसको हम एक उपदेश के रूप में, आदेश के रूप में ले आते हैं, करो ना करो। जैसे कई बार हम लोगों ने मॉरल साइंस के कोर्सेज को इंक्लूड किया, बट मॉरल साइंस में हम ज्यादातर चीजें जो कहते हैं उपदेश के रूप में चले जाते हैं, ये सही है ये गलत है, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आपस में जो एक शिक्षक और छात्र का संवाद हो सकता है उसको हम ओमिट कर देते हैं। तो करिकुलम में गलती ये हुई कि हमने संवाद को स्थान नहीं दिया, हमने या तो उस वस्तु को ही नहीं रखा, रखा भी तो उपदेश के रूप में रख दिया। इसलिए जब व्यक्ति डिलीवर भी करने जाता है तो एक बस एक क्लासरूम के लेक्चर का एक भाग बन के रह जाता है, संवाद रूप नहीं ले पाता, बच्चों के अंदर स्वयं में जांच परख शुरू नहीं हो पाती। तो मैं कहूँगा कठिनाई दोनों ही जगह है, शिक्षा की वस्तु भी अपने आप में उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, और जो डिलीवरी है हमारा उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। पहले मुद्दे पे तो मैं ये कहूँगा। दूसरे मैं कहूँगा कि हमें दोनों चीज़ों की जरूरत है, सुविधा की भी जरूरत है, संबंध की भी जरूरत है। उन दोनों की प्रायोरिटी क्या है और कठिनाई कहाँ पे है, इसको थोड़ा समझेंगे। जो आपने उदाहरण लिया ना कि कैसे परिवार हो सकते हैं जहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, अगर उन परिवारों में भी अगर हम ठीक से देखेंगे तो पाएंगे कि जो मूलभूत रूप से सुविधाओं का अभाव हो गया है, ये भी कई बार आपको दिखाई देगा या हर बार दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं संबंध के अभाव से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम
परिवार में साथ साथ मिलकर उत्पादन कर पाए तो परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, परंतु हम साथ साथ जुड़ नहीं पाते, ये क्या हुआ, संबंध का अभाव हुआ। अगर गांव के स्तर पर देखें तो गांव में सभी लोग अगर आपस में जुड़कर उत्पादन करने का विचार करें, उत्पादन कर पाए, साथ साथ संबंध पूर्वक निर्वाह कर पाए तो गांव में जितनी सुविधाओं की जरूरत है उससे ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, परंतु कई बार भेदभाव हो जाता है, आपसी वैमनस्य हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, विरोध आ जाता है और हम ऐसा कर नहीं पाते। तो वहां पे भी अगर आप गहराई में जाके देखेंगे तो पाएंगे कि मूलतः सुविधा का अभाव नहीं है, संबंध का अभाव है, और संबंध का अभाव भी क्यों है उसको हम लोग अभी आगे समझेंगे। ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर कुमार, थैंक यू, आगे हम लोग समझ पाएंगे ज्यादा अच्छे से, थैंक यू जी। सुरभि जी कुछ कहना चाह रही है, नैनवती जी कुछ कहना चाह रही है, संक्षेप में अगर कह रहे हो तो जी हाँ बस एक लाइन दो लाइन कहना चाहती हूँ आपसे कि जो हम सुविधाओं और संबंधों की जो बात कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल क्लियर जी, हाँ। सुविधाओं और संबंध की बात जो हम करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि संबंधों के लिए ही सुविधा जुटाने की कोशिश की जा रही है, पर उसके पीछे भागते हुए और समय की कमी सफर साथ और साथ की कमी भी हमें दुख दे जाता है। हम लोग इसके साथ साथ इन दोनों चीजों में उलझे हुए हैं, और उसका दूसरा पहलू यह भी है कि सुविधाएं की कमी होना भी कई बार संबंधों को बिगाड़ रहा है। तो ये जो है ये एक बैलेंस बनाना हमें शायद इसके लिए आवश्यक है बहुत ज्यादा, वो दोनों चीजें कैसे मैनेज होंगी उस पर हमें चर्चा करनी बहुत होगी। अच्छा, आपने जो बात कही वो आगे कंटेंट से जुड़ता है कि संबंध के भाव कैसे निश्चित हो, सुविधा की आवश्यकता की पहचान कैसे निश्चित हो, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक बात है जी। नैनवती जी कुछ कहना चाह रही है? जी सर, मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं एकदम गांव से बिलोंग करती हूँ और बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट में सर्विस करती हूँ। मैं देखती हूँ सर कि मतलब जो गांव के लोग हैं अति गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, उसके बावजूद भी वो यहाँ के लोगों से बहुत खुश हैं। उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, शाम के लिए खाने का भी ठीक से नहीं है, पर वो लोग हमसे ज्यादा खुश, मतलब यहाँ के से ज्यादा खुश रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो बहुत हद तक दोनों को मेंटेन भी करते हैं, और शहर वाले के पास हर चीज है पर वो बहुत दुखी रहते हैं। मैं जहाँ किराए से रहती हूँ, मेरे मकान मालिक हैं, इनके पास सब कुछ है, गाड़ी है, तीन चार चार गाड़ियां हैं, उसके बावजूद भी ये लोग रात को ढंग से सो भी नहीं पाते हैं और हम इन्हीं घर में बहुत चैन से रह रहे हैं जी। अच्छा है, आप सभी लोग रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं पूरी वस्तु पे, बहुत अच्छी बात है। आदरणीय, मैं थोड़ी सी बात कहना चाह रहा हूँ। स्थिति जैसी बताई जा रही है वैसी है, लेकिन इस कार्यक्रम से और अल्पविराम से जब हम जुड़े हैं तो मुझे तो अंदर से कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि हमारी कथनी करनी में जो अंतर है वो बड़ा है। हम व्यवहारिक तौर पर कुछ अलग हैं और वैचारिक तौर पर कुछ अलग हैं। अभी दीदी भी कह रही थी, चाह गई चिंता गई मन भावे परवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहंसा। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि बहुत कुछ है और इससे भी बहुत कुछ चाहिए। अब ये चाहत कैसे नियंत्रण हो, सुविधाओं में कैसे, हाँ, तो वो स्थितियां हैं और इससे उभरने के लिए ही शायद इस आयोजन और प्रयोजन में जुड़े हैं तो कुछ लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी बिल्कुल, आपकी बातें जो हैं हमें अगले स्लाइड की ओर ले जा रही है, मैं उसको जरा ओपन कर देता हूँ फिर बात करते हैं। तो ऐसा हो रहा है, सब हम देख पा रहे हैं, ठीक बात है। तो प्रतिक्रिया की जो घटनाएं हैं, एक दूसरे से बात में करना, बहस करना, तर्क करना और समाज में तलाक का बढ़ जाना, ये सब धीरे धीरे आप देखें तो क्या लगता है, कम हो रही है, बढ़ रही है? बड़े आश्चर्य की बात है आपको अगर बताएं कि पश्चिम के देशों में आप देखें तो उन देशों को जिसको दुनिया में सबसे सुखी देश कहते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में जिनका नाम सबसे ऊपर आता है, अगर पहले 5 देशों को आप देखें तो आप पाएंगे कि वहां जो तलाक का परसेंटेज है वो 50% से ज्यादा है। मैं देश का नाम नहीं लूंगा, परंतु यदि आप विकिपीडिया ओपन करके देखें तो आपको दिखाई देगा कि वो देश जिनको हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर रखा जा रहा है वहां पे तलाक 50% से ज्यादा है। पश्चिम के देशों में, अधिकांश देशों में 30% से ज्यादा है, 40% से ज्यादा है। इवन एशियन देशों में देखें, एशिया के देशों में तो बहुत ज्यादा है, जबकि हमारे देश में 2-3% है। और कई बार भारत को एक दुखी देश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और आप अगर उनके हैप्पीनेस इंडेक्स के आकलन के लिए क्राइटेरिया को देखेंगे तो पाएंगे कई बार उसमें जो पहला क्राइटेरिया निकल कर आता है वो है कि पर कैपिटा इनकम क्या है। यानी कि हम कई बार चाहते हैं सुख का आकलन करना, परंतु हम आकलन करते हैं पर कैपिटा इनकम का पहले, और उसके आधार पर तय करने जाते हैं।
ये बहुत सारी चीजें हैं जो विधिवत ढंग से गलत हो गई है, हमारे समझने में चूक हो गई है, इसलिए शिक्षा में चूक हो गई है, इसलिए व्यवस्था के लिए योजनाएं बनाई जा रही वहां पे चूक हो गई है। तो इन सब चीजों को थोड़ा अध्ययन करते हैं कि है ना, ये आप आएंगे, सब क्या लगता है आपको, बढ़ रही है घट रही है ये प्रतिक्रिया की जो घटनाएं हैं, ये बढ़ रही है घट रही है? आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बढ़ रही है, सुरभि जी कह रही है बढ़ रही है, ठीक बात है, नैनावती जी कह रही है बढ़ रही है। तो हम अपने करीबी संबंधों में थोड़ा सा अन्वेषण करके देखें, जांच परख करें, परिवार में, घनिष्ठ मित्रों में, कार्यस्थल पे, समाज में क्या चल रहा है। तो सभी कह रहे हैं बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। और अभी आप देखें हमारे देश में भी जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं उसमें कम हो रहा है, परंतु जो मेट्रो सिटीज हैं, जो कॉर्पोरेट कल्चर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, तो वहां पर ये समस्या और बढ़ती जा रही है। तो देखने की बात है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, समझने की बात है। सिंपली ये कह देना कि ये गलत है, ये सही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ पे ये घटनाएं नहीं हो रही, तलाक नहीं हो रहा, वहां सभी सुखी हैं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। परंतु ये सब घटनाएं अगर हो रही हैं तो निश्चित बात है ये वांछित नहीं है। तो इसका क्या विकल्प हो, क्या समझने की बात है, यहाँ पे उस पर बात करते हैं। तो संबंध के लिए हमारी स्वीकारता के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक मुख्य मुद्दा जिसको हमको जांचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अब कुछ चीजें सामने रखी है, उसको थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, इसको अपने आप में जांच कर देखें कि आपकी चाहना संबंध पूर्वक जीने की है, या आपकी चाहना विरोध पूर्वक जीने की है, या आपने मान रखा है कि जीना तो विरोध पूर्वक ही संभव है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, और क्या आप ऐसा जीते हुए सुखी होते हैं। तो इस पर भी आपका एक रिफ्लेक्शन देते हैं। आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं, उसको आप यहाँ पे पोल्स में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपसे पूछूं आपकी चाहना संबंध पूर्वक जीने की है, नहीं, तो सभी ने कहा है। इसका सीधा मतलब कि आपकी चाहना विरोध पूर्वक जीने की तो नहीं है। फिर ऐसा है क्या कि आपने मान लिया है कि जीना तो विरोध पूर्वक ही संभव है, ऐसा मान लिया है क्या? और अगर ऐसा मान लिया है तो क्या आप वैसा जीते हुए सुखी होते हैं? मजे की बात है, आज के दिन एजुकेशन में हम देखें तो इसको हम विधिवत ढंग से पढ़ाते हैं। किसी ने कह दिया आज से 120 साल पहले कि द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव। अब उसने जिस चीज को अध्ययन किया, ज्यादातर देखे तो अध्ययन पशुओं का हुआ, और उसको अध्ययन करके हमने मनुष्य पर आरोपित कर दिया। भाई देखने की बात है कि हमारा वर्तमान दृष्टिकोण क्या है, हम किस दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहे हैं, घर में, परिवार में, स्कूल में, कॉलेज में, समाज में, और कैसे, क्या ये हमें सहज से स्वीकार भी है या नहीं, इस पर आप अपना रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। उसी बीच में आपसे एक प्रश्न कर लेता हूँ कि लेट से एक घर है जिसमें कि दो लोग हैं, एक काल्पनिक सा घर है ना, एक उदाहरण है। उस घर में एक मजबूत व्यक्ति है, ताकतवर व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, और घर में जो भोजन उपलब्ध है वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। तो अगर इस विधि से देखें, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो किसको भोजन मिलेगा, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। भोजन एक व्यक्ति के लिए है, एक व्यक्ति ताकतवर है, एक व्यक्ति कमजोर है, इस सिद्धांत के अनुसार भोजन किसको मिलेगा, ताकतवर या कमजोर? मुकेश जी कह रहे ताकतवर को मिलेगा, भारत जी कह रहे ताकतवर को मिलेगा, सत्य प्रकाश जी, अखिलेश जी, आप सभी कह रहे ताकतवर को मिलेगा। अगर इस सिद्धांत से देखें तो ऐसा ही होता है। अब उसी उदाहरण में थोड़ा सा और क्वालिफाई करते हैं उसको, कि अगर जो ताकतवर व्यक्ति है वो माँ है और जो कमजोर व्यक्ति वो बच्चा है, अब भोजन किसको मिलेगा, कमजोर को, बच्चे को मिलेगा, कमजोर को मिलेगा। अब आप ठीक से देखिए क्या बदल गया। पहले उदाहरण में संबंध का भाव नहीं था, स्पष्ट नहीं किया गया था, दूसरे उदाहरण में संबंध का भाव स्पष्ट हो गया। अब यदि मनुष्य को देखें तो मनुष्य के ऊपर क्या सिद्धांत लागू होगा, अगर संबंध का भाव नहीं होगा तो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल होगा, संबंध का भाव होगा तो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल नहीं होगा। माँ बच्चे को खिला के खाएगी। अगर एक घर में दो भाई है, बड़ा भाई पढ़ लिख गया, नौकरी कर गया, तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पढ़ाता है, लिखाता है, पूरे परिवार को संभालता है। अगर स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल होता तो पूरे परिवार को बेच खाता है ना, या कुछ ऐसा करता, कुछ उल्टी सीधी हरकतें होती, ऐसा तो नहीं होता। तो अगर हम देखें तो मनुष्य के लिए ये बात कहाँ तक लागू, ये समझने की बात है कि अगर संबंध का भाव होगा तो ये सब चीजें कभी लागू ही नहीं होती। परंतु हमको शिक्षा में विधिवत ढंग से पढ़ा दिया गया, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है,
हर दूसरा बच्चा तुम्हारे जीने में बाधक है, तुम उसके कंधे पे रख के पांव रख के ऊपर नहीं चढ़ोगे तो दूसरा तुम्हारे कंधे के ऊपर पैर रख के ऊपर चला जाएगा। हम नर्सरी से बच्चों को सिखा रहे हैं, नर्सरी में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को आपस में संघर्ष करना पड़ता है और वहां पे दिखाई देता है कि जिसके पास ज्यादा पैसा वो एडमिशन ले लेगा और इस तरह की बातें निकल आ जाती हैं। कई बार हम लोग शिक्षा में विधिवत ढंग से एक गलत तरह की मान्यताओं को बढ़ावा दे देते हैं। ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आज के देखने के लिए। शिक्षा की वस्तु में गलती हो गई तभी ऐसा हो रहा है, शिक्षा की विधि में गलती हो गई तभी ऐसा हो रहा है, इसलिए शिक्षा पे काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। अब जो मैंने आपसे प्रश्न किया था कि जीना संघर्षपूर्वक ही संभव है और केवल योग्य जन ही जीवित रह सकते हैं, तो एक व्यक्ति ने कहा है कि दृढ़ता से सहमत है, 6 लोगों ने कहा है कि सिर्फ सहमत है, 7 लोगों ने कहा ना सहमत ना असहमत, 16 लोगों ने कहा असहमत है और 6 लोगों ने कहा दृढ़ता से असहमत है। बहुत अच्छा, आप सभी लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 36 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। मैं तो कहूंगा कि हम सभी इस तरह के पोल्स में पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करें, इससे हमको आपस में संवाद करने का अवसर मिलता है। कुछ लोगों ने हाथ उठाया, उनका प्रश्न लेते हैं। सुष्मिता जी। जी सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि जो आपने सेकंड पॉइंट लिखा है, वी वांट टू लिव इन ऑपोजिशन विद अदर्स, सर ये थोड़ा अगर आप ज्यादा एक्सप्लेन कर पाए। यानी कि आप क्या विरोध पूर्वक जीना चाहते हैं किन्हीं के साथ, परिवार में, दफ्तर में, समाज में, किसी के साथ भी ऐसा है क्या क्या विरोध पूर्वक जीना चाहते हैं, विरोध करना चाहते हैं सहज रूप से? किस तरह का विरोध, ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वी वांट टू लिव इन ऑपोजिशन विद अदर्स। तो आपके अंदर विरोध का भाव हो अगले के प्रति ऐसा चाहते हैं या संबंध का भाव हो ऐसा चाहते हैं? अच्छा ओके, ये सिर्फ आप क्या चाहते हैं। जी जी जी, क्या चाहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, हम लोग आगे चलते हैं। तो समझ की भी आवश्यकता है मानव के लिए, क्योंकि ये जो हमारी गलत मान्यताएं बन जाती है ना, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल द फिटेस्ट, मनी इज एवरीथिंग, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, हर दूसरा व्यक्ति तुम्हारा शत्रु है और इस तरह की बहुत सारी जो हमारी मान्यताएं बन जाती हैं, ये संबंध की चाहना होने के बावजूद संबंध पूर्वक जीने में बाधा उत्पन्न करती है। तो संबंध के निर्वाह के लिए संबंध के बारे में समझ होना आवश्यक है। तो मानव के लिए तीसरी चीज भी आवश्यक है जिसको कहते हैं समझ, क्योंकि समझ के आधार पर ही हम मानव मानव संबंध को स्पष्टता के साथ पहचान पाते हैं, इसका निर्वाह कर पाते हैं और समझ के आधार पर ही हमको ये स्पष्ट हो पाता है कितनी सुविधा की आवश्यकता है। जैसे भोजन हमें जरूरी है, कितना भोजन चाहिए, मकान कितना चाहिए, कपड़े कितने चाहिए, साधन कितने चाहिए, ये सब कैसे तय होगा, समझ के साथ ही होगा। हम साथ साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को हम सुखी करने का प्रयास भी करते हैं, परंतु कौन सा ऐसा भाव है जिसके आधार पर मैं भी सुखी हो पाऊंगा, अगला भी सुखी हो पाएगा, ये जब तक स्पष्ट नहीं है और कोई मान्यता बन गई है कि भाई ठीक है परिवार में हस्बैंड ऐसे ही होते हैं, वाइफ ऐसी ही होती है, इन लॉज ऐसे ही होते हैं, अब ये सब बहुत सारी मान्यताएं बन जाती हैं, उन मान्यताओं के साथ हम साथ साथ जीते तो रहते हैं पर दुखी रहते हैं, तो हमको स्पष्ट होना जरूरी है कि कौन सा भाव है जो मुझे भी स्वीकार होगा, अगले को भी स्वीकार होगा। अगर वो हमको पकड़ में आ जाए, वो हमको स्पष्ट हो जाए, तो उसके साथ हम साथ साथ सुखपूर्वक जी पाते हैं, अदरवाइज साथ साथ बने रहते हैं, जीने की आशा नहीं रहती साथ साथ कि ऐसा होता रहे। तो समझ के आधार पर ही ऐसा हो पाता है, स्पष्टता बन पाती है, संबंध को लेकर भी, सुविधा को लेकर भी। इसलिए अगर हम मानव की कुल आवश्यकता को देखें तो 3 तरह की आवश्यकताएं दिखती हैं। एक सुविधा की आवश्यकता है जो शेष प्रकृति के साथ पूरी होती है, जैसे हमको भोजन चाहिए, खेती करते हैं, अनाज मिलता है, सब्जी मिलता है, फल मिलते हैं, दूध मिलता है, ठीक, प्रकृति से हमें मिलता है। संबंध हम मानव के साथ जीते हैं, वहां से हमको संबंध का निर्वाह होता है और स्वयं में हमारी समझ बनती है। ये 3 चीजें मानव के लिए आवश्यक है या नहीं, ये समझने की बात है। सुविधा पशु के लिए आवश्यक हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है, मानव के लिए तो नहीं है पूर्ण, ये देखने की बात है। क्या ये 3 आवश्यक है या इनमें से किसी को छोड़ा जा सकता है, और क्या ये 3 पर्याप्त है या इसमें किसी को जोड़ने की भी जरूरत है, इस पर आपका रिफ्लेक्शन लेंगे। और क्या हम इन 3 के लिए प्रयास कर रहे हैं, और यह 3 आवश्यक है तो प्राथमिकता का क्रम क्या होगा, कौन पहली वरीयता होगी, कौन दूसरी वरीयता होगी, कौन तीसरी वरीयता होगी। वरीयता का मतलब या प्राथमिकता का मतलब ये हुआ कि अगर हमको वरीयता स्पष्ट हो जाए तो जो निम्न प्राथमिकता की वस्तु है उसको सुनिश्चित करना ज्यादा आसान हो जाएगा। इस पे आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आपका रिफ्लेक्शन लेंगे इसके ऊपर कि आपकी प्रथम वरीयता क्या होगी, आपकी द्वितीय वरीयता क्या होगी, आपकी तृतीय वरीयता क्या होगी,
इस पे आप रिस्पॉन्ड करें, तब तक कोई प्रश्न हो तो उसको ले लेते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं अपनी बात पूछने के लिए। क्या लगता है, ऐसा लगता है कि ये तीन पर्याप्त हैं या इसके अलावा भी कुछ चाहिए? अगर मनुष्य में समझ हो, संबंध का भाव हो और उसके पास आवश्यक सुविधा हो तो इससे अधिक भी कुछ चाहिए क्या? ये भी देखें, हमने किसी को ड्रॉप कर सकते हैं क्या? उसे तो हम विचार भी कर सकते हैं। वर्णा जी कह रही है नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। प्रवीण जी कह रहे हैं तीनों जरूरी है। विजय जी कह रहे हैं नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। प्रेमलता जी कह रही है नहीं। नन्वती जी कह रहे तीनों जरूरी है आज के परिवेश में, तो किसी चीज को ड्रॉप नहीं कर सकते। जितेश जी कह रहे हैं, अंजना जी कह रहे हैं नहीं, ठीक बात है, अच्छी बात है। आप सभी लोग बहुत ही रेडिली इन सब चीजों को देख पा रहे हैं। तो अगर आपके रिस्पांस को देखा जाए तो जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, तो समझ पहली वरीयता होगी, मानव के साथ संबंध दूसरी वरीयता होगी और भौतिक सुविधाएं तीसरी वरीयता होगी। बहुत अच्छा, अपने आप में जांच परख करने से भी यही निकल कर आता है कि पहली वरीयता मनुष्य के लिए समझ है, क्योंकि समझ के साथ ही हम स्वयं में तृप्त हो पाते हैं और हमको स्पष्ट हो पाता है कि कौन सा ऐसा भाव है जो मुझे तृप्त करेगा, अगले को तृप्त करेगा, जैसे विश्वास का भाव, सम्मान का भाव। जब तक इन भावों को समझते नहीं, इनकी अपेक्षा तो बनी रहती है कि दूसरा हम पे विश्वास करे, हम दूसरे विश्वास कर पाए, एक दूसरे का सम्मान हो, परंतु विश्वास होता क्या है, सम्मान होता क्या है, ये हमको स्पष्ट नहीं हो पाता। तो ये स्पष्ट होता है समझ के साथ। तो समझ के साथ जब हम संबंधों का निर्वाह करने जाते हैं तो भाव स्पष्ट होते हैं, उसके साथ हम जीते हैं ना दूसरे के साथ, तो हमारे व्यवहार से अगले को सुख मिलता है और हमारे विचार से, हमारे भाव से हमको भी सुख मिलता है। वैसे दूसरे में भी अगर समझ हो तो उसका सुख हमको मिलता है और साथ साथ जीने में सुख बनता है, म्यूचुअल हैप्पीनेस होती है, उभय सुख होता है। वैसे ही समझ के साथ ये हम तय कर पाते हैं कि क्या सुविधा चाहिए। पहली बात, भोजन के रूप में क्या चाहिए, कपड़े के रूप में क्या चाहिए, मकान के रूप में क्या चाहिए, साधन के रूप में क्या चाहिए, हम इसको तय कर पाते हैं, और कितना चाहिए ये भी तय कर पाते हैं, एक बात। दूसरी बात, प्रकृति से कैसे इसको उपार्जित करें ताकि हमारी आवश्यकता भी पूरी हो और प्रकृति भी पहले से बेहतर हो जाए। आज के दिन देखिए तो प्रकृति को जिस प्रकार से हम क्षय करते जा रहे हैं, और उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से संसाधनों का अभाव होता जा रहा है, और उसके अनेकानेक उदाहरण है। उसमें जब प्रकृति की व्यवस्था बात करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। एक स्टीफन हॉकिंग नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं, वो 3 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया, तो आज से करीब 12-15 वर्ष पहले वो भारत आए थे, ये 2007 या 8 की बात होगी। तो भारत आए थे तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपको आज के दिन विज्ञान के सामने क्या बड़ी समस्याएं दिखती, क्या बड़े चैलेंजेस दिखाई देते हैं, चुनौतियां दिखाई देती हैं। उन्होंने 5-6 बड़ी चुनौतियां बताई, जैसे एक बताया ग्लोबल वार्मिंग है ना, दूसरा बताया कि प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, तीसरा बताया कि नाभिकीय युद्ध हो सकते हैं, न्यूक्लियर वॉरफेयर हो सकता है, चौथा बताया कि अनुवांशिक युद्ध हो सकते हैं, जेनेटिक वॉरफेयर हो सकता है, ऐसा करके उन्होंने बहुत सारी समस्याएं बताई। फिर उन्होंने पूछा कि बहुत अच्छा है, आप तो इतनी सारी समस्याओं को गिना पाए, अब ये बताइए कि इन समस्याओं को सुलझाने विज्ञान क्या कर सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि हमें इतना शोध करना चाहिए कि अगले 10-15 वर्षों में इस धरती को छोड़ किसी दूसरी धरती पर जा बसे। आप सोचिए, विज्ञान यहाँ पहुंच गया है, सुविधाओं पे शोध करते करते अब उसको लग रहा है कि धरती पे तो समस्याएं बनी रहेंगी, हमें दूसरी धरती पे जाना होगा। अब थोड़ा सोच के देखिए कितना इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन है ये। क्या ऐसा हो सकता है कि धरती के 7 अरब लोग दूसरी धरती पे चले जाए, और जब इस धरती का हमने ये दुर्दशा कर दिया तो दूसरी धरती का क्या करेंगे? क्यों ना इसी धरती पे साथ साथ सुखपूर्वक समृद्धिपूर्वक जीने की योजना बनाई जाए, क्यों नहीं, है ना। तो अगर देखें तो ये मानव के लिए 3 चीज जरूरी है, समझ, संबंध और सुविधा। समझ और संबंध को साथ जोड़ के देखते हैं तो उभय सुख मिलता है, और समझ के साथ ही सुविधा की आवश्यकता तय कर पाते हैं, और शेष प्रकृति को भी समझ पाते हैं, और कौन सी उत्पादन की विधियां होंगी जिससे हमारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी सुविधाओं की, उसको भी तय कर पाते हैं। इससे हम भी समृद्ध होते हैं और शेष प्रकृति भी समृद्ध होती है, इसको कहा उभय समृद्धि। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं और क्या करते हैं तब, तो सुविधाओं को एक पूर्ण मान लेते हैं कि यही सब कुछ है,
सुविधा भर में जीना है, सुविधा कोई पूरा करना है। और जब ऐसा होता है तो बिना समझ के जब संबंधों का निर्वाह करने जाते हैं तो हम स्वयं में भी दुखी रहते हैं और दूसरों को दुखी करते रहते हैं। आप देखिए कि अगर हमारे में स्वयं में समझ ना हो, हम अपने आप में ही कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, अतृप्त रहते हैं, और जब अतृप्त होकर दूसरे से व्यवहार करते हैं तो दूसरे को अतृप्त कर देते हैं और एक चेन प्रोसेस बन जाता है। वैसे ही समझ के अभाव में हमको ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि कौन सी सुविधा चाहिए, कितनी चाहिए, तो हम प्रकृति का दोहन करते रहते हैं। उससे हम अपने आप में दरिद्र महसूस करते हैं और दूसरों का भी शोषण करते रहते हैं, दरिद्र बनाते रहते हैं, मनुष्यों का भी, प्रकृति को भी। अभी आप देखिए तो धरती पे धन बढ़ता जा रहा है पर दरिद्रता का भाव बढ़ता जा रहा है, शोध बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, नई नई सुविधाएं जुटाते जा रहे हैं, परंतु मानव के अंदर दरिद्रता का भाव भी बढ़ता जा रहा है और शोषण भी बढ़ता जा रहा है, बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। तो मूल मुद्दा क्या है कि शिक्षा के द्वारा सही समझ सुनिश्चित नहीं हो पा रही, शिक्षा के द्वारा संबंध का भाव सुनिश्चित नहीं हो पा रहा, क्योंकि पूरी शिक्षा आरोपित हो गई है सुविधाओं पे। मानव चेतना तब कहेंगे जब हम तीनों को पूरा कर पा रहे हैं, सही समझ, सही संबंध और आवश्यक सुविधा, उन तीनों को ठीक से पूरा कर पा रहे हैं, तब कहेंगे मानव की तरह जी रहे। तो समझ, संबंध और सुविधा इसी क्रम में हम मानव चेतना में जी पाते हैं, इन्हीं के आधार पर हम सुखी हो पाते हैं, समृद्ध हो पाते हैं, एक दूसरे को सुखी समृद्ध कर पाते हैं। दूसरी तरफ देखें तो अगर आदमी सिर्फ सुविधाओं पे ही कमिटेड है, सिर्फ इसी के लिए जी रहा है, इसी के लिए पूरा करने में लगा हुआ है, बिना समझे, बिना संबंध पूर्वक जिए, कहेंगे जीव चेतना, क्योंकि पशु के लिए पूर्ण हो सकता था, मनुष्य के लिए तो नहीं होगा। मनुष्य अगर इसी को पूर्ण मान ले तो जीव चेतना है, पशु की तरह जीना है। इसका निष्कर्ष क्या होता है? अपने आप में दुखी रहना, दूसरों को दुखी करते रहना, अपने आप में दरिद्र बने रहना, दूसरों का शोषण करना, दरिद्र बनाना, ये जीने का क्रम बन जाता है। अभी देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं समाज कहाँ जा रहा है, इधर जो लिखा हुआ है इस तरफ जा रहा है या जो पहले लिखा हुआ है वहां जा रहा है। यदि हम केवल भौतिक सुविधाओं के लिए जी रहे हैं, हम जीव चेतना में जी रहे हैं, क्योंकि पशु केवल इनसे तृप्त हो पाता, मनुष्य तो नहीं हो सकता, इसको कहा जीव चेतना। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि जीव चेतना में जीता हुआ पशु है वो संगीत में व्यवस्था में रहता है, आराम में रहता है, ये ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। मानव चेतना में अगर मनुष्य जी रहा है तो मानव भी आराम में रहता है, ठीक है, संगीत और व्यवस्था में रहता है। समस्या तब है जब मानव जीव चेतना में जी रहा होता है, मानव होते हुए पशु की तरह जी रहा होता है, तब वो विरोध में रहता है, व्यवस्था में रहता है, यही सारी समस्या है। तो जीव जीव की तरह जी ले, ठीक है, मानव मानव की तरह जी ले, ये भी ठीक है, परंतु मानव पशु की तरह जिए ये ठीक नहीं है, ये समस्या। और धरती पे कुल समस्या इतनी है कि मानव होते हुए भी जीव चेतना में जिया जा रहा है। इसे धरती पे भी दो तरह के लोग दिखाई देते हैं, एक सुविधा विहीन दुखी दरिद्र, लोगों का SVD2, सुविधा विहीन दुखी दरिद्र। दूसरे है सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र, S2D2। अभी की जो शिक्षा है वो अधिक से अधिक इतनी करती है कि सुविधा विहीन को उठा के सुविधा संपन्न बना देती है, परंतु ये कॉमन फैक्टर जो बना रहता है, दुखी रहना, दरिद्र रहना, और वो भी सभी को नहीं बना पाती, नहीं सभी सुविधा संपन्न हो जाए ऐसा भी नहीं, क्योंकि पूरी संपन्नता की प्रक्रिया ऐसी कि सभी सुविधा संपन्न नहीं हो सकते। तो सुविधा विहीन से उठ के सुविधा संपन्न हो जाते हैं, परंतु दुखी और दरिद्र बने रहते हैं, ये अभी का आकलन है ना। जबकि होना क्या चाहते हैं इसको देखें तो सुविधा संपन्न होना चाहते हैं, सुखी समृद्ध भी होना चाहते हैं। तो सुविधा ना हो ऐसा नहीं कह रहे, सुविधा हो परंतु इसकी आवश्यकता भी स्पष्ट हो, उसको पूरा करने की विधि भी स्पष्ट हो, और उससे ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो भी इंश्योर कर पाए, ताकि हम सुखी हो पाए, समृद्ध हो पाए, इसका S4। तो अभी देखने की बात है कि हम कहाँ हैं आजकल, SVD2 में है, S2D2 में है, S4 में है, और होना कहाँ चाहते हैं। तो अभी कहाँ जी रहे हम, 1, 2 या 3 में कहाँ जी रहे हैं, है ना, और कहाँ होना चाहते हैं, इस पर आपका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। इसके साथ अभी जो दोपहर के पहले का सत्र होगा उसको पूरा करेंगे, और फिर हम लोग दोपहर बाद फिर 3 बजे मिलेंगे। तो कहाँ पहुँचना चाहते हैं, सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र, सुविधा विहीन दुखी दरिद्र, सुविधा संपन्न सुखी समृद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तब तक अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई रिफ्लेक्शन हो तो उस पर बात कर लेते हैं, आपका कोई राय हो इस पे। ठीक है, इस पे रिफ्लेक्ट करें। तो थोड़ी सी बात यहाँ करते हैं, फिर इस पे लौट के आएंगे हम लोग। तो अल्टीमेटली ये परिमार्जन की आवश्यकता है आज के दिन,
कि सुविधा के छोटे से दायरे से निकलकर हम इस संपूर्णता में जी पाए, ये वांछित है, तभी हम कहेंगे हम विकास कर पा रहे हैं, ये परिमार्जन हो जाए। इस परिमार्जन का अर्थ क्या है, इस हम लोग बात करेंगे। इतना तो देख लेते हैं। बात है तो अधिकांश लोग यही कह रहे हैं, सुविधा संपन्न सुखी समृद्ध, 92% लोग ऐसा कह रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात ये रही कि आपके साथ बहुत अच्छा संवाद हो पाया इस ऑनलाइन मोड में भी, और हम इस संवाद को और आगे बढ़ाएंगे, और आप पाएंगे ये मूलतः एक संवाद की प्रक्रिया है। मेरे और आपके बीच संवाद शुरू हुआ है, बट शनै शनै आपके अंदर संवाद चलने लगेगा, और इस संवाद का चलना ही उपलब्धि है। जितना जितना हमारे संवाद बढ़ने लगता है अपने अंदर ना, उतना उतना हम समाधानित होने लगते हैं, हमको अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं से मिलने लगते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, और इसके साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, लेते रहेंगी जी। बढ़िया बढ़िया, अच्छी। सभी को पुनः एक बार नमस्ते। तो हम लोग लंच से पहले जो चर्चा कर रहे थे उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो जांच परख के द्वारा ये निष्कर्ष निकला था कि हम सबको मानव के रूप में 3 चीजों की जरूरत है, स्वयं में सही समझ, संबंध में सही भाव, और शेष प्रकृति के साथ आवश्यक सुविधा। तो मुझे स्वयं में समझ होती है तो मैं अपने आप में तृप्त रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। समझ के साथ जब मैं दूसरे के साथ सही भाव को शेयर करता हूँ अपने व्यवहार के द्वारा, उसे मुझे भी सुख मिलता है, अगले को भी सुख मिलता है। और समझ के साथ ही मैं इस बात को तय कर पाता हूँ कि मुझे कौन सी सुविधा की आवश्यकता है, कितनी सुविधा की आवश्यकता है, उसको किस विधि से पूरा करना है। एक तो क्या सुविधा चाहिए ये तय हो पाता है, कितनी चाहिए ये तय हो पाता है, और कैसे पूरा करना ये भी तय हो पाता है। ये तीनों चीजें तय हो पाती है तो उससे मैं भी समृद्ध महसूस करता हूँ, और जिस प्रकृति के साथ मैं कार्य करता हूँ जुड़कर, प्रकृति को भी समृद्ध बना पाता हूँ। जब हम उभय सुख उभय समृद्धि पूर्वक जी पाते हैं तो कहेंगे कि मानव चेतना में जी रहे। ये बात ठीक है, इस पर कोई रिफ्लेक्शन आपका, कोई विचार आपका, इतना कहना ठीक है? क्या इनमें से किसी को छोड़ सकते हैं क्या? एक बार पुनः मैं पूछ लेता हूँ, समझ संबंध और सुविधा, इन तीनों में से किसी को छोड़ सकते हैं क्या? और अगर ये तीनों पूरे हो जाए तो इसके अलावा और क्या चाहिए? समझ का विस्तार चाहिए ये? समझ का विस्तार हो, है ना? बिल्कुल। तो समझ में पूरे हो, जो भी है जैसा है वैसा हमको समझ में आ जाए। इनफैक्ट समझने के विस्तार को देखिए तो हम सभी पूरे अस्तित्व तक समझना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, अपने संबंधों को समझना चाहते हैं, अपने आसपास की जो पूरी प्रकृति है, मिट्टी पानी हवा पेड़ पौधे पशु पक्षी, इन सबको समझना चाहते हैं, पूरे अस्तित्व को, पूरे ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं, और उसमें अपनी जो भागीदारी है उसको भी समझना चाहते हैं। हमारी समझ पूरी हो जाए ऐसा हम चाहते हैं। वो पूरी होती है तभी जाके मेरे अंदर सुख की निरंतरता होती है, और सुख की निरंतरता के साथ जो भी मैं व्यवहार करता हूँ वो व्यवहार मुझे भी सुख देता है, अगले को भी सुख देता है। इसके साथ जो मैं शरीर का रखरखाव करता हूँ, शरीर भी स्वस्थ बना रहता है। जब उत्पादन करने जाता हूँ तो मैं इंटरैक्ट करता हूँ प्रकृति के साथ, पेड़ पौधों के साथ, पशु पक्षी के साथ, मिट्टी हवा पानी के साथ, उनको भी बेहतर बना पाता हूँ, तब कहेंगे मानव चेतना में जी रहे। अन्यथा अगर हम सिर्फ सुविधा मात्र के लिए जी रहे हैं, जिसमें हमको न तो ये समझ में आ पाया कि सुविधा की आवश्यकता कितनी है, कौन सी सुविधा की आवश्यकता है, किस विधि से पूरा करना है, बस उसमें लगे हुए कि ये बढ़ती चली जाए, इस क्रम में अगर देखें तो हम स्वयं दरिद्र बने रहते हैं, और इसको बढ़ाने के लिए हम दूसरों का शोषण करते हैं, मनुष्य का भी करते हैं, प्रकृति का भी करते हैं, और उनको भी दरिद्र बना देते हैं। इसको कहा जीव चेतना। इनफैक्ट जीव जितना डैमेज कर सकता है प्रकृति को, हम उससे बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। ठीक से देखिए, अगर एक जंगल में तो पशु पक्षी रहते हैं ना, मिट्टी हवा पानी रहती है, पेड़ पौधे रहते हैं, और पूरा जंगल समृद्ध बना रहता है। जब वहां मनुष्य जाता है तो जंगल नष्ट होना शुरू होता है, तब जंगल बर्बाद होना शुरू होता है। तो मनुष्य समझ के अभाव में अपने आप को भी परेशान करता है और शेष प्रकृति को भी खराब कर देता है। परंतु यदि समझ हो जाए तो मनुष्य प्रकृति को और अच्छा बना सकता है। कोई भी पशु कोई पेड़ नहीं लगा सकता, हम पेड़ लगा सकते हैं और अनगिनत पेड़ लगा सकते हैं कि नहीं, है ना? मिट्टी हवा पानी सबको बेहतर बना सकते हैं। तो हमारे अंदर समझ हो जाए
हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, परंतु समाज के अभाव में हम खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरों को दुखी करते रहते हैं, प्रकृति को भी छीन करते रहते हैं, मनुष्य का शोषण करते रहते हैं, इसको जीव चेतना का। तो ये हम लोगों ने बात किया था कि अभी धरती पे देखे तो दो तरह के मनुष्य दिखाई देते हैं, सुविधा विहीन दुखी दरिद्र और सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र। और जो प्रचलित सिस्टम है, जो प्रचलित एजुकेशन है, उसमें देखें तो अधिक से अधिक हम मनुष्य को सुविधा विहीन से उठाकर सुविधा संपन्न बना पाते हैं, वो भी हर एक को नहीं, परंतु ये दुख और दरिद्रता बनी ही रहती है। इसलिए भी कहा कि SVD² से अधिक से D² बना पाते हैं, परंतु चाहते क्या है कि हर मानव सुखी समृद्ध हो, सुविधा संपन्न हो, उसके साथ सुखी भी हो, समृद्ध भी हो, एस पावरफुल हो। उन्होंने बात किया था कि हम चाहते तो यहाँ है ना 3 में होना, परंतु कहीं ना कहीं हम उलझ जाते हैं 1 या 2 में। तो अगर हम संसाधनों का थोड़ा आकलन करेंगे, कुछ डेटा है जो लिया गया है UNEP के द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र समर्थित जो विश्लेषण है, ये 2011 का एक डेटा है, उसके अनुसार उत्पादित 4200,000 टन खाद्य पदार्थ में से 1,000,000 टन से अधिक खाद्य पदार्थ बर्बाद हो जाते हैं या व्यर्थ चले जाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा शुरू किए गए एक एक अध्ययन के अनुसार, एक नए अध्ययन के अनुसार, हर साल मानव उपभोग के लिए उत्पादित सभी खाद्य पदार्थों में से 1/3 यानी कि लगभग 1.3 बिलियन टन व्यर्थ कर देता है या बर्बाद कर देता है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जो पूरे विश्व में खाद्य का उत्पादन है वो आवश्यकता से 6 गुना है और बर्बादी उसका 1/3 है, यानी कुल जो आवश्यकता है उससे 2 गुना हम बर्बाद करते हैं। जब डेटा लिया गया था तो आबादी करीब 650-700 करोड़ के आसपास रही होगी, आज के दिन 750 करोड़ करीब हो गई है। और उसमें देखें तो ऐसा दिखता है कि जितनी कुल अनाज की उत्पादन है, खाद्य पदार्थों की उत्पादन है, वो आवश्यकता से दुगना है, आवश्यकता से 6 गुना और दुगना हम बर्बाद कर दे रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि लोग भूख से मर रहे हैं क्योंकि भोजन का अभाव है। अब दिखता है भोजन का अभाव नहीं है, भोजन के सदुपयोग का अभाव है, भोजन के वितरण सही न हो पाने कारण ऐसा हो रहा है। ये सब दिखने की बात है कि क्या हमने सदुपयोग को समझा है। अभी भी हम देखें तो क्या हमने सदुपयोग को समझा है। हमने व्यक्तिगत रूप से भी आकलन किया इस बार, कई बार जब काम शुरू करते हैं किसी जिले में या किसी गांव के बीच में तो इसका हम आकलन करते हैं, इसको हम लोग MP में भी आकलन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक तो कानपुर के कई गांवों का आकलन किया, उसमें ये पाया कि जो गांव की कुल आबादी है उससे जो पूरे खाद्य उत्पादन की जरूरत है उससे ज्यादा उत्पादन हो रहा होता है और बहुत सारा पैसा नशा पत्ती में, शराब में, इन सब चीजों में खर्च हो जाता है। हम लोगों ने पूरे देश का भी एक आकलन किया था, वो दिखाई दिया था कि 2011 में हमारे देश की कुल जो आबादी थी 113 करोड़ थी और जो कुल खाद्यान्न का उत्पादन था 227 करोड़ क्विंटल था, यानी प्रति व्यक्ति 2 क्विंटल तो पैदा हो ही रहा है। ये 2011 का डेटा है। और अगर हम खपत को देखें खाद्य के रूप में औसतन, जिसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी शामिल हो, तो करीब 80 किलो से 1 क्विंटल के बीच में आता है। यानी अगर हम भारतवर्ष में भी देखें तो जो हमारा उत्पादन है वो हमारी आवश्यकता के 2 से 2.5 गुना है, फिर भी लोग भूख से मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यानी कि कहीं वितरण की समस्या है। हमने कहीं सदुपयोग को ठीक से समझा नहीं है, उत्पादन की समस्या नहीं है, और वितरण की समस्या होने का मतलब संबंध के अभाव की समस्या है। कहीं अनाज सड़ रहा है, कहीं लोग भूख से मर रहे हैं, और संबंध की समस्या का मतलब समझ के अभाव की समस्या है, और समझ के अभाव की समस्या का मतलब कि ये शिक्षा की समस्या है। शिक्षा ठीक से नहीं उपलब्ध हो पाई है, जिस तरह की शिक्षा की जरूरत है। अभी छात्रों से आप पूछिए कि क्या आपको सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट है, कितने छात्रों को स्पष्ट होती है। मैं एक समय जब पढ़ा रहा था एक यूनिवर्सिटी में तो एक छात्र मेरे पास आया, 4th ईयर का छात्र था, उसने कहा कि एक कंपनी आई है, ये पुरानी बात है, आज से करीब 15 वर्ष पुरानी बात होगी, कंपनी आई है और वो कंपनी 3 लाख का पैकेज दे रही है। तो उसने मुझसे पूछा कि मुझे इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने कहा तुम्हारी आवश्यकता कितनी है वर्ष भर की। उसने कहा ये मैं कैसे तय कर सकता हूँ। तो मैंने कहा अगर आप ये नहीं तय कर सकते कि साल भर की आवश्यकता कितनी है, कंपनी 3 लाख दे रही है पर्याप्त है कि नहीं है, कैसे तय होगा। विचार में पड़ गया, उसने कहा सर बात तो ठीक है परंतु ये तय कैसे होगा। तुमने कहा उसके लिए आपको एक शिविर करना पड़ेगा।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सुविधा की आवश्यकता को तय कर पाए, नहीं तो उत्पादन को हम बढ़ाते जाते हैं परंतु अभाव बना रहता है। तो इस तरह के परिमार्जन की आवश्यकता है कि इस छोटे से गोले से निकलकर हम संपूर्णता में जी पाए, तभी हम कहेंगे कि विकास समग्रता में हुआ। नहीं तो इस तरफ साधन बढ़ते जा रहे हैं परंतु लोगों के बीच में साधनों का जो गैप है वो भी बढ़ता जा रहा है, दुख भी बढ़ता जा रहा है, दरिद्रता का भाव भी बढ़ता जा रहा है, समाज में छीना झपटी भी बढ़ती जा रही है। क्या सिर्फ सुविधा में बढ़ोतरी ही विकास है या इन तीनों का सुनिश्चित होना विकास है, क्या लगता है? और क्या यह परिमार्जन वांछनीय है? क्या लगता है सिर्फ सुविधा को बढ़ाना ही विकास है या इन तीनों को बढ़ाया जाए तब कहेंगे विकास हो रहा है, क्या लगता है? कुछ रिफ्लेक्शन दे सकते हैं चैट बॉक्स में। सिर्फ सुविधा का बढ़ाना ही विकास है या तीनों के लिए काम किया जाए? और अब हम कितनी नीतियां ऐसी बना रहे हैं जिसमें हम तीनों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कितनी नीतियां ऐसी बना रहे हैं जिसमें हम सुविधा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा, सभी लोग कह रहे हैं तीनों को बढ़ाया जाए। क्या इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं? मैं प्रश्न पूछ लेता हूं यहां पर। क्या मानव चेतना में परिमार्जन की आवश्यकता है? दृढ़ता से सहमत है, सहमत है, ना तो सहमत ना असहमत है, असहमत है या दृढ़ता से असहमत है? तो आप अपने विचार दे सकते हैं। क्या इस परिमार्जन की आवश्यकता है? क्या इसके लिए हमको प्रयास करने की आवश्यकता है? इसको हम लोग अभी विस्तार से समझने का और प्रयास करेंगे। इन 5 दिनों के वर्कशॉप में हम लोग इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बीच में किन्हीं का कोई प्रश्न बनता हो, आपने हो सकता है ब्रेक के समय और भी कुछ चीजें सोची हो, कोई नई चीजें ध्यान में आई हो, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। मिलकर ये तो हम सब लोग देख पा रहे हैं कि मानव के रूप में हमें इन तीनों को सुनिश्चित करना है, समझ भी, संबंध भी और सुविधा भी। और शिक्षा सिर्फ सुविधा पर केंद्रित नहीं हो सकती, इनफैक्ट शिक्षा में संबंध को, समझ को पर्याप्त स्थान मिलना जरूरी है। अभी कई मंचों पर ये बात होती भी है कि ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज बढ़ाए जाए, वैल्यू बेस्ड कोर्सेज बढ़ाया जाए। कई जगह तो ये भी बात हो रही है कि 160 क्रेडिट्स में से आधे क्रेडिट्स कम से कम ऐसे सब्जेक्ट्स को दिया जाए जिसमें कि समझ और संबंध पे बात हो, क्योंकि बच्चे आज के दिन टीम वर्क नहीं कर पाते, श्रम करने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है, सुविधाओं के प्रति लुलुपता बढ़ती जा रही है। एक्सक्यूज मी सर, पोल ओपन नहीं है, ओनली वो बता रहा कैन नॉट बी। पोल तो सर ओपन हो गया। अच्छा, रिस्पांस नहीं कर पा रहा। अच्छा, अभी फिर से करना होगा भैया, ये फिर गलत हो गया मुझे लगता है। हाँ, अभी देखिए रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं पोल में। हाँ, अब हो गया। सभी लोग अगर इस बात को देख पा रहे हैं तो आगे चलते हैं। इस परिमार्जन को समर्थ बनाने में शिक्षा संस्कार की क्या भूमिका हो सकती है? तो पहले तो हमको ये दिख जाए कि हाँ, इस परिमार्जन की आवश्यकता है। और परिवर्तन और परिमार्जन दोनों अलग शब्द हैं। परिवर्तन का मतलब एक स्थिति से निकलकर दूसरी स्थिति में जाना, वो बेहतर भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। परिमार्जन का मतलब मानव चेतना के रूप में संक्रमण करना, तभी जाकर हमारा समग्र विकास हो सकता है। समग्र विकास का आशय बहुत मानव चेतना में परिमार्जन हो, व्यक्ति का हो, परिवार का हो, समाज का हो। शिक्षा संस्कार में जब बात होती है ना, तो कई बार लोग ये कहते हैं कि इसको उच्च शिक्षा में क्यों लेकर आया गया, इसको प्राइमरी से शुरू करना चाहिए। वो कहा बात तो ठीक है, प्राइमरी में हो जाए और अच्छा, परंतु प्राइमरी शिक्षा में इसको रखने के लिए शिक्षक कैसे तैयार होंगे? प्राइमरी शिक्षा में अपने बच्चों को भेजने के लिए माँ पिता कैसे तैयार होंगे? अल्टीमेटली हमको वयस्कों को तैयार करना होगा, और वयस्कों को तैयार करने के लिए उच्च शिक्षा में इसको ले आना जरूरी है। तो उच्च शिक्षा में अगर ये बात आ जाए तो इससे कल के माँ पिता तैयार होते हैं, कल के शिक्षक तैयार होते हैं, कल के नीति बनाने वाले लोग तैयार होते हैं, कल को इसको क्रियान्वित, योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए एक टीम तैयार होती है। एक बार उच्च शिक्षा में ठीक से स्थापित हो जाए, उससे पूरे सिस्टम में अगर इस तरह के लोग, ऐसी मानसिकता के लोग स्थापित हो जाए, फिर प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एजुकेशन क्यों, ये हेल्थ सेक्टर में भी जाए, ये न्याय व्यवस्था में भी जाए, ये समाज की अन्य व्यवस्थाओं में भी जाए।
शिक्षा संस्कार की जो भूमिका है वो मानव में मानव चेतना और निश्चित मानवीय आचरण से जीने की योग्यता विकसित करना है, इसके लिए परिमार्जन को सुनिश्चित करना है कि नहीं, और इसके लिए इन बातों को सुनिश्चित करना होगा क्या, प्रत्येक बच्चे में सही समझ। भाई हम क्या सोचते हैं, प्रत्येक बच्चे में खूब हुनर हो जाए, छोटा बच्चा बचपन से इनोवेशन करने लगे, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आ जाए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, परंतु समझ विकसित हो जाए कई बार हमारे ध्यान में नहीं रहता। दूसरे मानव के साथ संबंध में जीने की क्षमता विकसित हो पाए उसके अंदर। वैसे ही आवश्यक सुविधा की पहचान करने और आवश्यकता से अधिक सतत उत्पादन करने के लिए जो आवश्यक कौशल है वो कौशल विकसित हो पाए, और अभ्यास को पहचानने की योग्यता में विकास हो पाए ताकि उसके अंदर समृद्धि का भाव आ पाए। कौशल भी जरूरी है, अभ्यास भी जरूरी है, परंतु इसे मूल में देखें तो सुविधा की आवश्यकता की पहचान जरूरी है, सही उत्पादन प्रक्रिया की पहचान जरूरी है। तो हर बच्चे में इन तीन मुद्दों पे काम होना है। हमें से जो भी लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं उस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, क्या इन तीनों में से किसी को छोड़ सकते हैं? प्रत्येक बच्चे में ऐसी सही समझ हो, संबंध पूर्वक जीने की योग्यता हो और सुविधा को लेकर ऐसी तैयारी हो। अभी अगर स्थिति देखें ना, वर्तमान स्थिति का आकलन करें तो ये उपलब्ध नहीं है। सही समझ के लिए बहुत लिमिटेड कोर्सेज हैं, उसके बाद भी बहुत बार हम करते नहीं। इनफैक्ट कई बार मैं अपने खुद एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि जब हम लोग ऐसे मुद्दों को क्लास में उठाते थे, कई बार जब इसकी आवश्यकता महसूस होती थी तो इसको आउट ऑफ सिलेबस कहा जाता था। IITs में तो बहुत ही पॉपुलरली ये बात कही जाती थी कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, अभी टेक्निकल कोर्सेज का समय है, टेक्निकल कोर्सेज बात हो। कई बार हमने उसको आउट ऑफ सिलेबस कर दिया। दूसरे मानव के साथ संबंध पूर्वक जीने की योग्यता, ये भी आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। मोर और लेस, पूरी तरह से न भी कहें तो मोर और लेस। आवश्यक सुविधा की पहचान एवं आवश्यकता से अधिक का उत्पादन और उसके लिए कौशल और अभ्यास की योग्यता विकसित होनी, जिससे समृद्धि का भाव है। तो सुविधा की आवश्यकता की पहचान भी नहीं है। श्रम के माध्यम से उत्पादन करने की इच्छा भी विकसित नहीं हो पाती। इनफैक्ट पढ़ाई लिखाई का मतलब ये हो गया कि आपको हाथ न गंदे करने पड़े। अगर आपको पढ़ने लिखने के बावजूद अपने हाथ गंदे करने पड़ रहे हैं ना, आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, यानी आपकी पढ़ाई लिखाई कम हुई। अगर आप सिर्फ एक एसी कमरे में बैठकर दूसरे के ऊपर शासन कर पाए, उनको निर्देश दे पाए, तो आप पढ़े लिखे हैं ठीक से, अदरवाइज आपकी पढ़ाई लिखाई में कुछ कमी हो गई। ऐसा कई बार बच्चे सोचते हैं, माँ पिता सोचते हैं, शिक्षक सोचते हैं। इसलिए जो उत्पन्न मूल भाव है वो ये है कि अधिक से अधिक संग्रह हो जाए, अधिक से अधिक उपभोग कर पाए, बजाय इसके कि जो आवश्यक सुविधा की पहचान के आधार पर उत्पादन कर पाए, उपभोग कर पाए। हम लोग एक कॉलेज में कई बार इस तरह के वर्कशॉप किए और बच्चों से बात किया, तो उसमें जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उसके साथ एक बार बात हुई, पूरे बैच के साथ। ये प्लेसमेंट चल रहा था और बच्चों की बहुत व्याकुलता होती है प्लेसमेंट के समय, कैसा प्लेसमेंट होगा, कितने का प्लेसमेंट होगा। तो पूछा गया बच्चों से कि बताइए प्लेसमेंट से आपकी क्या अपेक्षा है। बच्चों ने कुछ सोचा, फिर एक बच्चे ने उठकर बहुत ही कैटेगरिकली ये बात कही कि प्लेसमेंट से हमारी अपेक्षा ये है कि जो जॉब हो उससे सेटिस्फैक्शन मिले, संतोष हो, मतलब अच्छा लगे काम करना वहां पे, पहला। दूसरा, हाईएस्ट पैकेज, अधिक से अधिक उसमें वेतन मिले। और तीसरी बात जो कही वो मजेदार है कि हो सके तो काम ना करना पड़े। तो जॉब सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम पे एंड इफ पॉसिबल नो वर्क, ऐसा फीडबैक मिला बच्चों से। अजय उसने कहा तो सभी हंसने भी लगे, परंतु ऐसा लगा कि ये बच्चों के अंदर ही बैठ गई है बात। अल्टीमेटली इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों किया हमने, ताकि मैक्सिमम पे मिले, काम करने मजा आए, और यदि काम ना करना पड़े तो और अच्छा। अब अगर इस तरह की मानसिकता बन जाती है ना, और अगर कोई गांव का बच्चा ऐसी शिक्षा से गुजरता है और उसको ऐसी जॉब नहीं मिलती, वो गाँव लौट कर क्या करेगा? वो अपने माँ पिता के काम में सहयोग करेगा या फिर जेब में हाथ डाल के घूमेगा? ये सब विचारणीय मुद्दे हैं, और उसके लिए हम दोषी फिर बच्चों को क्यों कहें? फिर हमको शिक्षा में ही देखना होगा कि क्यों हमने ऐसी शिक्षा दी कि बच्चे के अंदर ऐसी मानसिकता बनी। जो समस्याएं हैं इसका सीधा मतलब है कि हमारा जो प्रयास है वो समग्र विकास के अर्थ में नहीं है, एकांगी है, कहीं सुविधा को लेकर है, समग्रता में नहीं है। इसलिए हमारे आस पास में पाई जाने वाली समस्याएं हैं वास्तव में केवल मानव के मानव चेतना में न जी पाने का संकेत मात्र है। कि शिक्षा के द्वारा मानव मानव चेतना में तैयार नहीं हुआ, जी नहीं पाया। तो मानवीय शिक्षा की इसलिए आवश्यकता है ताकि मानव चेतना को सुनिश्चित किया जा सके, और ऐसे एक मूलभूत प्रयास किया जा सकता है।
और खासतौर पर जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जो आज के दिन तंत्र को चलाने वाले लोग हैं, उनको स्पष्ट होना जरूरी है। एक बार हमको स्पष्ट हो जाए फिर हम ऐसी शिक्षा को प्रमोट करेंगे, ऐसी व्यवस्था को प्रमोट करेंगे। मानवीय शिक्षा से मानव चेतना का विकास होगा, मानव चेतना से मानवीय मूल्यों में जीने का अभ्यास होगा, जिससे मानवीयतापूर्ण आचरण में जीने का एक प्रवृत्ति बनेगा, उससे मानवीय चरित्र तैयार होंगे जिससे मानवीय समाज बनेगा। अगर पूरी विजन को देखें, दृष्टि को देखें, तो ऐसी है जैसे हम लोग कोई भी संस्था चलाते हैं, पहले उसका एक विजन स्टेटमेंट देते हैं, विजन क्या होगा, फिर मिशन बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, फिर गोल्स एंड सब गोल्स बनाते हैं, फिर हम उसके प्रोग्राम बनाते हैं। तो विजन तो ऐसा हो कि एक मानवीय समाज बने, जिसके लिए हमको मानवीय आचरण की जरूरत है, इसलिए मानवीय मूल्यों की समझ की जरूरत है, इसलिए मानव चेतना में प्रवृत्ति की जरूरत है, तभी हम कहें कि हमारी शिक्षा सफल हुई। तो अंततः देखें तो इसका जो परिणाम है, एक मानवीय परंपरा होगी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सभी मानवीय लक्ष्य पूरे होंगे। अब ये देखने में तो दूरगामी लग सकता है कि कब होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये अगले 10 वर्ष में हो जाए कि 20 वर्ष की 100 वर्ष, परंतु एक बार हमको स्पष्ट हो जाए तो हम तो तृप्त होंगे। हमको अपना कार्यक्रम दिख गया, हम जो प्रयास करेंगे वो इसी दिशा में होगा, उसकी हमको तृप्ति होगी और जिसके साथ मिलके काम करेंगे उसको तृप्ति होगी, तो हम तो निरंतर सुखपूर्वक जी पाएंगे और सभी के सुख में भागीदार हो पाएंगे। ये फल परिणाम कब आएगा ये बहुत मैटर नहीं करता, परंतु हमारी भागीदारी निश्चित हो जाए ये मैटर करता है। क्या लगता है आपको, ये बात ठीक है कहना, कोई रिफ्लेक्शन आपका इस पे? हमको अपनी भागीदारी स्पष्ट हो जाए, है ना, हम जहां भी हैं, जिस भी रूप में हम भागीदारी कर रहे हैं सिस्टम में, हमको अपनी भागीदारी स्पष्ट हो जाए, हमें समझ हो जाए, ताकि हम एक मानवीय परंपरा के स्तंभ बन जाए, ये मूल बात है। जी अंकुर जी कह रहे हैं ठीक बात है, नीता जी कह रही ठीक बात है, बिल्कुल। तो मानवीय शिक्षा संस्कार की उपलब्धि क्या होगी, तो संगीत या व्यवस्था की समझ के आधार पर अगर देखें तो जीने के हर स्तर में समझ हो जाए। अब जीने के स्तर क्या क्या है, तो 4 स्तर पर मनुष्य जीता है। एक तो मानव के स्तर पर, एक इंडिविजुअल के रूप में, दूसरा एक परिवार में जीता है, हमें से हर व्यक्ति परिवार में जीता है, तो हम जहां भी होते हैं परिवार बन जाता है, एक नैसर्गिक परिवार है जिसमें माँ पिता भाई बहन पति पत्नी रहते हैं, जहां हम काम करते हैं वो भी एक परिवार बन जाता है, संस्था एक परिवार बन जाती है, तो जहां भी हम जी रहे हैं परिवार के रूप में वहां एक व्यवस्था और संगीत हो। अभी आप देखिए संस्थाओं में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, ऑफिसेज में जो हमारी एफिशिएंसी है काम करने की वो आधी हो जाती है, एक तिहाई हो जाती है, क्योंकि आपस में संबंध अच्छे नहीं रहते। अगर आपस में परस्पर विरोध हो, एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा का भाव हो ना, दूसरे के प्रति सही दृष्टि ना हो, तो बहुत सारा समय ऊर्जा हमारा इन व्यर्थ की चीजों में जाता है। अभी आप देखिए जैसे कॉलेज में मैंने देखा है, जैसे ब्रेक टाइम होता है लोग आपस में जुड़ते हैं, फैकल्टी आपस में जुड़ते हैं, स्टाफ आपस में जुड़ते हैं, क्या बातें करते हैं, उसी सिस्टम की कमियां निकालते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा गलत है, वैसा गलत है, और उसमें बहुत सारा समय ऊर्जा लगता है, काम करते समय भी, जब काम नहीं कर रहे तो भी। अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी हो सकती है, उससे जो काम करने वाले लोग वो भी तृप्त होंगे, जिनके लिए काम कर रहे हैं वो भी तृप्त होंगे। तो परिवार में व्यवस्था हो, वैसे ही परिवार में अगर जहाँ रह रहे पति पत्नी भाई बहन माँ पिता इन सबके साथ अगर जीने में संगीत हो, सबका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और जो हम काम कर रहे हैं ज्यादा तृप्ति पूर्वक कर पाएंगे, आपस में संबंधों में सुख मिलेगा। समाज में व्यवस्था हो, तीसरा स्तर हमारा जीने का समाज है, जहाँ कई परिवार साथ साथ रहते हैं, अभी हम देख ही रहे हैं समाज में कितनी तरह की विसंगतियां हैं, रोज न्यूज़पेपर आप उठाइए तो समाज में बहुत सारी विसंगतियों का न्यूज आता है, हेडलाइन शुरू होता है और आखिरी पन्ने तक दिखाई देता है। फिर प्रकृति, जिसमें मिट्टी हवा पानी पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सब शामिल है, आप पूरा अस्तित्व तो जोड़ लें, है ना, तो उन सब में हमारा जीने में एक व्यवस्था हो, संगीत हो, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी समझ हो इतने से हर एक स्तर पर जीने की। जब ये समझ होगी तो हमारे मूल्य स्थापित होंगे, इन स्थापित मूल्यों के आधार पर हमारा व्यवस्था में जीना हो पाएगा, व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, समाज में, अस्तित्व में, और फिर हम ठीक ठीक तय कर पाएंगे कि जीने के क्रम में किन किन कौशलों की जरूरत है, किन किन स्किल्स की जरूरत है। तो कभी भी अगर हमको कोई कौशल का चयन करना है, कोई हुनर का चयन करना है, उसके मूल में समझ का होना जरूरी है। उसी केमिकल इंजीनियरिंग को पढ़कर कोई केमिकल बॉम्ब भी बना सकता है, कोई एक अच्छा केमिकल बना सकता है जो स्वास्थ्य में काम आए कि नहीं, उसी कंप्यूटर साइंस को पढ़कर आतंक को फैलाया जा सकता है, उसी कंप्यूटर साइंस को पढ़कर मानव के सुख समृद्धि में भागीदार हो जा सकता है। तो कौशल तो एक टूल है, उसका हम सदुपयोग करेंगे दुरुपयोग करेंगे ये तय होता है हमारी समझ से।
अगर ऐसा हम सुनिश्चित कर पाते हैं तब जाकर जीने में उभय सुख उभय समृद्धि होती है, उभय माने दोनों साथ साथ जीते हम सुखी होते हैं। ये जो समझने के मुद्दे है ना, ये शिक्षा है, शिक्षा बराबर समझ। हम शिक्षित हुए तभी जब हम समझदार हुए। समझ के आधार पर जो हम संस्कार अर्जित करते हैं जीने के क्रम में, जिसमें हम बहुत सारे स्किल्स अक्वायर करते हैं, हुनर सीखते हैं, व्यवहार के हुनर सीखते हैं, कार्य के हुनर सीखते हैं, भागीदारी करने के हुनर सीखते हैं, ये संस्कार का भाग है। और शिक्षा और संस्कार को साथ साथ जीने देखने की जरूरत है। तो शिक्षा का प्रमाण संस्कार से मिलता है, समझ का प्रमाण जीने से मिलता है। जीने में दिखा तो जाके हम कहेंगे कि हमको समझ में आया। ये पूरा मानव चेतना में जीने का एक स्वरूप है। इसी को और थोड़ा सा आगे फैला के देखिए, समाज के रूप में क्या निष्कर्ष निकलता है। तो जब मुझे स्वयं में सही समझ होती है हर एक अवसर पर, तो मैं मानव संबंधों में न्यायपूर्वक जी पाता हूँ। न्याय की हम लोग पूरी विस्तार से समझेंगे जब हम लोग संबंध में भावों की बात करेंगे। न्याय का मूल मतलब है उभय सुखपूर्वक जी पाना। तो हर संबंध में न्याय हो, पति पत्नी संबंध में न्याय हो, माँ पिता संतान संबंध में न्याय हो, भाई भाई बहन बहन संबंधों में न्याय हो, मूल्यों का निर्वाह हो पाए। और यदि हम ऐसा जी पाते हैं तो परिवार की व्यवस्था से आगे बढ़कर विश्व परिवार तक जी पाते हैं, हम एक अखंड समाज के हिस्सा बन पाते हैं। वैसे ही समझ के साथ जब हमको पूरी बात समझ में आती है तो प्रकृति की जो बड़ी व्यवस्थाएं हैं उसमें भागीदार हो पाते हैं, तो आसपास के परिवेश को ठीक कर पाते हैं, बेहतर बना पाते हैं, उसके आगे जो परिवेश है उसको ठीक कर पाते हैं, बेहतर बना पाते हैं। तो हम विश्व परिवार व्यवस्था में भागीदार हो पाते हैं, परिवार व्यवस्था से आगे बढ़ते हैं। तो इससे मानव लक्ष्य की पूर्ति होती है, यानी एक मानव के रूप में समाज में कैसा होना चाहते हैं उसकी पूर्ति हो पाती है। और इस प्रकार हम एक सार्वभौम व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था जो हर भूमि के हर हिस्से पे एक समान हो, इसमें भागीदार हो पाते हैं, इसको मानव चेतना का। तो ये उसका फैलाव है, ये व्यक्ति के स्तर पर दिखता है, वही समाज के स्तर पर ऐसा जाके दिखता है। तो ये जो पूरी कार्यशाला है इसकी विषय वस्तु देखें तो प्रस्ताव हम लोग रख रहे हैं आपके सामने, आपके निरीक्षण के लिए, परीक्षण के लिए, सर्वेक्षण के लिए, इससे हमारा हर स्तर पर जीने में संगीत हो जाए, व्यवस्था हो जाए। और जो पूरी प्रक्रिया है वो एक स्वयं में ही जांच परख की प्रक्रिया है। और जो वांछित उपलब्धि है कि व्यक्तिगत रूप से परिमार्जन हो जाए, हमारा अपने आप में परिमार्जन हो सही समझ सही भाव के साथ, ताकि हम सुख समृद्धि पूर्वक जी पाए। और इससे एक समाज में परिमार्जन हो सकता है, जिससे एक मानवीय समाज हो पाए। इससे कोई रिफ्लेक्शन हो आपका तो बताए। तो ये इतना प्रस्ताव था अपनी तरफ से जो हमने आपके सामने रखा। अब कुछ आपको आज गृह कार्य दिया गया होगा, वो एक मेल में आपको लिंक मिला होगा, उसमें आप जब क्लिक करेंगे तो गृह कार्य खुलेगा उससे। तो कुछ मुद्दों पे आपको अपनी शेयरिंग करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमको पता लगता है कि आप कितनी बात स्वीकार पा रहे हैं, कितना देख पा रहे हैं और आगे के लिए कैसा सोच पा रहे हैं। तो आज पूरे दिन का आपका अनुभव कैसा रहा, इसको आप मुक्त रूप से वर्णन करें जैसा आपको ठीक दिखता है। आज की चर्चा के 5 प्रमुख बिंदु जिन्होंने आपको छुआ है तो उससे शुरू कर सकते हैं, जो आपको सबसे महत्वपूर्ण लगा प्राथमिकता क्रम में। जैसे 5 बिंदु कोई लिख सकते हैं, जैसे कोई लिख सकता है कि हमको मानव चेतना की बात ठीक लगी, कोई लिख सकता है कि हमको संक्रमण की बात ठीक लगी, कोई है ना, जैसा आपको दिखता है ना वैसा आपको यहाँ पे शेयर करना है। 5 प्रमुख समस्याएं जिन्हें आप देख पाते हैं तो ध्यान देने की प्राथमिकता के आधार पर, तो कौन कौन सी समस्याएं हैं। जैसे कोई समस्या मान लीजिए कह रहे हैं कि भाई समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, अभी जो अपराध बढ़ रहे हैं ये मूल्यों की कमी कारण है या हुनर की कमी कारण, और अपराध अगर बढ़ रहे हैं तो लिख देंगे बढ़ रहे हैं, और आपके अनुसार इसका मूल कारण क्या है और आपके अनुसार इसका समाधान क्या होगा। तो ऐसे आप कोई 5 समस्या लिख सकते हैं, उसमें हम लोग विवेचना कर सकते हैं। फिर ऐसी कोई 5 चीजें जिनसे आप निरंतर सुखी रह पाते हो, आपको अपनी तरफ से सोच के लिखना है। कोई ऐसी 5 चीजें जिससे आप दुखी हो जाते हो, और आज की चर्चा के आधार पर आप शिक्षा व्यवस्था अपनी क्या भूमिका देख पाते हैं। इन मुद्दों पर आपकी शेयरिंग हम लोग चाहेंगे असाइनमेंट द्वारा। असाइनमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, इनफैक्ट जितनी भी हम लोग बात करें उसमें जो हम लोग पोल्स लॉन्च कर रहे हैं उसमें आपका रिफ्लेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, असाइनमेंट का सबमिशन बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट जब हम लोग फैकल्टी के लिए करते हैं बड़े स्केल पे, तो हम लोग उसमें क्विजेज और टेस्ट भी रखते हैं। अभी उसको हम लोग नहीं रखे इस वर्कशॉप में, हम चाह रहे हैं कि आपके साथ संवाद पूर्वक हम आगे बढ़े। तो फिर से अगर बात कहें तो प्रक्रिया यही है कि प्रस्ताव है, इसको मानने की जरूरत नहीं है, जांचने की जरूरत है। हो सकता है जो मैंने बातें अपनी तरफ से कही वो आपको पहले से उसके बारे में सूचना हो,
वो आपके सूचना से मेल खाता हो, कई बार ऐसा हो सकता है कि सूचना से मेल न खाता हो, परंतु वो मेल खाए या न खाए अल्टीमेटली वो मानने का मुद्दा हो जाएगा। मुख्य बात है उसको हम जांचें, और वो भी स्वयं के आधार पर, अपनी सहस्वीकृति के आधार पर। और आप देख पा रहे होंगे कि एक संवाद की प्रक्रिया है जो मेरे आपके बीच में शुरू हुआ है, बट आप में ही धीरे धीरे चलने लगता है। और इन दो रियालिटीज को जितना हम एड्रेस करेंगे कि जैसा मैं हूँ और जैसा होना मुझे सहज रूप से स्वीकार है, उतना आपको इन दोनों के बीच का जो अंतर वो भी स्पष्ट होगा और उतना ही इसका समाधान भी स्पष्ट होगा। यही कुल आशा है कि संवाद शुरू हो जाए आपके अंदर, और इस संवाद शुरू होता है और आप पाएंगे समाप्त नहीं होता, चलता रहता है। और इस संवाद का चलता रहना ही हमारा विकास है। जितना जितना इस संवाद हमारे अंदर चलेगा ना, उतना ही ये भेद मिटेगा, जैसा मैं हूँ और जैसा होना मुझे सहज से स्वीकार है, इन दोनों के बीच का भेद मिटेगा। तो मेरी तरफ से इतना सारा बात था प्रस्ताव के रूप में आपके लिए, अब आपके विचार सुन सकते हैं। राजुल भैया, परीक्षित भैया, उपासना दीदी जी, जी भैया, और असाइनमेंट की लिंक भी अभी चैट बॉक्स में शेयर कर दी गई है, तो वो आपके रिमाइंडर मेल में भी है, ये चैट बॉक्स में भी यहाँ पर शेयर लिंक। और बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज सुबह जो भी चर्चा हुई उस रिलेटेड आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप अपना हैंड रेज करके इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप सभी के पास माइक है जी, हम आप सभी को सुनना चाहेंगे। अगर हैंड रेज करने तो एक क्रम में जा सकते हैं, और अखिलेश जी और आईपी सिंह जी, आप लोग अगर कुछ डायरेक्शन देना चाहते हैं तो वो भी दीजिए जरूर। अखिलेश जी, जी, जी मेरे ख्याल से जो चर्चा हुई है शायद उसमें बहुत ज्यादा डायरेक्शन की आवश्यकता की गुंजाइश नहीं छोड़ी है आपने। अब डायरेक्शन हमको अपने अंदर से प्राप्त करना है। बिल्कुल बिल्कुल, भूटान में इसको कहते हैं लामा विदिन, और जो आप लोग के फीडबैक्स आए हैं उसमें भी इस बात को रखा है कि अंतर्मन, इस तरह के शब्द यूज किए गए। तो ठीक बात है, आपने मुझे कहा ठीक बात है। वास्तव में हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं वो इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं लगातार, अपने अंदर झांकते रहने की, अपने साथ संवाद करने की प्रक्रिया से। और आपने अनुभव भी किया होगा कि हमारे साथी थोड़ा सा अलग स्तर पे हैं, बहुत अलग स्तर पे हैं, और बिल्कुल मतलब हमको ये बहुत अच्छे से फील हुआ, और इसीलिए हमको लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट टाइम का सब वॉलंटियर्स कर रहे हैं वो एक अंजाम तक जहाँ आप लोग चाह रहे हैं उसको पहुंचाना, उसमें हम लोग एक कदम तो कम से कम और बढ़ा पाएंगे। जी ठीक बात है। इंद्रपाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ सर, मुझे एक ही बात कहना है जी, कि जब हमने राज आनंद संस्थान की स्थापना की थी जी, तो हमारी स्वयं की भी समझ बहुत विकसित नहीं थी। ठीक बात है। तो चारों तरफ जिनसे हम मिलते थे, हमारे साथी, हमारे अधिकारी, हमारे वरिष्ठ, सबको बड़ी कठिनाई थी कि ऐसे संस्थान की क्या आवश्यकता है जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे। लोग तो वैसे ही खुश हैं, पर आपके पढ़ने और पढ़ाने से लोग खुशी महसूस नहीं कर सकते। कई बार हमको भी लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम राज आनंद संस्थान के उद्देश्यों में विफल हो जाएं, परंतु हमने किसी भी विरोध की, जो बात आज आप कर रहे थे कि विरोध के साथ रहना है या संबंध के साथ में रहना है, तो हमने संबंध के साथ रहना स्वीकार किया। हमारे स्वैच्छिक रूप से कार्य करने वाले लोगों की टीम तैयार की और समस्त प्रकार के विरोध को दरकिनार करते हुए आज हम इस मुकाम पर पहुंचे कि जो हमारे उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए हम लगे हुए हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि दूसरे लोग उसको किस प्रकार से लेते हैं और किस प्रकार से सोचते हैं। आज आपके जो चर्चा की उससे हमारी इस धारणा को बहुत बल मिला है। और जो आप कभी कह रहे थे
कि हमारी क्या भूमिका हो सकती है, हम इसको किस प्रकार से लेकर के आगे चले, इससे राजानंद संस्थान के जो हमारे साथी लोग हैं उनको इस धारणा से बहुत बल मिला है। ये ऑलरेडी ये सब काम को कर रहे हैं और मुझे लगता है इनको इसी प्रकार के रिफ्लेक्शन की आवश्यकता है कि ये और मजबूती के साथ अपने काम को और अच्छे से कर सकें और समय समय पर जब जब आप लोगों के साथ में चर्चा होगी इन चीजों को एक्सपेंड करने के लिए हम लोग भी क्या कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपसे जो हमको मिल रहा है उसमें हमारी नींव और अधिक मजबूत हो रही है और हम वास्तव में फिर से बहुत आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। ये परिचर्चा हमारे लिए बहुत सार्थक है, हमारे काम करने को ये गति भी देगी, हमको मजबूत भी करेगी और हम और अधिक बेहतर तरीके से अपने समझ को विकसित कर सकेंगे। ये मेरा मतलब मेरा विचार है और आप लोगों से ये चर्चा मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इंद्रपाल जी, परिवार में जो धन्यवाद देने का काम है ना उसको मतलब हम लोग कर चुके हैं और अब हम लोग मिल करके काम जम के करेंगे तो अच्छी बात है। आपले आपसे कल बात करके भी बहुत अच्छा लगा था तो बहुत अच्छी बात है हम लोग इस काम को कर रहे हैं। और जो आनंदक है जिनके साथ भी हमने बात की है तो वो आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है। सब लोग एकदम तत्पर हैं कि अपने स्वयं में झांकें देखें और मतलब गति करें, समाज की गति हो उस माध्यम से। तो बहुत अच्छी बात है ये कि आप लोग इतनी बड़ी टीम के साथ में हैं तो मिलकर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक नया वो हो सकता है कि एक कदम तो कम से कम आगे बढ़ पाए हम लोग भी और आप लोग भी सब लोग जी। भैया आपकी आवाज में थोड़ा कंपन हो रहा है। अच्छा अभी आ रही है? आ रही है बट थोड़ा झंझनाहट सी है आवाज में। अच्छा। देख लीजिएगा ये तो मैक्सिमम पे है। हाँ नहीं नहीं कम कर लेते थोड़ा। हाँ वाइब्रेशन आ रहे हैं। वाइब्रेशन आ रहा है जी। अच्छा अभी अभी हाँ मतलब आ तो रही आवाज बट आवाज के साथ थोड़ा सा ना झंझनाहट जैसा हो रहा है। फिर इसका मतलब हमने जो ये सब कनेक्ट किया हुआ है इसके अंदर। हाँ बट ठीक है कंटिन्यू करें। ठीक है आवाज आपके स्पष्ट आ रही है। ठीक है अच्छी बात है। तो गंगराडे जी या सत्य प्रकाश जी आप कोई ऑब्जर्वेशंस देना चाहेंगे तो जरूर दीजिए। जी भैया ये तो कंटेंट वाइज और जिस ढंग से जितने अच्छे ढंग से कुमार शंभु भैया ने ये रखा वो तो बहुत ही बढ़िया से गया और जो हमारे सब साथी लोग हैं ये भी इस पे रिएक्ट करेंगे कि किस ढंग से उन्होंने लिया और बहुत प्रैक्टिकल डुएबल और जीवन में सीधे टच करने वाला है और हम लोग इसका अभ्यास तो काफी समय से कर ही रहे हैं तो बड़ा ठीक है। अब हमारे साथी लोग इस पे जरूर कुछ रिएक्ट करेंगे तो उससे और समझ में आएगा। जी बहुत अच्छी बात है। सत्यप्रकाश जी सत्यप्रकाश जी ने इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है शायद वो नहीं मैं बिल्कुल हूँ नहीं मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जैसा इंद्रपाल सिंह जी ने कहा तो हम लोगों को सबसे अच्छी बात तो ये लग रही है कि हम ये इस बात की पुष्टि हुई है कि हम सही डायरेक्शन में हैं और हम जो कर रहे हैं और ये जो पूरी बात हो रही है वो लगभग एक जैसी बात है। अपने साथियों से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब हम स्वयं में जांचने की जो बात कर रहे हैं और अल्पविराम में हम जब अंतरात्मा की बात कहते हैं तो उन दोनों को पर्यायवाची अगर मान लेते हैं हम तो हमारे लिए बड़ा आसान है इस पूरे बातचीत को समझना कि हम अल्पविराम में भी बार बार कहते हैं कि अपनी अंतरात्मा से अपने अंदर से जो आवाज आएगी वही हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक यही बात आप भी कह रहे हैं कि जब हम स्वयं में जांचेंगे स्वयं से क्या ठीक लगता है हमें ये संवाद अपने अंदर ही शुरू होगा और यही अंदर संवाद की शुरुआत हम बार बार पिछले 3-4 साल से इस अभ्यास को कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और सबसे अच्छी बात जो सुबह सीओ साहब ने कही कि अब कोलैबोरेशन कैसे हो सकता है या इतना सारा चूंकि काम करना है तो जो सम्मिलित प्रयास हैं उसके लिए क्या संभावनाएं बन सकती हैं तो मुझे लग रहा है कि शुरुआत हालांकि बहुत जल्दी है लेकिन शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है और हम इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग मिलकर कर पाएंगे।
ज्यादा अच्छा होगा कि हमारे जो सहयोगी साथी हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं, वो लोग भी अपने रिफ्लेक्शन और अपने विचार रखें, समझ पाएंगे कि हम किस डायरेक्शन जा रहे हैं। और ये जो बात है ना सत्य प्रकाश जी की, कैसे मिलकर कर सकते हैं, ये हम लोग पांचवे दिन करेंगे। अभी जो है, अभी जो है, ये जो आपने कहा कि अपने अंदर से जो सेल्फ रिफ्लेक्शन से जो समझ में आ रहा है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है, उसके ऊपर फोकस करें, उसके ऊपर फोकस करें और उस पे जो प्रश्न बन रहे हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं उसको करें, जांचने का काम करें। कंपेयर करने का काम तो एक लेवल पे ठीक है, लेकिन कंपेयर करने के साथ साथ ये जो जांचने का, स्वयं में अपने से पूछने का, वो काम सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो वस्तु डिस्कस हो रही है ना, उसी के ऊपर अगर हम लोग फोकस कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी प्रश्न आता है, किसी भी तरह का प्रश्न आता है, रेलेवेंट या ना रेलेवेंट आप सोचिए ना, तो उसको जरूर शेयर करिए। उसमें जो आपकी जिज्ञासा है ना, उसको जरूर शांत करने की या उसको एक तरह से गाइड करने की जिम्मेदारी हम लोग की है, हम लोग उस काम को करेंगे। सॉरी, मैं एक बात रखना चाहता हूँ, मैं दमोह से रमेश व्यास जी, सर आ गया हूँ तो एक मिनट हम पूरा कर ले इस बात को। तो ये हम कह रहे थे कि जांचने का काम और प्रश्नोत्तर का काम, ऑब्जर्वेशन का काम, डायरेक्टली देखने का काम वो करें। और एक छोटी सी सूचना ये है कि एमपी पुनिया जी जो AICT के वाइस चेयरमैन है, वो 4:15 बजे आपके साथ में जुड़ेंगे आज। तो इसके साथ में सबसे पहले है अनीता जी, उसके बाद रमेश व्यास जी और उसके बाद लाखन लाल जी। तो अब आप लोग कंटिन्यू करिए, हम थोड़ा अपने बाकी साथियों के साथ में एक और उसमें थोड़ी देर के लिए रहेंगे। तो धन्यवाद जी भैया। इसमें प्रोफेसर अनीता जी ने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है जी। थैंक यू, सभी को नमस्कार। बहुत सारी बातें जो मेरे मन में थी आरपी सिंह साहब ने रखी, आनंद संस्थान की और यहाँ की। और अभी जो पूरा आया संवाद के रूप में, और जिस तरह से प्रस्ताव, संवाद और चर्चा जिस तरह से आगे बढ़ी, बहुत शानदार तरीके से हुआ। और बहुत सारी चीजें मेरे मन में, प्रश्न तो कम रहे, क्योंकि प्रश्न इसलिए नहीं है, लगातार राजानंद संस्थान से के साथ जुड़कर मैं अपने आप को देख पा रही हूँ और समझ पा रही हूँ, इसलिए प्रश्न मेरे मन में बहुत ज्यादा नहीं है। बस एक ही प्रश्न अभी मेरे मन में आया, बहुत सारी चीजों को यहाँ जो रखा, तो बीइंग ए पेरेंट्स मेरे मन में एक प्रश्न अभी उठा कि जीवन में चाहे प्रभु कृपा से और अपने प्रयासों से, मैंने एक बहुत अच्छा स्टेटस पाया परिवार में, और मेरे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे से सेटल हुए। पर अब मेरे मन में ये प्रश्न आया कि मैंने क्या अपने बच्चों को जो शिक्षा दी उसमें भी कहीं चूक हुई है क्या मुझसे? इस तरह का एक भाव मेरे मन में पैदा हुआ। हालांकि दोनों बहुत अच्छे से हैं, सारी चीजें हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर एक संवाद शुरू हुआ है। हाँ, मेरे अंदर एक संवाद जी। बात को समाप्त करूं क्या मैं, कि कुछ कंटिन्यू कर सकती हूँ? नहीं नहीं, आप कहें, पूरी बात कहें जी। हाँ, ये एक संवाद मेरे मन में इसलिए आया कि मैं अब जो देख पा रही हूँ, तो मैं ये भी पा रही हूँ अपने बच्चों में कि थोड़ा सा मेहनत करने से कतराते हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है बातचीत में अभी, कि वास्तव में वो दोनों जने बहुत अच्छी जगह पर हैं। दोनों बेटा मेरा हार्ट स्पेशलिस्ट है और बड़ा बेटा इसरो में साइंटिस्ट है, पर मैं उन दोनों को जब निकट से देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हाँ, उनमें थोड़ा सा एक हाथ से काम करने के प्रति एक बहुत सम्मान का भाव नहीं है, बहुत मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सुविधा भोगी जीवन के थोड़े आदी हो गए हैं।
तो एक भाव मेरे मन में एक प्रश्न यहाँ पैदा हुआ और ये भी पैदा हुआ कि इसको किस तरह से मैं अब कर सकती हूँ। हालांकि मैं अपने आप में ये पाती हूँ कि मेरे को बहुत मेहनत करने की आदत है और आज भी आदत है, मुझे अपना काम खुद से करने में कोई दिक्कत नहीं होती और कहीं किसी के प्रति ये भाव भी नहीं रहता। तो ये कुछ प्रश्न मेरे सामने आए। सेकंड एक चीज मेरे सामने आई, शिक्षक के रूप में हमेशा मैंने अपनी भूमिका को 3 साल से बहुत अच्छे से देखा और बहुत सारा अपनी भूमिका में बदलाव करा अपने वर्क प्लेस पर, और वर्क प्लेस पर मेरे जो एक स्ट्रेस हो जाता था वो स्ट्रेस में भी बहुत कमी आई। सामने वाले की तरफ से आता भी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्टेबल रहकर उस चीज को हैंडल कर पाऊँ। पर अब आगे इसमें किस तरह की भूमिका, इसमें जैसा आपने कहा कि 5वें दिन चर्चा करेंगे, तो शायद मैं और बेहतर तरीके से इस चीज को समझ पाऊंगी। थैंक यू। काफी अच्छा शेयरिंग रहा आपका। आज जो चर्चा हुई इससे आपके अंदर एक संवाद शुरू हुआ और आपने अपने परिवार में अपनी भागीदारी को देखना शुरू किया कि बच्चों को जिस तरह से हमने शिक्षा संस्कार दिया कितना मेरी सह स्वीकृति के अनुसार रहा कितना नहीं रहा, बहुत अच्छी बात है। तो हम इसको और जांचे परखे अपने आप में तो हमको अपने अंदर भी जो विकास की आवश्यकता है वो भी दिखाई देता है, संबंधों में भी जो हमको ध्यान देना है उसको भी दिखाई देता है, और जो हम भागीदारी कर रहे हैं परिवार में समाज में संस्थाओं में उसमें भी हमको दिखाई दे परिमार्जन की आवश्यकता है। तो ये संवाद हमारे अंदर शुरू हो जाए ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगर डे वन पे ये शुरू हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम लोग और आगे बढ़ेंगे और स्पष्टता बनेगी, जैसे कल हम लोग मानव के बारे में बात करेंगे, उसके बाद संबंधों के बारे में बात करेंगे, फिर प्रकृति के बारे में बात करेंगे, तो और ज्यादा स्पष्टता बनती चली जाएगी। और आपकी भागीदारी की संभावना तो हर स्तर पे है ही, आखिरी दिन जब मूल्यांकन रखने की बात हो तो आप अपनी तरफ से उसको शेयर भी कर सकती हैं। जी जी नीता जी, मुझे लगता है आप और कुछ रखना चाहेंगी, नहीं तो हम लोग। थैंक यू सर, आपकी बात को मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी और लगातार मेरा चिंतन रहेगा इस पर। थैंक यू सर जी। लखन लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रमेश व्यास जी कुछ रखना चाह रहे थे, आपका माइक अनम्यूटेड है। जी जी, सभी मेरे साथियों को वेस्ट को नमस्कार। मैं एक स्लाइड आपकी देख रहा था और उस स्लाइड के बारे में लगातार चिंतन चला और आपका डिस्कशन भी लंबे समय तक चला। समझ, संबंध और सुविधा। समझ में आपने आगे लिखा हुआ है राइट अंडरस्टैंडिंग, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम राइट अंडरस्टैंडिंग किस चीज को कहेंगे, क्योंकि जिस चीज को मैं देख पा रहा हूँ वो मेरे अनुसार राइट होगी और आप जिस चीज को देख पा रहे हैं वो आपके अनुसार राइट होगी। जो चीज आज राइट है वो कल राइट होगी, या जो आज राइट नहीं है वो कल राइट होगी। तो जो हमारे व्यवहार आज राइट है वो कल राइट होंगे, या आज जो गलत है वो कल राइट होंगे। इस भ्रम में मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, क्योंकि आपने पहले लिखा है संबंध समझ और अंग्रेजी में लिखा है राइट अंडरस्टैंडिंग, तो फिर समझ और सही समझ दोनों में अंतर क्या पा रहे हैं आप? थैंक यू जी। हमने सही समझ नहीं लिखा क्योंकि अंग्रेजी में बात को पूरा करने के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग लिखना जरूरी हो जाता है, परंतु हिंदी में सिर्फ समझ को लिखा क्योंकि इससे लगता है कि बात पूरी हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम लोग आगे संवाद करेंगे ये बात और स्पष्ट होगी कि जब हम इस पे संवाद शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि उस वस्तु के बारे में मेरी अपनी एक समझ होगी, अगले की अपनी एक समझ होगी, तो हमारी समझ एक कैसे होगी? आज जो मेरी समझ है और कल जो मेरी समझ होगी, इन दोनों में भी अंतर हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे तो पाएंगे कि विचारों में तो परिवर्तन, विचारों में तो भेद हो जाता है कई बार, हमारा विचार अगले का विचार, हमारा विचार आज या हमारा विचार आने वाले कल में, परंतु जब हम वस्तु को जैसा है वैसा समझते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यदि हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे अपने बारे में जो विचार है वो बदलते रहते हैं, परंतु यदि हम अपने आप को समझ लेते हैं तो उसमें निरंतरता होती है। और जब मैं अपने आप को समझ लेता हूँ तो मैं हर मानव को समझ पाता हूँ, उसमें भी एक निरंतरता होती है, और ऐसा ही जो मेरे साथ हुआ अगले के साथ भी हो सकता है। तो जब हम शुरू करते हैं तो हमको इसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसमें भेद हो सकता है, परंतु जितना जितना हम इसको जांचते जाते हैं उसमें एक सार्वभौमिकता दिखाई देती है। तो अभी इसे आप ओपन रखें, क्या समझ सार्वभौमिक हो सकता है जो हर मनुष्य के लिए हर काल में हर दिशा में एक समान हो, अभी इसको ओपन रखते हैं। परंतु जितना जितना हम इसमें उतरेंगे, जितना जांचेंगे, इसकी और क्लैरिटी बनेगी अपने अंदर। इतना निश्चित है कि अगर
समझ की सार्वभौमिकता नहीं होगी तो फिर साथ साथ जीना सुखपूर्वक भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर दूसरे के प्रति, दूसरे के अंदर हमारे प्रति कुछ ना कुछ भेद बना रहेगा और उभय सुख नहीं होगा। परंतु अभी इसको ओपन रखें, इतना निश्चित है कि जब तक समझ सार्वभौमिक ना हो तब तक हम साथ साथ जीते हुए तो उभय सुख पूर्वक नहीं जी पाएंगे। समझ सार्वभौमिक हो सकती है नहीं, ये जांच परख का मुद्दा है, कैसे होगी इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। जी अपना डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा मेरा ऐसा मानना है। जी थैंक यू सर। बिल्कुल। लखनलाल जी। जी नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं राजानंद संस्थान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने इतना बढ़िया अवसर हमें दिया। और हालांकि हम लोग उसी विचारधारा में पिछले कई सालों से हैं, लेकिन ये मेरा सदैव मानना रहा है कि इसके बावजूद हमें इस तरह के कार्यक्रमों की, इस तरह के महान लोगों को सुनने की आवश्यकता बनी रहे। मैं एक उदाहरण जैसे दूं, मेडिकल स्टोर है, उसमें सारी दवाएं जो है वो जीवन रक्षक है, लेकिन मेरे लिए कौन सी दवा उपयोगी है ये तो कोई ना कोई केमिस्ट या डॉक्टर ही बताए। तो खुद की समझ तो विकसित होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक मदद भी हमें जहां जरूरत होती है वो मिलती है। इसलिए मैं संस्थान का बहुत आभारी हूं। दूसरा जो मैं सुन रहा था अभी लास्ट में ही बात आई थी कि कॉलेज लेवल पर, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हूँ, कॉलेज लेवल पर ये कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं और स्कूल लेवल तक ले जाना कठिन थोड़ा सा ऐसा मुझे लगा, ऐसा सीधे तो नहीं कहा गया। राजानंद संस्थान आनंद सभा के माध्यम से कुछ इस तरह का ही ह्यूमन वैल्यू को लेकर काम कर रहा है और कोरोना के कारण हम उसको व्यवहारिक रूप में बहुत अच्छी तरह से लॉन्च नहीं कर सके। तो ये मेरा, आप चूंकि आपका टेक्निकल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल सेंटर, टेक्निकल इंस्टीट्यूट वाली बात है तो ठीक है, लेकिन हम लोग इसको, मैं ये जानकारी के लिए कहना चाहता था कि इसको स्कूल लेवल पर ले जाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो आप सबसे बातचीत हो रही है वो हम सबके लिए बहुत बहुत उपयोगी है। और ऐसे सत्र में तो चाहता हूँ, अभी हम सिर्फ जितना लोग जुड़े हैं ठीक है, आगे हमारे जो भी मध्य प्रदेश के साथी हैं वो इसी तरह के कार्यक्रम और चाहते हैं, वो भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, इस तरह हम भविष्य में इस पर काम करेंगे। तो मैं सिर्फ इसलिए अपनी बात रखा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा, सारी बातों को मुझे जो लगा मैंने नोट भी की है और बहुत सारी मुझे प्रेरणा मिली है। मैं भी ये कह सकता हूँ, मेरे दोनों बच्चे हैं और दोनों आईटी में नौकरी कर रहे हैं, बेटी मेरी डेलॉइट में है, बेटा टीसीएस में है, दोनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो मैं जो देख पाता हूँ कि वो थोड़ा सा नेचर से दूर है और उनकी दुनिया कुछ अलग है हमारी दुनिया से, क्योंकि वो सुबह से शाम तक अपना ऑनलाइन नौकरी करते हैं, उनके खाने की स्टाइल अलग है, उनके रहने की स्टाइल अलग है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, मुझे और तो दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा वो नेचर के नजदीक हो, ये मेरी उनसे अपेक्षा रहती है और मैं अपने स्तर पर इसके लिए प्रयास भी करूँ। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत अच्छा। श्रीमती वर्णा जी अपने हैंड रेज किया। जी। श्री नितिन कुमार जी। जी जी, सबसे पहले तो सर मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लग रही है, एकदम कनेक्ट कर रही है, हमारे हार्ट तक जा रही है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अभी सारी बातें हमने की तो मुझे वो बहुत कनेक्ट की गई हैं, पर उसमें से एक चीज के साथ मुझे थोड़ा सा सहमति नहीं लग रही है, जो आप बार बार कह रहे हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो जैसा कि पहले राजेंद्र सर ने भी बोला था कि जो कहानी है हामिद वाली, तो वो मैं भी अपने आप में फील करती हूँ। मैं जब से आनंद संस्थान से जुड़ी हूँ तो मैंने टोटल अपने ऊपर काम किया है और मेरा ये मानना है कि मैं
खुद पे यदि चेंज करती हूँ तो मैं एक छोटी सी बात भी यदि किसी से बोल रही हूँ तो वो आसपास के बहुत सारे क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। तो यदि शिक्षक खुद यदि ऐसा बन जाता है तो वो कुछ भी पढ़ाए उसके अंदर का चरित्र जो है वाइब्रेशन के रूप में बच्चों पे इफेक्ट डालने वाला है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में मुझे नहीं लगता कि कमी है, जो भी है वातावरण जरूर हमारा बहुत ज्यादा भारी हो चुका है। और वो शुरुआत से मैं भी जब पढ़ती थी तो लक्ष्य तब यही था पढ़ाई का, हम लोगों को शायद बहुत पहले से यही बताया गया था पढ़ लिख लो तो कुछ बन जाओगे तो अच्छा जीवन यापन चलेगा, शादी हो गई बहुत अच्छे से जीवन यापन चला, मतलब बहुत वो था समृद्धि थी, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ आया जिसने कहा कि क्या यही जीवन है, और जिस चीज ने मुझे अपने आप पे काम करने के लिए मोटिवेट किया और मैं उस पर लगातार करती जा रही हूँ। और मैं राज्य आनंद संस्थान का बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमेशा करती हूँ कि मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे प्राप्त हुआ और उसी की और गहराई को प्राप्त करने के उद्देश्य से हमने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है और निश्चित ही हम उसमें और आगे जाएंगे, हम सब की ये जर्नी है। तो मैं यही आपने बात शेयर करना चाहती, थैंक यू। बहुत अच्छा वर्णा जी, मैं थोड़ा सा उसको और इलैबोरेट कर दूं कि अगर हमें लगता है कि डिलीवरी की सिर्फ प्रॉब्लम है तो अच्छा है हम उसको और अच्छे से डिलीवर करें, उसके बाद अगर कोई सीमा दिखती है और लगता है कि नहीं वस्तु पे भी काम करना तो वस्तु पे भी काम कर लेंगे। तो शिक्षक तैयार हो, शिक्षक का व्यक्तित्व तैयार हो और इस एजुकेशन में जो कंटेंट है उसको और अच्छे से डिलीवर कर पाए तो जाहिर बात है कि आज की जो स्थिति उससे बेहतर स्थिति बनेगी। उसके आगे अगर हमें लगता है कि कंटेंट में भी कुछ सुधार किया तो कंटेंट में भी सुधार करेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू। नितिन जी, जी सभी आदरणीय जनों को मेरा हृदय की गहराइयों से नमस्कार। अभी जो हमारे प्रिय भाई रमेश व्यास जी ने जो प्रश्न पूछा था कि उसका थोड़ा हमें आंसर आया तो मैंने तुरंत अपना हैंड रेज किया, अगर आप सभी लोग सहमत हैं तो आज्ञा हो तो मैं शेयर करूं। हाँ बताइए ना। जी जी, तो उन्होंने पूछा कि राइट अंडरस्टैंडिंग और जो बताया उन्होंने कि उसके संबंध में अपना दृष्टिकोण जो है ईमानदारी का होना चाहिए तभी वो हमारी समझ सही से विकसित होगी और सोच अच्छी होना चाहिए। तो ये दो चीजें हैं जिनसे हम हमारी समझ को विकसित कर सकते हैं। जी जी, इसको हम लोग जैसे जैसे आगे चलेंगे ना सत्र में और स्पष्ट होगा कि सही समझ या समझ इसका अर्थ क्या है और कैसे और ये एक निरंतरता हो सकती है। जी, सुख के संबंध में भी जो आपने शुरू में बोला तो सुख को हम कैसे परिभाषित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके संबंध में एक एक शोपेनहावर हैं, दार्शनिक थे जो, तो उन्होंने सूत्र दिया था, उन्होंने सुख इजिकल टू पूरी हुई इच्छाओं की संख्या अपॉन कुल इच्छाओं की संख्या। जैसे आपकी 10 इच्छाएं हैं और 5 इच्छाएं पूरी हो गई तो आपका सुख 50% हो गया, और यदि 10 इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो आप 100% सुखी हैं, और अगर उससे अधिक इच्छाएं हैं तो उनका पूरा हो जाना कठिन होगा, इसलिए आप कम सुखी होंगे। और उन्होंने ये बताया कि किसी अंक को अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा शून्य है, तो किसी अंक को शून्य से भाग देने पर वह अनंत हो जाता है। तो अगर आपकी इच्छाएं शून्य है तो आपका सुख भी अनंत हो जाएगा। तो ये सुख को मैं जो जीता हूँ जिस हिसाब से वो मैंने शेयर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कल सुबह जो सत्र होगा उसमें सुख को परिभाषित करेंगे, पर थोड़ा सा मैं हिंट कर दूं जी कि अगर इच्छा ही मुझे सहज रूप से स्वीकार न हो जी, तो पूरी हो या ना पूरी हो तो दुख का कारण बना रहता है। बिल्कुल बना रहता है। तो सिर्फ इच्छा कहना पर्याप्त नहीं है, कौन सी इच्छा है जो मुझे सहज रूप से स्वीकार है इसको समझना भी आवश्यक है। बिल्कुल, उसके लिए अगर हम संतुष्ट हों जो मुझे मिला हुआ है तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है और हम संतुलन खो बैठते हैं, और एक बार मानसिक संतुलन हमारा खो दिया तो हम अपनी मानवीयता भी खो बैठते हैं। तो कल इस पे बात करेंगे सर, विस्तार से बात करेंगे, सुख के बारे में भी करेंगे जी, संतोष का क्या मतलब हो सकता है, समृद्धि का क्या अर्थ हो सकता है, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे जी। थैंक यू, बहुत अच्छा।
अच्छी बात है कि आप लोग इतने कनेक्टेड रहे और हर एक मुद्दे पे आपने विचार किया है, इसको रिफ्लेक्ट किया अपने आप में, जांचा है, बहुत अच्छी बात है। जी आप सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को ट्रेनिंग दी, समझाया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने अभी तक कुछ शेयर ना किया हो, वो अगर कुछ शेयर करना चाहें तो हैंड रेज कर सकते हैं या तो हम लोग नाम पुकार सकते हैं। गणेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? धन्यवाद सर। मैं एक बात, जो आपने स्वयं की जांच के लिए कहा है, तो जब हम स्वयं की जांच करने के लिए जाते हैं, स्वयं का परिमार्जन करने के लिए, तो एक द्वंद्व खड़ा होता है उस समय। और आज जिस उम्र में हमें एक लंबा अनुभव हमारे साथ में है, अच्छे और बुरे दोनों अनुभव होते हैं, तो उसी के साथ जो है द्वंद्व खड़ा होता है और चीजें एकदम से बदलने में बहुत कठिनाई आती है। तो ये जो प्रोसेस है बहुत लंबी प्रोसेस है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं तो ये बचपन से शुरू होना चाहिए। जैसे कि अभी शिक्षा में बहुत सारे लोग बात रख रहे थे, अपने साथी लोग, कि सिलेबस में तो सब कुछ है लेकिन देखने में आता है कि प्रैक्टिकली नहीं है वो, तो कहीं से बचपन से इसकी शुरुआत की जाए। और वहां से भी प्रयास होना चाहिए कि बच्चों को कुछ ऐसे होमवर्क या टास्क दिया जाए जिसको लेकर के एक कहानी उनको सुनाई जाए, और जैसे कि ईदगाह वाली कहानी हम मुंशी प्रेमचंद की जो है, तो प्रैक्टिकल में बच्चों को ये कहानी सुनाने के बाद कि उनके साथ में यदि ऐसा होता है तो वो किस प्रकार से अपने परिवार में या अपने आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसके कैसे क्या सोचते हैं उसके बारे में, और कैसे मदद कर सकते हैं, क्या भावनाएं उनकी, तो प्रैक्टिकली उनसे बात करके आए और फिर अपने अनुभव कक्षा में सुनाए। तो सिलेबस में बाकी चीजों की पढ़ाई के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि बच्चों को जो हम स्वयं की जांच करने की आज जो बात कर रहे हैं तो उसी समय से उनके अंदर जो मानव मूल्य जो है वो स्थापित करने का प्रयास हो, और उसको भी परीक्षा का एक हिस्सा बनाया जाए, और यह निरंतर जो है उच्च शिक्षा तक या शासकीय सेवा तक भी बना रहना चाहिए। और जब हम अधिकारी जो है वो गोपनीय रिपोर्ट जिस तरीके से तैयार करते हैं, इसी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की मूल्यांकन करके एक रिपोर्ट तैयार करें, तो मुझे लगता है कि हम काफी कुछ परिमार्जन अपने अंदर कर सकते हैं। इसमें मैं दो बातें कहूंगा कि अपेक्षा तो ये ठीक है, परंतु इसको पूरा करने के लिए हमें शिक्षक भी चाहिए होंगे और नीति बनाने वाले लोग भी चाहिए होंगे जी, ऐसे माँ पिता भी चाहिए होंगे जो अपने बच्चों को इसके लिए प्रेरित करें, ऐसे विद्यालय में पढ़ने के लिए, ऐसी शिक्षा लेने के लिए। अल्टीमेटली हमें वयस्क लोगों को तैयार करना भी होगा, जैसे आप सभी लोग शिक्षक हैं, आप तैयार होंगे तब जाके आपके कार्यस्थल पे विद्यालय में ये शिक्षा ठीक से जा पाएगी, बच्चों को ठीक से कम्युनिकेशन हो पाएगा। इसलिए इसके लिए शिक्षक, माँ पिता और नीति निर्धारक, इन तीनों का तैयार होना जरूरी है, और उसके लिए उच्च शिक्षा में भी काम करने की जरूरत। दूसरी बात है कि शिक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, और फिलहाल मैं एक सोशल वर्कर हूँ और बच्चों के साथ भी काम करता हूँ और वयस्कों के साथ भी। अच्छा, उसमें इन चीजों को एक इनपुट के रूप में और जोड़ लेंगे तो और उसमें क्लैरिटी बनेगी और आगे के लिए और एक दिशा प्रशस्त दिखाई देगी जी। और बच्चों के साथ भी करें, और बच्चों को भी हम बहुत तरीके से मैसेज ले जा सकते हैं, जैसे कहानी, कविता, नाट्य, इन सब विधियों से, परंतु उन सबके मूल में जो एसेंस है वो कन्वे होना जरूरी है, जो सार है, तो उसके लिए ऐसे कोर्सेज की जरूरत पड़ेगी जिसमें सीरियस मुद्दे पे बात कर सके और बच्चे से संवाद कर सके, जिस प्रकार आपके साथ संवाद हो रहा है ऐसे ही संवाद हम बच्चों के साथ भी कर पाए जी। डॉक्टर कुमार, एक मिनट में अपनी बात में रखना चाह रहा हूँ। जी जी। इसमें हुआ क्या था कि मध्य प्रदेश में जब हमने सीसी पर काम किया, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन पे काम किया, तो उसमें ये बात निकल के आई थी कि भाई कक्षा में सपोज की कक्षा चल रही है और एक बच्चा क्या करता है कि पेंसिल नहीं लाया और दूसरा बच्चा उठ के उसको पेंसिल देने की कोशिश करता है, तो टीचर क्या करता है कि उसको डांटता है कि पेंसिल क्यों नहीं लाया हो।
इसकी बजाय कि वो उस बच्चे को अप्रिशिएट करे कि वो अपनी चीजों को शेयर कर रहा है। तो जब वो शेयर कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो बच्चा नहीं लाया था उसको शांति से कहना चाहिए कि बच्चे कल से बेटा आपको लाना है ना, टाइम किल होता है। तो ये जो दृष्टि है, जो अफेक्टिव डोमेन की बात हो रही है, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का चैप्टर 4 है जो टीचर एजुकेशन पर अभी आया है, तो उसमें ये बात हुई है कि टीचर जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो उसमें टेस्ट के अलावा भी असेसमेंट के कुछ ऐसे टूल डेवलप करेंगे जिससे टीचर की डिलीवरी किस तरह की हो रही है उसको भी असेस करने की इस बार बात हुई है। तो कहीं ना कहीं ये फीडबैक तो आए हैं कि एक टीचर को बेसिकली केवल नॉलेज बेस्ड नहीं होना है बल्कि उसके अंदर कुछ और चीजें भी जिनकी हम बात कर रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर। इसमें मूल बात देखें तो ये है कि शिक्षक के अंदर छात्र के प्रति संबंध का भाव हो। अगर संबंध का भाव होगा तभी ऐसा व्यवहार कर पाएगा। जी बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, संबंध की व्यापकता, संबंध को व्यापकता से देखने की आवश्यकता है, वहीं पर ये भाव आता है। जी जी। बालवीर जी ने हैंड रेज किया। जी जी सर, नमस्कार। अभी बात हो रही थी सर कि जो उच्च शिक्षा में इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा और कई जगह मतलब इसको एक्सपेरिमेंट हुआ, और वो बता रहे थे कि सर जैसे एक काउंसलिंग में मतलब पूछा गया कि आप किस प्रकार का जॉब पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा कि खुद को सेटिस्फिकेशन अच्छा लगे और अच्छी सैलरी मिले और वो बहुत अच्छी जगह होगी जहाँ काम भी ना करना पड़े। जी, तो मैं समझ सकता हूँ कि उच्च शिक्षा की बजाय यदि प्राइमरी लेवल से उसको अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो शायद हमारी वो न्यू में रहेगा, उसकी जड़ में रहेगा, और इसमें परिवार के साथ किया जाए, जैसे परिवार के उनके जो माता पिता की अभी बात हो रही, माता पिता को इंक्लूड करते हुए इसको अगर करेंगे तो शायद हम बहुत कुछ इसमें परिवर्तन कर पाएंगे सर, ऐसा मेरा मानना है। इसको मैंने रिस्पॉन्ड किया, बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन में जाना जरूरी है उच्च शिक्षा से शुरू करके, ताकि उच्च शिक्षा से अगर हम शिक्षक तैयार कर पाए ऐसे जो वस्तु को ठीक ठीक पहुंचा पाए, संप्रेषित कर पाए और अपने आचरण में तो प्रमाणित कर पाए, तो बिल्कुल एक और लॉजिक है कि कितने लोग उच्च शिक्षा तक पहुंचते हैं वो भी एक प्रॉब्लम है, कि जैसे एक हम अच्छे समाज का निर्माण करना चाह रहे हैं ऐसा हमारा सोचना है कि एक मानवीय सोच समझ के साथ हमारा अच्छे समाज का निर्माण हो, तो बहुत सारे लोग उच्च शिक्षा तक पहुंचते ही नहीं है। जी, परंतु जो शिक्षक होंगे जिस लेवल पे जाके वो शिक्षक बनते हैं, जी जी, लेवल पे तो नहीं जाना जरूरी है ना, ताकि शिक्षक तैयार हो। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ। जी सर, थैंक यू सर। जी विष्णु जी, आपने भी हैंड रेज किया। विष्णु सिंगौर जी, गणेश जी आप कुछ और ऐड करना चाह रहे हो, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ सर, मेरी बात हो गई थी। अच्छा ठीक है जी, धन्यवाद जी। विष्णु सिंगौर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। सर नमस्कार, मैं क्या पहुंच रही हूँ, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आवाज नहीं आ रही। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा सर, और मुझे खुशी है कि मानव मूल्यों को लेकर के आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा जानकारी लेकर कि मानवीयता को बढ़ाने की दिशा में आप लोग काम कर रहे हैं। आज के सेशन में काफी बहुत ज्यादा चर्चा यह हुई कि मानव मूल्यों को मानव मूल्य आधारित पाठ्यक्रम शिक्षा में जोड़ा जाए, उच्च शिक्षा में जोड़ा जाए कि प्राथमिक शिक्षा में जोड़ा जाए। बहुत दिनों से मेरे अंदर यह द्वंद चलता रहा है कंटिन्यूअसली कि मानव मूल्य आधारित शिक्षा ऑलरेडी हमारे सिलेबस में है, प्राइमरी लेवल से लेकर के सेकेंडरी एजुकेशन तक, चाहे वो कविता के रूप में हो, कहानी के रूप में हो,
बचपन ईश्वर के रूप में हो काम कविता हो सुमंगल से सुमन के सतपुड़ा के खड़े जंगल तो पर्यावरण है नैतिक शिक्षा है शारीरिक शिक्षा है सुभाषपाणी श्लोक है नीतिगत श्लोक है मानव मूल्य से आधारित पाठ्यक्रम थोड़ी आपकी आवाज कट रही है सर आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ पा रही बीच में रुक जा रही है कटके आ रही है जी कहीं कनेक्टिविटी का इशू होगा अब देखिएगा हाँ अभी क्लियर है अभी क्लियर है हाँ अभी क्लियर है तो मैं ये कह रहा था सर कि आज के सेशन में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि शिक्षा को लेकर के शिक्षा में मानव मूल्यों को रखा जाए विषय को रखा जाए पाठ्यक्रम को रखा जाए कहीं डिलीवरी की समस्या हो रही है या समझ की तो सिलेबस में ऑलरेडी है ही चाहे वह सुभाषतानी श्लोक के माध्यम से बच्चों को सिखाने की बात हो रही है नीतिगत श्लोक के बाद के माध्यम से डिलीवरी हो रही है पंच परमेश्वर जैसी कहानियों के रूप में हो रही है कविता के रूप में मानव मूल्यों का पाठ बच्चों को सिखाया जाता है। एक छोटी सी कहानी मैं शेयर करता हूं तो शायद कुछ समझ में आए हम स्टेज ऐसा समय की सीमा है सर संक्षेप में रखेंगे तो अच्छा रहेगा बिल्कुल संक्षेप में है एंडिंग में गुरु द्रोणाचार्य एक दिन जो है कौरव और पांडव को सच्चाई का पाठ सिखा रहे थे एक लेसन दिया हुआ था उनको याद करने के लिए कि सच्चाई का पाठ आप लोग याद करके आएंगे दूसरे दिन जब द्रोणाचार्य जी ने पूछा तो सभी लोगों ने हाथ उठा दिया कि मैंने याद करके आया और रटा रटाया जवाब बच्चों ने दे दिया लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो चुपचाप बैठे रहे जब द्रोणाचार्य जी ने उनसे पूछा कि क्यों भाई क्या बात है तुमने अपना होमवर्क नहीं किया तो युधिष्ठिर जी खड़े होके और नीचे नजर करके जवाब देते हैं कि गुरु जी जब तक मैं इसको सच्चाई का जो लेसन है उसको अपने व्यवहार में नहीं उतार लेता तो मैं कैसे कहूं कि ये मुझे याद हो गया है। थैंक यू उम्मीद है कि थैंक यू मंसारे जी सर आ रही आवाज हेलो हाँ जी जी सर पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मुझे इसमें भाग लेने का अवसर मिला राजानंद संस्थान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए। अगला यह कि इसमें जो अपनी समझ और मानवीय मूल्यों के बारे में जो चर्चा हो रही है स्कूलों में बच्चों के लिए लागू करने के लिए या कैसा किया जाए कि तो मेरा एक ऐसा सुझाव या निवेदन कहें या मेरा मानना ऐसा है कि हम मैं भी शिक्षक हूँ तो शिक्षक में वो पारदर्शी गुण सारे क्लास में बच्चों को देखना चाहिए और वो पारदर्शिता एक हमारे अल्फीराम में कार्यक्रम है फ्रीडम गिलास पारदर्शी गिलास की हमें गतिविधि करते हैं बस वही भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो बच्चों स्कूली बच्चों में हम जब देखते हैं तो सर मैं ट्राइबल क्षेत्र से हूँ तो ट्राइबल के ग्रामीण और शहरी बच्चों में काफी भिन्नता नजर आती है कि ये मानवीय मूल्य जिनकी हम बात कर रहे हैं स्वयं के अंदर झांकने की बात कर रहे हैं स्वयं की समझ की बात कर रहे हैं तो इसमें से 80% गुण हमारे ट्राइबल के उन आदिवासी बच्चों के अंदर नेचुरली प्राकृति उनके बीच में है जो शहरी बच्चों के बीच में वो नहीं है। वो आदिवासी बच्चा यदि हम मूंगफली बेचने आता है उसको चार बच्चे शहर के दिख जाते तो उनको एक एक मुट्ठी फली वो फ्री में दे देगा लेकिन शहरी बच्चा उस ऐसे बच्चों की मदद नहीं करेंगे। तो एक ये भी विरोधाभास देखने को मिलता है कि शहरी बच्चों में वो मानवीय मूल्य नहीं है जो ग्रामीण अंचल के उन आदिवासी बच्चों में है। तो एक तो ये अलग अलग विचारधाराएं हैं तो जब स्कूल में एक साथ होंगे और शिक्षक के द्वारा इस प्रकार का पारदर्शी और समझ और मानवीय मूल्य वाली बातें बताई जाएगी तो निश्चित है कि उन बच्चों में प्रभाव पड़ेगा और सारे सारे बच्चे उन आदर्शों को मानेंगे। धन्यवाद सर जी बहुत अच्छा। थोड़ा सा मैं और क्लैरिफाई कर दूं कि आदर्शों को मानना मुख्य प्रयोजन नहीं है परंतु उसको समझ पाना समझ कर जी पाना बट आपका आशय यही रहा जी
संजय कुमार श्रीवास्तव जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का सेशन वाकई में बहुत ही मतलब गहराइयों वाला सेशन रहा, और मुझे जहाँ तक इन तीनों बातों पे जो थोड़ी भी समझ में आई है कि समझ को जहाँ तक इंफॉर्मेशन से जो हम समझ पाते हैं, कोई भी हमको सूचना मिलती है और जब हम उन सूचना को तथ्यों के आधार पे उसको जांच पाते हैं, और तथ्य तभी बनता है जब सूचना की प्रमाणिकता सिद्ध होती है, और उसके लिए हमें जांचना बहुत जरूरी है। ये आज के हमें सेशन में जानने को मिला कि जब तक हम अपने आप से बात नहीं करेंगे, वहीं जब और इसमें हमारी जो अंतरात्मा है जो हमें डायरेक्शन देती है, ये बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूंगा कि हमें वो बुद्धि और विवेक की बात, जहां तक विवेक की बात है, तो वो हमें अंतरात्मा दिखाती है कि हमें सही रास्ता इसको पकड़ना। तो समझ का जो आज हमारा टॉपिक रहा है काफी बहुत अच्छा रहा, और मुझे बहुत अच्छा नई नई जानकारी और भी मिली, और आप लोगों की जो प्रेजेंटेशन का तरीका था बहुत अच्छा लगा। दूसरा जहां तक संबंध की बात है, तो जैसे अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य या तो सामाजिक है या यदि सामाजिक नहीं है तो या तो वो देवता है या पशु है। तो सही बात है कि इन सारे संबंधों में जब तक हम प्रेम की भाव नहीं लाएंगे, प्रेम हमें अंतरात्मा ही डायरेक्शन देती है कि आप मनुष्य का जब जन्म लिए हो तो आप दूसरे लोगों से प्रेम करो, प्रकृति से प्रेम करो, जो भी ईश्वर ने हमको जिस रूप में भी दिया है। तो ये बहुत अच्छा आपका टॉपिक रहा संबंधों को लेकर के। और साधन की जहां तक बात है, तो खुश रहने के लिए साधन सीमित हो चलेगा, हम खुश रह सकते हैं, और ऐसा हमें अल्पविराम ने बताया भी गया। और मैं देख पा रहा हूँ कि पूरा का पूरा सेशन जो है हमारे अल्प विराम से टच हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। भाषा शैली अलग हो सकती है, उन भावनाओं के शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन बात वही है। और जो हम देख पा रहे थे, जैसे मंसारी जी ने कहा कि फ्रीडम ग्लास, सीसीडी की बात कही हमारे एसआरटी जी ने, राजेंद्र जी ने, तो जो ये सब सारी चीजें जो है हम लोग करते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको अनेक अनेक दिल से धन्यवाद। थैंक यू।